राघव गुप्ता, हाय ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। शेयर वगैरह सब कुछ कर देना ब्रो हो सके तो। हम लोग आ चुके एक नया स्ट्रीम लेके, PMCW का डे 2 पावर गेवन एक्स बाई OP ब्रो। थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते मैम। हेलो ब्रो, ब्रो राघव, तो अगर आपका दिक्कत हो रहा है तो फिर रिफ्रेश कर देना। एक सेकंड, मैं शेयर कर रहा ग्रो स्ट्रीम लिंक, एक्चुअली दैट्स व्हाई ऑफ हूँ मैं। मस्ती कर गेमर, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। यार जो जो देगा थोड़ा सा बने रहो स्ट्रीम पर, मैं आऊँगा कुछ मिनट में। ऐसा ना तो कोई ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ज्वाइन हो जाएगा बहुत ही जल्दी आई गेस। अगर स्क्रीन छोटा दिख रहा है तो फिर बड़ा भी हो जाएगा बहुत ही जल्दी। ओके, हेलो इंटरनेशनल, मस्ती करके मैं, क्या हो गया? इंटरनेशनल वगैरह कुछ नहीं है, PMCW है अपना सेकंड दिन है अपने PMCW का, और कल हम लोग ने इंटरनेशनल स्क्रीम्स जीते थे एक्चुअली। गुलवा गेमिंग, हेलो, अगर स्क्रीन छोटा दिख रहा है तो फिर बड़ा हो जाएगा, टेंशन ना लेना गाइस, थोड़ा सा टाइम दे दो उसको, वो बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओ हाँ बिल्कुल ब्रो, हेलो देबू चचा, अरे भाई एपिक्स ब्रो गुप्ता, क्या हाल चाल? शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना एपिक्स भाई। गुलबर्ग में आईडी पास दे दो ब्रो। आईडी पास तो हम नहीं दे सकते क्योंकि ये PMCW चल रहा है, इसमें तो IDP लीक नहीं होता ब्रो। सुन 2K, बिल्कुल भाई 2K बहुत जल्दी होने वाला है ब्रो, बिल्कुल 4 बजे IDP लीक तो नहीं होने वाला, 4 बजे एग्जैक्ट गेम चालू हो जाएगा, इसीलिए जो जो खेल रहे हो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाओ। क्यों ब्रो, PMCW चल रहा है टूर्नामेंट, इसमें प्राइस पूल वगैरह सब कुछ है, इसीलिए हम इसका तो IDP लीक नहीं कर सकते ब्रो। प्राइस पूल, इनवाइटेड टीम्स भी होंगे फाइनल्स में, तो फिर दिक्कत है ब्रो। ओके रुक, शेयर करके आता हूँ एपिक्स गेमर्स इनवाइटेड। बिल्कुल भाई शेयर करके आ जा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दे भाई, मेरे को भी जाना होगा एक बारी लाइक थंबनेल देने के लिए। थंबनेल लगाने के लिए मेरे को एक बारी जाना होगा, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, एक्चुअली 1 मिनट के लिए मेरे को जाना है। मैं बस सामने लगने आया हूँ तो फिर थोड़ा सा रुक जाओ वीडियो। IDP और के यदि कर्म कर, फिलहाल तो ये PMCW चल रहा है, इसमें तो IDP लीक नहीं होता ब्रो। ब्रो बिल्कुल 4 बजे हम लोग बोल सकते, तो फिर जब तक के लिए आप लोग बने रहो स्ट्रीम पर। श्रीकत हल्दर, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंंक्स फॉर ज्वाइन करने के लिए। गाइज जो जो ज्वाइन कर रहे हैं, एक बात बता रहा मैं, ये कर रहा मैं बस सामने लग रहा, तो फिर थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ थंबनेल लग रहा था भाई, थोड़ा सा रुक जाओ गाइस। अगेन हाय ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम, देवदा बिग फैन शुभदीप पाल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो ज्वाइन करने के लिए।
जी नाइम वेलकम टू द स्ट्रीम, आप प्रमोट करवा दो गुलवा गेमिंग, ज़रूर हम लोग प्रमोट स्ट्रीम ज़रूर करते हैं भाई, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, ज़रूर आपका प्रमोट होगा। ओके आई गेस मैंने थंबनेल वगैरह सब कुछ लगा दिया है, लेट्स गो बैक टू आवर स्ट्रीम। 91 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेट्स सी क्या होता है। 23 नाइस, बहुत सारे बंदे हम लोग देख सकते हैं ज्वाइन कर चुके हैं, लेट्स सी क्या होता है। गाइस जो जो देख रहे हैं एक बार शेयर करके आओ, जो जो मॉड्स वगैरह भी देख रहे हो एक बार शेयर कर देना भाई जल्दी से जल्दी, और अगर स्क्रीन छोटा दिख रहा है तो फिर बड़ा हो जाएगा उसका टेंशन ना लो, लेकिन एक बात बताओ स्ट्रीम सही चल रहा है या फिर नहीं, बैकग्राउंड में से कुछ नॉइस वगैरह नहीं और थंबनेल वगैरह दिखा रहे या फिर नहीं, सब कुछ एक बारी बता दो मेरे को, दिखाना तो चाहिए ब्रो बाय द वे, क्योंकि मैंने अभी अभी ही डाला है। एक बारी जो जो देख रहे एक बारी बता दो मेरे को सब कुछ सही है या फिर नहीं। कर दिया ओके ब्रो, शोकर सब कुछ सही है या फिर नहीं, साउंड वीडियो एंड थंबनेल सब कुछ सही है कि नहीं एक बारी बता दे मेरे को, सब बंदे को पूछ रहा मैं, सब कुछ सही है ना स्ट्रीम में। हम लोग का दूसरा दिन PMCW का पहला गेम आ चुका है, लेट्स सी क्या होता है। इसमें से प्रीवियस से बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला था इरांजिल के गेम में, लेट्स सी यहाँ पे मीरामार में कैसा लॉबी होता है, कैसा गेम्स वगैरह होता है, लेट्स सी। इसलिए बने रहो देखने के लिए कौन सा गेम रहता है। देखो IDP दे शोई को एपेक्स भाई, इसका तो IDP नहीं मिलेगा, आप लोग ग्रुप बी में हो और ग्रुप बी का IDP आपको ज़रूर मिलेगा। एपेक्स ब्रो आप कहाँ से हो? सिद्धार्थ भाई मैं कोलकाता से हूँ ब्रो, सिद्धार्थ भाई मैं कोलकाता से हूँ। थंबनेल सही है, थैंक्स ब्रो। थंबनेल अपना एक ही बंदा बनाता है थंबनेल, अपना राज जोड़ भाई वही वाला ही बनाया है। देखो IDP दे लियो गेमिंग, इसका IDP नहीं दे सकता ब्रो। हाँ तुम लोग का जो गेम है उसका IDP मैं दे दूंगा 4 मिनट में, टेंशन ना लो। तुम लोगों का जो है उसका मैं दे दूंगा, टेंशन ना लो ब्रो। प्लीज़ एक बार बोल दो गुलवा गेमिंग सब्सक्राइब कर दो। गाइस गुलवा गेमिंग को एक बार ही जाके चेकआउट कर लेना गाइस, लेकिन ये वाला बोलने से ज़्यादा बंदे जाएंगे नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरे को इस पर एक बार इंस्टाग्राम पे DM करो गुलवा भाई। हम लोग स्ट्रीम ये करते हैं लाइक सपोर्ट स्ट्रीम करते हैं, तो फिर आप वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। IDP टा दीवी ना ना ब्रो, और ज्योति भाई यहाँ पे तो IDP नहीं मिल सकता इसका, लेकिन इसका तो IDP नहीं मिलता ब्रो क्योंकि ये PMCW चल रहा है ग्रुप ए। और ज्योति संडे सपोर्ट स्ट्रीम DM ऑन इंस्टा, बिल्कुल भाई संडे को सपोर्ट स्ट्रीम होता है, आप लोग जरूर मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। अबे ग्रुप क्या, और ज्योति भाई क्या हो गया? ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ओपी लगता है मेरे को, ये जो बनाया है PUBG ने। 4 बजे स्ट्रीम करो ओके ब्रो, लियो भाई तुम लोग का IDP जरूर आ जाएगा तेरे ग्रुप में, रुक जा 2 मिनट में जाऊंगा मैं, उसके बाद IDP दूंगा चलाऊंगा GH क्रॉसिंग, उसका IDP आएगा ब्रो 4 मिनट में। और को ज्योति कर्म कर क्या, मैं वही जो सोच रहा हूँ, क्या तुम वही बंदा हो और को ECT स्टार बॉय? अगर हो तो फिर आपको IDP जरूर मिल जाएगा 2 मिनट में, अगर नहीं हो तो फिर मेरे को नहीं पता। ऑलरेडी 50 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी गेम चालू हो जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी बाकी के बंदे आ जाओ, बाकी के बंदे भी जल्दी से जल्दी आ जाओ। गाइस दूसरा गेम है अपना क्वालिफायर्स का, लेट्स सी कितना का लॉबी होता है। प्रीवियस वाले हम लोग देख चुके थे 67 का लॉबी था, इस बार अभी तक 50 के ऊपर बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। विलार्ड गेमिंग हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम,
थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। देवो भाई बॉट स्पोर्ट्स से आर्टिजेट करा दो प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है बॉट स्पोर्ट्स से। कौन हो तुम नाइटबॉट? कौन हो तुम नाइटबॉट? बॉट है भाई। फिनिक्स गेमिंग आपका लाइक आप क्या बोलने की कोशिश कर, मैं समझा नहीं सही से, एक बारी बताओगे? देवू भाई बॉट स्पोर्ट से आर्टिजेट करा दो प्लीज़ रिक्वेस्ट। आर्टिजेट करा दो मतलब बॉट स्पोर्ट्स किसी एक स्पोर्ट्स का नाम समझा, लेकिन आर्टिजेट का क्या मतलब है वो बताओ हमको एक बारी। हम लोग देख सकते टीम 9, 11, 12 और 17 नहीं आया अभी तक, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाओ। मतलब ह्यूमन है नहीं ब्रो, बॉट बॉट है ब्रो वो एक गेम। गाइस किसी वक्त चले हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाओ गाइस, जो जो खेलना है जिनको जिनको। और डेस्टिनी भाई अगर आप देख रहे हो स्ट्रीम तो फिर चालू मत करना, क्योंकि बहुत सारे बंदे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर उनको ज्वाइन करने दो भाई। डेस्टिनी भाई नहीं ब्रो, ह्यूमन नहीं विलर गेमिंग ब्रो, वो एक बॉट रोबोट टाइप का है भाई, आप बोल सकते हो। ओ बिल्कुल ब्रो, योर स्ट्रीम इज वेरी एंजॉयबल। श्री राजेश्वरी भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुभोति पॉल नाइस। ओ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल विलर गेमिंग भाई, वो एक बॉट है। 64 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, गेम किसी वक्त चालू हो जाएगा, लेट्स सी। लेकिन उससे पहले, स्ट्रीम शुरू होने से पहले मेरे को एक बारी जाना होगा बैक पीछे, क्योंकि मेरा एक छोटा सा काम है। भाई विक फैन वारद गेमिंग बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी खेलना है कस्टम ब्रो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। वारद गेमिंग ब्रो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो भाई, मैं आपको दे देता हूँ कैसे खेलना। मेरा टीम का नेम आर्टिजेट था, बट आपने उसे बॉट करवा दिया पॉइंट टेबल में, उससे आर्टिजेट करा दो आई एम स्लॉट से। जो पॉइंट्स टेबल बनाता है उसको डीएम कर दो, मैं तो नहीं बनाता भाई। लिंक ब्रो इंस्टाग्राम पे नेम दिया है मैंने, IGCMP देबू वाईटी को कांटेक्ट कर दो भाई, IGCMP देबू वाईटी को कांटेक्ट कर दो। IGCMP देबू वाईटी में है भाई, डिस्कॉर्ड कर लो ब्रो। नहीं ब्रो डिस्कॉर्ड बहुत सारे बंदे नहीं यूज कर पाते, दैट्स व्हाई हम लोग ने डिस्कॉर्ड नहीं किए। इंस्टाग्राम का लिंक इंस्टाग्राम एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी नहीं होता, मैं इंस्टाग्राम का लिंक मैं व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप में एक्चुअली होता है, एक्चुअली जो होता है व्हाट्सएप में होता है। इंस्टाग्राम पे वो जस्ट मेरे को डीएम करेगा, उसके बाद मैं व्हाट्सएप में आके कर दूंगा सब कुछ काम उनका। 65 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कुछ टीम्स हम लोग अभी तक देख सकते लाइक 17, 11 और 9 अभी तक ज्वाइन नहीं किए, तो फिर लेट सी कब तक ज्वाइन होता है। प्रीवियस वाले लॉबी की तरह 66 बंदे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, लेट सी क्या होता है, लेट सी ही क्या होता है। आई एम सो सॉरी, मेरे को थोड़ा सा स्ट्रीम स्टार्टिंग से दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इधर थोड़ा सा एक काम करता हुआ। 68 बंदे लोग ओके, प्रीवियस दिन 67 का लॉबी था ग्रुप ए में, अभी तक 68 बंदे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ए में, सेकेंड दिन में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। शुभदीप पाल ला फ्रॉम वेस्ट बंगाल ब्रो, अरे भाई मैं भी कोलकाता से हूँ शुभदीप भाई, शुभदीप भाई मैं भी कोलकाता से ही हूँ। थैंक्स ब्रो, 40 बंदे स्लॉट, 9 का बंदा नहीं आया, 17 दो टीम हम लोग देख सकते हैं लाइक नहीं आया, मेरे को नहीं पता स्लॉट 3 किसी का है या फिर नहीं, अगर नहीं है तो फिर सही है, लेकिन स्लॉट 3 का भी अगर बंदा है तो फिर हम लोग देख सकेंगे कि 3 टीम्स नहीं आई अभी तक। ओके हम लोग का गेम भी चालू हो चुका है, मैं शील्ड मूट हटाऊंगा कुछ सेकंड्स में, मैं शील्ड मूट कुछ सेकंड्स के बाद ही हटा दूंगा। एक सेकेंड गाइस, मीरामार का गेम में हम लोग देख सकते हैं 60 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेट्स सी कैसा गेम होता है।
एक सेकंड, मैं बस इधर एक बार स्ट्रीमलिंक शेयर करके ही दे देता हूँ, चालू कर देता हूँ। भाई क्या सोचा क्लिप्स के बारे में? हाँ ब्रो, क्लिप्स आ जाएगा बहुत ही जल्दी। हाँ, HDR एक्सट्रीम में क्लिप्स बहुत ही जल्दी आ जाएगा। नाचो, अरे भाई भाई बिल्कुल ब्रो, नाचो नाचो। ओके, ये है गेम अलग और गेम चालू होता हुआ। ये रहा प्लेन पाथ। भाई आपके पास कौन सा पीसी है? वैरत गेमिंग ब्रो, मेरे पास ऐसा अपना तो पीसी जो है बहुत बहुत ही पुराना है, और इसका लाइक HP का है, i3 वाला, बहुत पुराना है। दे भाई नहीं आया ब्रो, और को ज्योति भाई अभी तक नहीं आया IDP। IDP उन पर पीसी नहीं है ब्रो। ब्रो मेरे पे पीसी है लेकिन बहुत पुराना है, जितना कि मैं यूज़ नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा लैग करता है। और को ज्योति अभी तक नहीं आया ब्रो। लेट्स गो, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। SS थैंक्स ब्रो, ले रहा हूँ। किधर से लेता है SS पे? SS किधर से लेना है वैसे? SS उठा लो ना डेस्टिनी भाई, डेस्टिनी भाई SS उठा लो, आप भी उठा लो एक बारी। नीच वाला SS उठा लो बस। हम लोग आली फाइट सब कुछ स्ट्रीम नहीं करने वाले, तो फिर आली फाइट सारे हम लोग मिस करने वाले, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकते उसका, वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही है, तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। लास्ट 3 टीम्स उठा नहीं पा रहा भाई। 21, 22, 23 डेस्टिनी ब्रो, उसका उठा लो ब्रो। 22, 23, 21, 22, 23 उठा नहीं पा रहा, उठा लेना। ओके, ये है प्लेन पर ऑलरेडी फाइट, उतारने के बाद ही इन्फानो का फाइट चालू हो चुका है। इधर हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 23 और 21 बहुत ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे मिनी से शॉट लेता जा रहा है। ओ भाई भाई भाई, ऑलरेडी बंदे डाउन होने के बाद थोड़ा सा गन फाइट का सिचुएशन इस बार ही देख सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे बंदे आली फाइट लेते हुए टीम 23 और 21 के बीच है। वहाँ पे इन्फर्नो भी फाइट्स लेता हुआ, इन्फर्नो के पास एक बार ही चलते हैं हम लोग। इन्फर्नो ने ऑलरेडी 2 बंदे खो चुके हैं, अली फाइट्स में 2 किल्स भी कर चुके हैं। बिहसी अंडा में लेट सी, टीम नंबर 13 का भी बंदा है, टीम नंबर 13 का यहाँ पे देख सकते हैं 2 बंदे जिंदा। यहाँ पे इन्फर्नो अंकित अकेले बच्चे स्लॉट 5 के पास जरूर जाएंगे। रैम कितना है? 4 GB ब्रो, 4 GB भाई, ज़्यादा नहीं है ब्रो मेरा। इट वन अंकित यहाँ से फॉल बैक करता हूँ। डेस्टिनी भाई आपने उठा लिया ना इसे, स्क्रीनशॉट उठा लिया ना आपने? एक सेकेंड गाइस, मैं आ रहा। थोड़ा सा इधर का थोड़ा सा इधर इशू हो रहा है मेरा। इस मैच में है क्या CMP? नहीं ब्रो, ओके हम लोग वापस आ चुके हैं। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आली फाइट हम लोग ने मिस कर दिया, थोड़ा सा इशू हो गया था मेरा, दैट्स वाई आई एम सो सॉरी। एक सेकेंड रुक जाओ बस, मैं कमेंट्री वगैरह नहीं कर रहा, थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकेंड का टाइम दे दो मेरे को। जो CMP नहीं है ब्रो, नेक्स्ट मैच में है, बिल्कुल भाई नेक्स्ट मैच में है। यहाँ पर टीम नंबर 1 का एक बंदे यहाँ पे कैसे है मेरे को नहीं पता, आई गेस अपने टीम में नहीं ज्वाइन कर पाया सही टाइम में। ऐसा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 1 का एक बंदा है। टीम नंबर 15 के बस चलते हैं। चैट मिस, हाँ ब्रो चैट पढ़ रहा मैं।
आप कर सकते हैं 720p60fps में कर सकते हो। नहीं ब्रो, मेरा पीसी बहुत ज़्यादा लैग करता है एंड हैंग भी करता है, दैट्स वाई बहुत पुराना है, नहीं कर सकता ब्रो उसमें। डेस्टिनी भाई आप थोड़ा सा शेयर कर दो स्ट्रीम का लिंक, हो सके तो, ज़्यादा बंदे नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा आप स्ट्रीम का लिंक शेयर कर दो। एंड सो सॉरी मिडिल में मैं वो वाला ऑन कर दिया था उसके लिए। ऐसा उन्होंने आली फाइट जो लोग देख सकते हैं, लाइक एक या दो टीम डाउन हो चुकी थी उसके बाद और फाइट्स नहीं हो रहा। ओके यहाँ पर इनोवा सिक्स का टीम भी हमें बहुत ज़्यादा नज़दीक हम लोग देख सकते, सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ। हाँ जी स्कॉर्पियन हो सकता है ब्रो, नहीं पता भाई, दिक्कत हो गया था मिडिल में, बस बहुत सारे बंदे जो देख रहे थे वो चले गए, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। वो यार शोकत हालदार ब्रो, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए, एक बार शेयर कर देना यूट्यूब लीच। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही रहता है, लेकिन क्या ही करें हम लोग। हाँ शोकत भाई एक बड़ी मॉड्स वाले ग्रुप में लिख दे सारे बंदे को आने के लिए। या फिर इनोवा सिक्स फिलहाल हम लोग देख सकते सब बने पड़े हैं यहाँ पे इम्पाला में, बाकी साइड्स में भी हम लोग देख सकते हैं कुछ आर्ली फाइट्स हुए ज़रूर, लेकिन उसके बाद अभी तक ऐसा में तो कोई फाइट नहीं हो रहा, सिर्फ इन्फर्नो एक ही टीम यहाँ पे वाइप हो चुकी है पूरा, वो है इन्फर्नो का टीम। और बाकी फिलहाल हम लोग अगर देखें तो टीम नंबर 13 ने दो बंदे खो चुके हैं, बाकी अभी तक फाइट्स में इंगेज नहीं किए ऐसा ना, बाकी कोई भी टीम पे फाइट्स में इंगेज नहीं किए, बस इन्फर्नो टीम नंबर 13 के बीच फाइट हुआ था, बाकी ऐसा ना तो फाइट नहीं हुआ। यहाँ पे टीम नंबर 8 ने भी एक बंदा खोया है, ओके टीम नंबर 4 के पास वाला किल्स है, नाइस। बाकी तो ऐसा नाउ हम लोग देख सकते कोई भी फाइट्स वगैरह नहीं हुआ है ऐसा नाउ, लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। डेस्टिनी भाई अगर आप देख रहे हो तो फिर PMCW के सारे ग्रुप्स में आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो शेयर वगैरह करके स्ट्रीम का लिंक। लायर का टीम हम लोग देख सकते फिलहाल लूट वगैरह करते हो सारे टीम्स, और बहुत सारे टीम्स हम लोग देख सकते अभी तक जोन के बाहर है, उनको रोटेट करके जोन इन करना होगा, थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। टीम नंबर 18 का बंदा हम लोग अगर देखें तो फिलहाल क्या है उसका टीम का तीन ही बंदा है इनका, यार बहुत ही दूर है जोन से, इनको रोटेट इन करना हो है जोन में। मॉन्टेन्यूरो में यहाँ पे टीम नंबर 4 का टीम हम लोग देख सकते हैं TRS इधर होल्ड करता हुआ। हाँ भाई देयर इज नो स्ट्रीम डिले, रोहित भाई बिल्कुल स्ट्रीम डिले है। बिल्कुल स्ट्रीम डिले है ब्रो। ओके किसी और बंदे ने BRT का एक बंदे को वहाँ पे नॉक फिनिश निकाल दिया गया, BRT का एक बंदा। हम लोग चलते हैं एक बार BRT टीम के पास, टीम नंबर 15 के एक बंदे को आई गेस टीम नंबर 6 ने डाउन कर दिया गया, एक दिक्कत का सीन बनता है, या फिर टीम नंबर 1 का भी बंदा डाउन कर सकता है। ओके एक्सेंडर ने एक और बंदे को डाउन किया था ज़रूर, लेकिन फिनिश हो गया यहाँ पे, एक ही बंदा आया था, लेकिन साइज टीम नंबर 6 का टीम ही यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता है और टीम नंबर 15 के ऊपर एक दिक्कत का सीन बनता है। टीम नंबर 15 का अगर एंगल देखे तो फिलहाल दो बंदा जिंदा एक बंदा डाउन है, लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। गाइस जो जो देख रहे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके भाई, ऐसा बंदे नहीं देख रहे हो दैट्स वाई बोल रहा मैं, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो ब्रो, मैं भी शेयर करना भूल गया टाइम में। शोकत भाई थोड़ा सा शेयर कर दे अगर PNCW वाले ग्रुप्स में हैं, फिर भी वहाँ पे भी एक बड़ी शेयर कर दे हो सके तो। यहाँ पर टीम नंबर 15 के ऊपर पुश आ सकती थी, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ पर टीम नंबर 6 के बंदे इतना जल्दी पुश करने वाले हैं। और अपना पहला ड्रॉप गेम का आ चुका है, इस वाले ड्रॉप में क्या है, ग्रोजा है लेवल 3 का गियर्स टैक्सटॉक भाई, बहुत OP गन्स हैं यहाँ पे, लेट्स सी। टीम नंबर 14 का टीम हम लोग देख सकते हैं फास्ट जोन के बिल्कुल एज में है, यहाँ पे चुमा सेटा में लूट वगैरह करता हुआ, लेट्स सी। ओके हम लोग चलते हुए टीम नंबर 11 के पास, टीम नंबर 11 के पास दो ही बंदे आए हैं यहाँ पे फिलहाल लूट्स करता हुआ। टीम नंबर 10 के पास अगर चले तो फिलहाल इनके चार हुए, चारों बंदे जिंदा है फाइट में, अभी तक तो इनगेज नहीं हुआ है, लेट्स सी इसके बाद क्या होता है सीन इन लोगों का, अभी तक तो फाइट्स में इंगेज नहीं हुए। गाइस जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपने टीम टीम्स दोस्त सबके साथ।
टीम नंबर 3 और 5 हम लोग देख सकते बहुत ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे लायर का टीम रोटेट करता हुआ, लेट्स यहाँ पे इन दोनों टीम 5 में इनके छोटा है या फिर ऐसा अपना फॉल बैक करते एक दूसरे से। टीम नंबर 18 का टीम हम लोग देख सकते चुम्मा सड़क के बिल्कुल सदन से रोटेट वगैरह करता हुआ, लेट से ये लोग कब तक जोन इन वगैरह करता है। टीम नंबर 15 के ऊपर टीम नंबर 6 आई गेस लॉन्ग रेंज फायर लेने की कोशिश किए थे, लेकिन उसके बाद टीम नंबर 6 का टीम यहाँ पे पुश इन नहीं किया उन लोगों के ऊपर। अरे तो फिलहाल लूच वगैरह करता हो, देखते हैं इन लोगों के पास गाड़ी वगैरह है या फिर नहीं। और फिलहाल हम लोग देख सकते हैं बस ये दो टीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, टीम 5 और 10 और यहाँ पे टीम नंबर 19 और 8 भी बहुत ज़्यादा नज़दीक हम लोग देख सकते हैं। टीम नंबर 20 का टीम अगर इनके पास चले तो फिलहाल पहले जोन के बिल्कुल एज में है, लेट्स सी यहाँ पे ये लोग कब तक जोन इन करते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला इनको जोन इन करने के लिए, लेकिन ऐसा ना तो बिल्कुल एज में है जोन के, फास्ट जोन के एक्चुअली सो कॉल्ड। ओके इन लोगों का बागी थोड़ा सा दिक्कत देता हुआ, लेकिन आई थिंक आसानी से ये लोग ZF का टीम जोन इन कर चुके हैं ऑलरेडी। और एक सही कंपाउंड पकड़ के फ्लेयर गन भी मंगाया, ओके फ्लेयर ड्रॉप भी हमें मंगाते हुए ZF का टीम। ओ भाई साहब नाइस, लोकेशन भी अच्छा है, 2 फ्लेयर गन भाई साहब, ZF अल्फा के पास भी एक और फ्लेयर गन था, 2 फ्लेयर ड्रॉप्स इन लोगों ने ऑलरेडी मंगा चुके हैं, लेट्स सी क्या होता है। गलत भाई, 2 फ्लेयर ड्रॉप्स नाइस, बैक टू बैक 2 फ्लेयर ड्रॉप्स हम लोग देख चुके हैं ZF की टीम के पास आता हुआ, लेट्स सी क्या होता है। कोई टीम आई डोंट थिंक इतनी जल्दी पुश करना कंफर्टेबल होगी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। यहाँ पे टीम नंबर 22 का टीम ऐसा अपना तो किल्स नहीं लिए, लेकिन जोन इन करने में इनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, ऑलरेडी पहला जोन ऑलरेडी पढ़ चुके HDR ऑलरेडी पहला जोन इन कर चुका है, तो फिर इसीलिए HDR एक्सट्रीम, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, रियलिस्टिक ही कर देता हूँ। गिन भाई स्लॉट 5 के पास जरूर जाएंगे ब्रो, थोड़ा सा रुक जाओ। ओके लेट्स गो टू स्लॉट 5, लेट्स गो। ये लायर का टीम ऐसा ना तो फिलहाल सही है, किल्स वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा ना तो बिल्कुल सेफ में है यहाँ पे। लेकिन इनके साइड में टीम नंबर 7 का टीम भी है, यहाँ पे ड्रॉप्स वगैरह गिरता है। टीम नंबर 23 थोड़ा सा क्लोज इन करने की कोशिश करता है टीम नंबर 20 के, अगर इनका ड्रॉप्स देखते तो फिलहाल इनके पास MK14 एंड ग्रोजा है इस वाले ड्रॉप में। अगर दूसरा ड्रॉप का बात करें तो फिलहाल उसमें क्या है, उसके बाद फाइट देखूंगा मैं, इसमें भी MK14 ग्रोजा, दोनों में ही MK14 ग्रोजा है क्या। ओके ZF के एक बंदे को वहाँ पे M416 का स्प्रे से डाउन कर दिया गया है, यहाँ पे 4v4 का सीन है, यहाँ पे ZF वर्सेस IMS का भी एक बंदा डाउन है, दोनों का हेल्थ कम, नाइस। वहाँ पे IMS का दो बंदे को यहाँ पे डाउन कर दिया गया, ZF को थोड़ा सा एडवांटेज बनता है। टीम नंबर 20 यहाँ पे मिनी का स्प्रे देता हुआ बहुत OP तरह से यहाँ पे कनेक्ट किया, इसमें भी बस MK14 ही आएगा, इन दोनों के दोनों ड्रॉप्स में MK14 और ग्रोजा ही मिला, बिल्कुल सेम गन्स नहीं, एक में M249 ग्रोजा M249 MK14 और दूसरे में ग्रोजा M249, सॉरी क्या बोल रहा मैं, एक में M249 और MK14, दूसरे में है ग्रोजा और MK14, मैं क्या ही बोल रहा। अगर एक बार टीना 23 के एंगल देखे तो फिलहाल चारों के चारों बंदे रिवाइव हो चुके थे, लेकिन ये लोग फाइट्स में इंगेज करते हुए, ZF का आइकॉनिक वहाँ पे थोड़ा सा ओपन आ गया था इसलिए डाउन कर दिया गया। ZF अल्फा के ऊपर भी बहुत OP तरह से शॉट्स आया, 70 HP उनका डाउन हो चुके थे, 30 HP बस बचा था, लेकिन यहाँ पे IMS के एक गाड़ी को आई गेस डैमेज पड़ रहा है, वहाँ पे लायर के एक बंदे को वहाँ पे डाउन कर दिया है, IMS का भी एक बंदा यहाँ पे डाउन होता हुआ, IMS मार्किस को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। यहाँ पे आई डोंट थिंक इतने जल्दी अर्ली फाइट में इन लोग को एंगेज करना चाहिए था, नहीं तो दिक्कत का सीन है। अगर यहाँ पे नहीं कर पाए वो एक टीम, अगर यहाँ पे अर्ली वाइप हो जाते तो फिर दिक्कत का सीन उन्हीं टीम को होने वाला है बाद में, लेट्स सी क्या होता है। बाकी किधर भी एक जगह फाइट हो रहा है, लेकिन वाला फाइट मैं नहीं कवर करने वाला था क्योंकि ये वाला फाइट चल रहा है ऑलरेडी। जिसके पास स्नाइपर है हम लोग उसका एंगल देखेंगे, आई गेस इसके पास ये भी यहाँ पे स्नाइपर का शॉट खा के फिर से डाउन होते हुए, लेट्स यहाँ पे ZF का टीम पुश इन करते या फिर नहीं। लेकिन हमारे 5 तो बिल्कुल भाई कैंपर्स का टीम 5 PM में स्लॉट मिलेगा, उनको ग्रुप बी में है वो लोग। ओके INS के एक बंदे को यहाँ पे उनका
हेलमेट डाउन कर दिया गया है। लेट्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे IMS का दूसरे बंदे को भी, यहाँ पे ISW नाम है उनका एक्चुअली, वो भी डाउन कर दिया गया। अभी लेट्स सी टी नंबर 20 का टीम पुश इन करेंगे या फिर नहीं, अभी तक तो पुश इन नहीं कर रहे, मेरे को नहीं पता कि ऑलरेडी बहुत बड़े लॉन्ग रेंज में फाइट लेते हुए टी नंबर 23 का हालत थोड़ा सा ख़राब हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास हेलमेट्स वेस्ट थोड़ा थोड़ा करके डैमेज होता है। दो बंदे ने ऑलरेडी हेलमेट खो चुके और फॉल बैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे IMS का टीम। ओके, एक बार ये वाला ड्रॉप हम लोग चेक कर लेते हैं, चौथा या फिर फिफ्थ एयर ड्रॉप है अपने गेम का। इसमें M249 16 क्विक ड्रॉप मैक और है एक लेवल 3 का गियर्स। टीम नंबर 7 के पास चलते हैं एक बार। फिलहाल तो इनके चारों के चारों बंदे जिंदा और होल्ड करता हुआ बिल्कुल रेड जोन के सेंटर में। ओके, सेकेंड जोन बन चुका है और बिल्कुल चालू भी हो चुका है। 15 मिनट्स गेम के बाद अभी तक 60 बंदे और 17 टीम जिंदा है, कोई भी टीम ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं। आली फाइट्स में एंगेज नहीं लिया, बस इन्फर्नो का टीम ही हम लोग देख सकते हैं कि वाइप हो चुकी, बाकी सारे के सारे टीम्स अभी तक तो फिलहाल जिंदा है। टीम नंबर 1 का हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। एजियर एक्सट्रीम मूवी, ओके, एज पर डिमांड हम लोग जो बोलोगे वही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसा ना तो सारे टीम्स हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक तो है, लेकिन अभी भी कोई भी टीम एक दूसरे के साथ फाइट्स में एंगेज नहीं कर रही। टीम नंबर 20 और 23 अभी तक बहुत ही क्लोज एक दूसरे के साथ जाते हुए और फाइट्स में फिर से एंगेज हो सकता है यहाँ पे ZA वर्सेस IMS। लेकिन ये वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी का भी चांसेस है टीम नंबर 19 द्वारा, इसीलिए इनको देख के फाइट्स में एंगेज होना पड़ेगा टीम नंबर 23 और 20 दोनों टीम को। अगर यहाँ पे डाउन वगैरह होते तो फिर पुश इन करना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला किसी दूसरे टीम को और थर्ड पार्टी भी। यहाँ पे IMS मार्किस्ट ऑलरेडी डाउन होते हैं, लेकिन वहाँ पे टीम नंबर 20 के भी एक बंदे को वहाँ पे डाउन कर दिया गया एक बैकअप की तरह से। टीम नंबर 20 का भी एक बड़े हम लोग एंगल देख लेते हैं। इन द मीन टाइम ZA फिलहाल रिवाइव दिया जा रहा है, इन द पीछे से हम लोग देखेंगे डेट का टीम पुश इन करना चाहेंगे या फिर नहीं। फिलहाल तो तीनों बंदे एक ही घर में होल्ड करते हो, लेट्स सी कोई पुश इन। एक बंदे के पास मिनी है, थोड़ा सा मिनी 4x लेके पीक लेने की कोशिश तो कर रहे लेकिन स्पॉट नहीं कर पा रहे वहाँ से इस वाले एंगल से। टीम नंबर 20 के पास चलते हैं, फिलहाल मिनी लेके शॉट्स लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे। डेस्टिनी भाई अगर आप देख रहे हो तो फिर थोड़ा सा शेयर कर दो ग्रुप्स में, PMCW क्वालिफायर्स वगैरह में एक बड़ी थोड़ा सा शेयर कर दो भाई, क्वालिफायर्स रजिस्टर्ड टीम्स वगैरह में थोड़ा सा शेयर कर दो हो सके तो। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 19 का टीम थोड़ा सा क्लोज इन कर चुका है एक बंदा, बाकी का टीम फिलहाल तो पीछे। वहाँ पे क्या उसके एक बंदा RDX एक बंदे के हाथों डाउन होता है, वहाँ पे डेट को डाउन कर दिया गया। इन द मेन टीम साइड में से टीम नंबर 19 के एक बंदे को डाउन कर दिया गया, आई गेस टीम नंबर 23 के द्वारा, लेकिन यहाँ पे IMS को ही डाउन कर दिया गया। यहाँ पे एक ट्रायंगल क्लस्टर बनता हो तीनों टीम के बीच, टीम नंबर 23 20 और 19 के बीच। लेट्स सी क्या होता है। टीम नंबर 20 भी हमें थोड़ा सा क्लोज इन कर चुके, अगर ये वाला ग्रेनेड सही कनेक्ट होता तो फिर ओके IMS का दूसरा बंदा भी डाउन होता वो हुआ। IMS का बस दो ही बंदे यहाँ पे जिंदा है। टीम नंबर 20 ने वहाँ पे वाला किल चोरी करता हुआ टीम नंबर 19 से। ओके, इस वाले बंदे को तो आसानी से रिवाइव दे देंगे, लेकिन साइड से टीम नंबर 19 का एक बंदा वहाँ पे टीम नंबर 20 के एक बंदे को डाउन कर दिया। M416 का स्प्रे देखिए, यहाँ पे टीम नंबर 23 के बंदे ने उसका किल चुराता हुआ। भाई साहब एक दूसरे का किल यहाँ पे चुराते हर एक बंदे। मेरे पास IMS ने ऑलरेडी एक बंदा खो चुका है, बाकी के तीनों बंदे जिंदा ऑलरेडी एक किल छुटा चुके हैं टीना 23 के बंदा। इन लोग के पास उतना अच्छा हेलमेट वेस्ट नहीं है क्योंकि टीना 20 के साथ इससे पहले भी वो लोग फाइट्स में एंगेज कर चुके हैं और थर्ड जोन का एडवांटेज भी इन लोग के पास अभी तक नहीं है। लेट्स सी इन लोग कब तक जोन की तरफ जाते हैं, कब तक ये लोग फाइट्स में एंगेज होते हैं। हम लोग एक बार चले तो टीना 19 के पास फिलहाल आई गेस डेट को तो रिवाइव दिया चुका है और बाकी के बंदे फिलहाल भागते हैं जोन की तरफ। 20 मिनट्स गेम का हो चुका है अभी तक हम लोग देख सकते हैं 58 बंदे 17 टीम जिंदा है। थर्ड जोन में हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 16, 5, 15, 8, 7, 22 जोन इन कर चुके हैं। टीम नंबर 4 भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके जोन इन करते हुए थर्ड्स में। नेट में ट्रेल ऑन कर देना बिल्कुल, मैं इसका हर बार डिसेबल कैसे होता है मेरे को नहीं पता।
ये हर बार डिजेबल कैसे हो जाता है मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा हम लोग देख सकते हैं। नंबर 4 तीसरे जोन के अंदर एक ओपी सा लोकेशन हम लोग देख सकते हैं, कवर कर चुके हम लोग। चलते हैं टीम नंबर 5 के पास। इन द मीन टाइम लायर का टीम ये लोग के साथ टीम नंबर 8 के बीच फाइट चलता हुआ। टीम नंबर 8 के ऊपर M16 का स्प्रे दिया जरूर, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाए। दूसरे बंदे के ऊपर नंबर स्पॉट के अल्फा को वहाँ पे डाउन कर दिया गया। M16 का स्प्रे दिया जा रहा है कॉन्टिन्यूस, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। साइड में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टीम नंबर 16 का टीम। फिलहाल इन लोगों के पास भी गन्स वगैरह सही है, लेट्स सी क्या होता है। वहाँ पे कैओस का एक बंदे को वहाँ पे डाउन कर दिया गया। कैओस के पास एक बार हम लोग चलते हैं कैओस के टीम के पास। कैओस के पास दो ही बस बाकी के बंदे जिंदा है। यहाँ पे स्प्रे दिया गया एक बंदे को डाउन के टीम नंबर 6 के, लेकिन खुद भी डाउन होते हुए। कैओस लिनक्स अकेले बच्चे हुए अपनी टीम से आई गेस थोड़ा सा दूर है और फाइट्स में एंगेज नहीं होने वाला टीम नंबर 6 के साथ। टीम नंबर 6 का एक बंदा क्या वहाँ पे फिनिश हो जाएगा? ओके, आई थिंक यहाँ पे रिवाइव नहीं दे पाएंगे। रिवाइव देने से पहले ही वहाँ पे टीम नंबर 6 का बंदा फिनिश हो गया। नहीं, फिनिश नहीं हुआ। ओके, रिवाइव मिल चुका है। नाइस, सो सॉरी, गलत कॉल दिया मैंने। यहाँ पर टीम नंबर 18 का आखिरी के बंदे जोनिंग कर चुके, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी दो बंदे खो दिए। यहाँ पर एक दिक्कत का सीन नहीं बनता, यहाँ पर दो बंदे खो चुके हैं यहाँ पर टीम नंबर 18 का बंदा। और जोन इन करने में भी हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे टीम्स को दिक्कत होने वाला है। यहाँ पर राइट से जो जो टीम्स सॉरी लेफ्ट से जो जो टीम्स आने वाली है। यहाँ पर टीम नंबर 22 और 14 के बीच में एंगेजमेंट हम लोग देख सकते हैं। टीम नंबर 22 थोड़ा सा रोटेट इन करने की कोशिश करते हुए, लेकिन टीम नंबर 14 उन लोगों के ऊपर कंटिन्यू शॉट्स वगैरह लेके दिक्कत दे रहे हैं। यो शोकतदार, यो ब्रो, सबको यो थैंक्स गाइस ज्वाइन करने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। वहाँ पे टीम RZ ने एक बंदे को डाउन किया। हम लोग चलते टीम नंबर 7 के पास। ये लोग टीम नंबर 22 के साथ फाइट्स में एंगेज होते हुए। RTZ के एक बंदे यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है। RTZ स्नीक ओपी को हम लोग देख सकते हैं। टीम नंबर 22 के कौन से टीम के बंदे? टीम नंबर 22 का बस अकेला एक ही बंदा AR-17 वेनम ओपी जिंदा फास्टर लगाते हुए। अगर एक सेकंड का ओके लगा चुके लेट्स यहाँ पे वन टीम नंबर 7 का तीनों के 1v3 कर पाएंगे क्या AR-17 भाई? एक गेम तो है जरूर, लेकिन इसी के साथ साथ टीम नंबर 22 का सफर खत्म होता हुआ टीम नंबर 7 के हाथों। और चौथा जोन बन चुका और बस तीन टीम्स हम लोग देख सकते जोन के अंदर है, वो है 18 और 5, 16 and 21। बाकी के सारे 13 टीम्स को यहाँ पे जोन हिल करना पड़ेगा। चौथा वाला ZF का एक बंदा वहाँ पे जोन से डाउन होता हुआ, रेज वेनम भी वहाँ पे डाउन होते हुए। हम लोग मिडिल फाइट्स भी नहीं दिखाने वाला क्योंकि बहुत सारे टीम बोलते हैं कि स्ट्रीम स्टेम वगैरह होता है, तो फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा ही बस फाइट्स दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाने वाला। इंस फाइट हम लोग सबका दिखा देंगे, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन मिडिल का फाइट्स हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। मिडिल और स्टार्टिंग का फाइट वहाँ पे ZF आइकॉनिक जोन से ही डाउन होते हुए। एक के ने वहाँ पे वोल्टर ओपी के डाउन करता हुआ किधर फाइट चला। टीम नंबर 15 के साथ यहाँ पे टीम नंबर 10 का फाइट चलता हुआ। यहाँ पे टीम नंबर 15 ने ऑलरेडी एक बंदा खो चुका और NYS के अभी तक चारों के चारों बंदे जिंदा है, लेकिन इनको मूव इन करना होगा जोन। इनका बिल्कुल क्लोजेस्ट बंदा अगर देखे तो फिलहाल उनके सामने टीम नंबर 15 का बंदा। टीम नंबर 15 ने ऑलरेडी दूसरा बंदा भी खो चुका है फिलहाल, तो रिवाइव अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है देखना पड़ेगा। IMS का एक बंदा वहाँ पे फिनिश हो गया। BRT का ये बंदा ओके, एक रीच तो मिल चुका है, लेकिन उस बंदे को तो रिवाइव नहीं दे सकता। ओके भाई, सब गला सीन होता है यहाँ पे। BRDM लेके उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हुआ टीम नंबर 10 का टीम। ओ भाई, और BRDM के ऊपर ये लोग शॉट्स भी नहीं ले रहे क्योंकि पता है BRDM के ऊपर शॉट्स लेने का कोई फायदा नहीं है। ओके, एक बंदे को टीम नंबर 10 के उतार दिया गया। आई गेस फिनिश करना ही पसंद करेंगे। ये उतार रहा क्यों मेरे को नहीं पता। ओके, यहाँ पे BRDM को ब्लास्ट करके टीम नंबर 10 के दूसरे बंदे को भी डाउन कर दिया गया। एक दिक्कत का सीन यहाँ पे बनता हुआ टीम नंबर 10 के लिए। उनका BRDM का जो एडवांटेज था वो दिक्कत का सीन दिख दिया इनको भाई साहब। उनको लगा था कि BRDM नहीं फोड़ पाएंगे, लेकिन वहाँ पे BRDM फोड़ने के बाद दिक्कत का सीन बन गया। यहाँ पे टीम नंबर 7 को हम लोग देख सकते हैं, इनको भी मूव इन करना है, लेकिन उनके सामने टीम नंबर 4 का टीम थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं। वहाँ पे IMS का टीम भी फाइट लेके वाइप होता है। आई गेस टीम नंबर 19 का, तो टीम नंबर 19 के बस दो ही बंदे जिंदा, लेकिन ऑलरेडी ये लोग दो किल्स कर चुके हैं। टीम नंबर 23 का लौता बंदे यहाँ पे जोन हीन में ज़्यादा फोकस करता हुआ। टीम नंबर 13 के पास अगर चले तो फिलहाल इनका भी आखिरी का IGF का बंदा यहाँ पे जिंदा फिलहाल। ये गोल्डन मिनाद्रो लेके जोन इन करते हुए, जोन इन कर भी चुके हैं। वहाँ पे VNMS रेत भाई डाउन होते किधर फाइट चलता है। टीम नंबर 8 का एक बंदा यहाँ पे डाउन होता हुआ। टीम नंबर 8 के वोल्टर ओपी
अकेले जिंदा, उनके पीछे थी नंबर 15 का टीम, सामने थी नंबर 16 का टीम। लेट्स यहाँ पे रिवाइव वगैरह दे पाएंगे या फिर नहीं, ये क्या था, कौन सा वाला? ओके, वहाँ पे घोस्ट राइटर को भी नॉक फिनिश कर दिया गया है, टीम नंबर 19 को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। टीम नंबर 21 का अगर हालत देखे फिलहाल, ये लोग ने आगे किसी को डाउन किया मैंने नहीं देखा। वहाँ पर टीम नंबर 6 का एक बंदा जोन के बाहर डाउन होता है, टीम नंबर 4 तो ऐसा अपना जोन इन कर चुके जैसे तैसे। सामने वो लोग टीम नंबर 21 को स्पॉट करते हुए आई गेस शॉट्स लेने की कोशिश की जरूर, लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे चलते एक बार टीम नंबर 14 के पास। इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं बस 29 बंदे और 12 टीम जिंदा है। 25 मिनट्स गेम के बाद गिन भाई हम लोग बोलते हुए स्लॉट 5 के पास चलने के लिए डायर के टीम के पास। फिलहाल तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लायर के टीम के पास फिलहाल तो इनको 6th जोन के अंदर जाना पड़ेगा, ये एक दिक्कत का सीन है। वहाँ पे TRS रेज गॉड को डाउन कर दिया गया टीम नंबर 4 की तरफ से आई गेस, लेकिन रिवाइव आई गेस आसानी से दे देंगे क्योंकि उनके पास सही रीच का कवर है। 2:55 में इनको जोन ही लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 11 का टीम हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 23 के बहुत नज़दीक से रोटेट करता हुआ, शॉट्स वगैरह आया ज़रूर लेकिन वो लोग वहाँ पे रुके ही नहीं और जोन इन करता हुआ। टीम नंबर 4 के बहुत नज़दीक से फिर से ये लोग रोटेट करता हुआ, लेकिन रोकने वाले में से यूए गुरुजी नहीं है, जब तक ना गाड़ी ब्लास्ट हो जाए तब तक नहीं रोके और यहाँ पे डाउन होता हुआ यूके गुरुजी। मंकी भाई अकेले जिंदे हैं यहाँ पे टीम नंबर 11 के, लेकिन उनका गाड़ी भी यहाँ पे डाउन है, ये दिक्कत का सीन बनता है। यहाँ पे टीम नंबर 16 और 14 के बीच फाइट चलता है, टीम नंबर 14 का अकेला एक ही गंदा आई गेस जिंदा है, उजी लेकर स्प्रे देने की कोशिश की थी जरूर। टीम नंबर 16 एक बंदा खोया लेकिन आसानी से रिवाइव वगैरह दे देंगे। अगर अभी इसी वक्त में टीम नंबर 5 का टीम पुश इन करती है टीम नंबर 16 के ऊपर, तो फिर एक एडवांटेजस पोजीशन बना सकते हैं टीम नंबर 16 के अगेंस्ट में। एक बंदा ऑलरेडी क्लोज इन कर चुके हैं, बाकी के बंदे हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे लेट से क्या होता है। टीम नंबर 16 ने बस यहाँ पे 3 बंदे जिंदा, एक बंदा फिलहाल रिवाइव दे चुका है। ओके, टीम नंबर 5 को देखना होगा कैसे वो लोग रोटेट इन करेंगे। टीम नंबर 21 को भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ELT का टीम, फिलहाल इनको भी जोन इन करना पड़ेगा 27 मिनट्स गेम के बाद। मंकी को भी वहाँ पे डाउन कर दिएगा, चेयर्स का भी एक बंदा वहाँ पे डाउन होता हुआ। हम लोग चलते ए वाला एंगल में क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेनमस को फिर से डाउन कर दिया गया। वॉल्टर ओपी अकेले जिंदा, सामने टीम नंबर 16 का टीम वो लोग में शॉट्स ले रही, साइड में टीम नंबर 15 का टीम, दो टीम नंबर 15 यहाँ पे जैसे तैसे करके जोन इन कर चुके, लेकिन वॉल्टर ओपी को भी यहाँ पे जोन इन करना है, वो एक दिक्कत का सीन है भाई। दोनों साइड से शॉट्स आता हुआ टीम नंबर 15 और 16 और डाउन होता हुआ और जोन एक फिर से हार्ड शिफ्ट लेके यहाँ पे टीम नंबर 10 और 21 के ऊपर बनता हुआ। इसी के साथ साथ 7 टीम्स और 14 बंदे जिंदा है भाई, सॉरी 6 टीम्स और 18 बंदे जिंदा है, क्या ही बोल रहा मैं। यहाँ पे लायर के ऊपर भी शॉट्स वगैरह आता हुआ, टीम TRS इमोर्टल ये लो भाई, TRS इमोर्टल फिलहाल तो जोन के अंदर है, बस 20 मीटर्स जाना होगा, तो फिर जब जोन इन करेगा तो आसानी से सामने वाले रॉक में चले जा सकते हैं, लेकिन अगर अभी गए तो फिर दिक्कत का सीन बन सकता है क्योंकि पीछे से टीम नंबर 5 उन लोगों के ऊपर आसानी से शॉट्स वगैरह ले सकती है। यही बोल रहा मैं, पीछे से यहाँ पे लायर और टीम नंबर 16 का टीम आसानी से शॉट्स वगैरह ले सकती है टीम नंबर 4 के ऊपर। टीम नंबर 21 और 10 को भी थोड़ा सा मूव इन करना है हम लोग अगर देखें तो, फिर इनका 3 बंदे और इनका 2 बंदे के बीच फाइट्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। यहाँ पर टीम नंबर 16 का टीम रोटेट इन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम नंबर 15 कंटिन्यू शॉट्स वगैरह ले रहे, लेकिन साइड से उनके ऊपर भी शॉट्स आया, ये एक दिक्कत का सीन बनता हुआ। अगर टीम नंबर 5 के पास चले तो फिलहाल ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैक चलते ऐसा अपना BRT के पास चलने से हैं। टीम नंबर 16 के एक बंदे को वहाँ पे फिनिश कर देंगे, हम लोग NYS स्नेक के पास चलते हैं, वो लोग का फिलहाल तो साफ बनने पड़े क्योंकि उनको भी पता है बस 5 मीटर दूर है उनसे जोन, आगा चले गए तो फिर आसानी से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वहाँ पे टीम नंबर 16 का एक बंदा जोन इन करके बिल्कुल सेंटर, ओके ओके किधर आता हुआ, टीम नंबर 21 और 10 के क्लोज इन करते हैं यहाँ पे स्केच भाई। अगर लेकिन सारे डायरेक्शन में इनको स्मोक इन करना पड़ेगा, नहीं तो उनका बचना बहुत ही दिक्कत है। टीम नंबर 16 का दूसरा बंदा भी आ चुका है यहाँ पे, टीम नंबर 4 और 15 का अगर एंगल देखे तो फिलहाल सही है, लेकिन टीम नंबर 5 को यहाँ पे थोड़ा सा मूव इन करना है भाई। यहाँ पे 4 टीम्स का क्लस्टर बनता हुआ, टीम नंबर 4 और 15 अभी हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा एडवांटेजेस पोजीशन में है। 2 वहाँ पे TRS का एक बंदा डाउन होता हुआ, चलते एक बार NYS के पास, फिलहाल इनके 2 बंदे साफ बन चुके। टीम नंबर 15 यहाँ पे सही लोकेशन में, टीम नंबर 5 के अभी तक 4 बंदे जिंदा है, 11 किल्स उठा चुके। एक बार TRS की टीम के पास चलते तो फिर 7 किल्स और टॉप 4 में आ चुके भाई, कोई टीम तो फाइट लेके डाउन होता हुआ। आई गेस RB
गेमिंग वाइटी का टीम मैंने देखा नहीं, इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं टॉप चार टीम्स 10 बंदे 30 मिनट्स गेम के बाद थे। होता हुआ लेट सी क्या होता है इसके बाद। गाइस जिन्हें अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई, शेयर कर दो। वहाँ पे लाया कि एक बंदे को TRS इमोर्टल द्वारा डाउन कर दिया गया। NYS के एक और बंदे को वहाँ पे लायर द्वारा डाउन कर दिया। यहाँ पे लायर के ऊपर शॉट्स वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे NYS को ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह से लायर द्वारा। लायर भाई सब ओपी खेलते हैं, यहाँ पे 13 किल्स ऑलरेडी कर चुके, गाड़ी का कवर है, स्मोक्स वगैरह बना के यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 4v2v2 का सीन बनता हुआ यहाँ पे BRT वर्सेस TRS वर्सेस लायर। इन तीनों टीम्स के बीच अभी देखना है कौन सा टीम चिकन लाएंगे। लियार लायर के पास ऑलरेडी 13 किल्स है, तो भी 26 पॉइंट्स उनको तो वैसे ही मिलने वाला है, लेकिन उसके ऊपर जो पॉइंट्स किल्स मिलेगा वो ओपी होने वाला है। वहाँ पे लायर के एक बंदे को फिर से डाउन कर देगा। यहीं पर टीम नंबर 5 को एक दिक्कत का सीन ये है कि उनको जोन इन करना है। टीम नंबर 4 और 15 पहले से ही जोन के अंदर बैठा है, लेकिन टीम नंबर 5 को यहाँ पर जोन इन करना होगा जैसे भी करके। ये एक दिक्कत का सीन है टीम नंबर 5 के लिए, लेकिन और कोई डिसएडवांटेज मेरे को तो नहीं दिखता हुआ। गाड़ी में बैठे और यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह कंटिन्यू आता हुआ दिक्कत बन गया। वहाँ पे TRS के बंदे को डाउन कर दिया गया। TRS के इमोर्टल भाई अकेले जिंदा है। यहाँ पे एक ही का टैप टैप देने की कोशिश करता है, टीम नंबर 5 के एक बंदे को डाउन कर दिया। साइज टीम नंबर 15 के ऊपर, 15 के भी एक बंदा एक्चुअली डाउन है। BRT शोएल भाई फिलहाल जिंदा रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं। टीम नंबर 5 का अगर एंगल देखे तो फिलहाल इनके तीनों बंदे जोन इन कर चुके हैं। ओके BRT के पास फिलहाल तो ये रिवाइव देने में सक्षम हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ 3v2 का गेम, लेकिन इनके पास ड्रॉप गन्स है। ओके एक बंदे को ग्रेनेड से डाउन कर देगा, उसी से प्रे दिए जरूर, एक बंदे को बिल्कुल 1HP छोड़े वहाँ पे डाउन करने की कोशिश की जरूर, लेकिन ड्रॉप गन्स का एडवांटेज MK14 था उन लोग के पास। इसके साथ साथ लायर का टीम चिकन लाता हुआ गाइस, क्या ही खेला यहाँ पे लायर का टीम। अपना गिन भाई का टीम ओपी खेला बिल्कुल, 16 किल्स के साथ यहाँ पे चिकन लाता हुआ भाई साहब। 16 मतलब 32+20 52 पॉइंट्स एक मैच में ऑलरेडी 52 पॉइंट्स ये लोग कलेक्ट कर चुके हैं। मतलब क्या ही बात है भाई, लायर का टीम हम लोग देख सकते एक मैच में 52 पॉइंट्स, क्या ही बोले हम लोग भाई, सब गलत। ओके ऐसा अपना तो हम लोग स्क्रीन शॉट उठा लेते हैं। सेकंड पोजीशन में आए वहाँ पे BRT का टीम 7 किल्स के साथ, थर्ड पोजीशन में आए वहाँ पे TRS का टीम 3, 4, 5, 6, 7, 8 किल्स के साथ। माई ओपी टीम बिल्कुल भाई, ओपी खेला यहाँ पे। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल जी खेला सारे टीम ने, लेकिन यहाँ पे चिकन लाता हुआ लायर का टीम भाई, ओपी खेला बिल्कुल लायर का टीम, देख के मज़ा आ गया। ओके मैं स्क्रीनशॉट उठा लिया। इसके साथ साथ हम लोग का पहला गेम खत्म होता हुआ, आई गेस सबको पसंद है हम लोग का पहला गेम, आई गेस सबको पसंद आया है CMCW का D2 का पहला गेम। ओके सेकेंड गेम का IDP एग्जैक्ट आ गया 4:45 बजे और चालू होगा 5 बजे, तो फिर उससे पहले हम लोग बातें वगैरह ज़रूर कर सकते हैं। गाइस कैसा लगा बता दो लॉबी, जो देख रहे हो और नहीं खेल रहे हो तो फिर एक बार बता दो कैसा लगा लॉबी। आई गेस सबको ही अच्छा लगा होगा क्योंकि 32 मिनट्स के ऊपर गेम चला, तो फिर सही तो लॉबी बिल्कुल ही है भाई। ओके इसके बाद बिल्कुल आएगा IDP कुछ ही मिनट में स्टार्ट होगा 5 बजे में, लेट सी क्या होता है। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग गाइस, जो देख भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दियो गाइस, जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो अपने भाई को। के तक करवा दो सके तो ज़्यादा नहीं, 10 या 12 सब्सक्राइबर चाहिए हम लोग को 1.8 पहुँचाने के लिए, करवा दो हो सके तो। शुक्र भाई बिल्कुल ब्रो, जी ओके 5 मिनट में एग्जैक्ट सेकेंड ग्रुप का IDP आ जाएगा, उसके बाहर चालू होगा एग्जैक्ट
5 बजे, तो फिर उसके पहले हम लोग बातें वगैरह ज़रूर कर सकते, किसी कुछ बोलना वगैरह हो तो फिर बोल सकते हो। मैंने अपना डिवाइस का चार्ज बिल्कुल 100% कर दिया है और मैं स्ट्रीम पहला मैच पूरा चार्ज में लगा के किया, मेरे को पता भी नहीं था, इसलिए डिवाइस थोड़ा सा हीट हो रहा था। अभी तो सही है बिल्कुल, हीट डिस्चार्ज करने में बिल्कुल 1 या 2 मिनट तक टाइम लगता है, उसके बाद सही हो जाता है। थैंक्स एवरीवन जो जो देख रहे हो, 8 बंदे देख रहे हो गाइस, जो जो ग्रुप बी में हो रेडी हो जाओ, क्योंकि बिल्कुल 5 मिनट में आप लोग का IDP आ जाएगा और स्टार्ट होगा 5 बजे। तो फिर लास्ट मोमेंट जो मीटिंग वीटिंग करना होगा अपने टीम के साथ, स्ट्रेटजीज वगैरह सब कुछ कर लो, रेडी हो जाओ अपने टीम्स के साथ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द टीम्स टू ग्रुप बी। लेट्स सी क्या होता है। जिसने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, मस्ती होता है वहां पे। गाइस कैन वी 20 लाइक्स, 3 लाइक्स और चाहिए। कैन वी 20 लाइक्स इन 5 मिनट्स, कर दो भाई, बस 3 और लाइक्स है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया कर दो भाई अपने टीम्स के साथ, जो जो पबजी वगैरह खेलते हैं सबके साथ सपोर्ट दिखा दो भाई। ओके नेक्स्ट गेम का आईडी भी बिल्कुल आएगा 5 मिनट में, लेट्स सी क्या होता है। 5 मिनट एक्चुअली अभी बस और 4 ही मिनट बचा है IDP आने पे, उसके बाद ही गेम चालू हो जाएगा 5 बजे। हम लोग तो TDA नहीं खेलने वाले क्योंकि अलाउड नहीं है सब ना, तो फिर हमको ऐसा ना तो बात ही करना होगा। लेकिन कोई कुछ भी चैट्स नहीं लिख रहा, तो फिर कुछ तो लिख दो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग। जब तक कोई कुछ नहीं लिखता, हम लोग अपना इमोट्स वगैरह दिखाते हुए। ओह क्या ही नाचा मेरा बंदा ना, मेरा बंदा। ओ भाई ओहो, अरे भाई साहब नाइस। ओके मैं थोड़ा सा प्रीमियम किट खरीद लेता हूँ इन द मीन टाइम। ओ भाई साहब क्या स्किन मिला, लॉल। ओ भाई सबकी क्यूट भाई, क्या ही क्यूट, क्या ही क्यूट मिनी का स्किन है भाई, गलत। वैसे मिलने तो नहीं वाला है, तो फिर देख के भाई क्या ही करेंगे हम लोग, पबजी वाला कुछ देगा तो नहीं। और UC भी अभी खरीद नहीं सकते हम लोग, कर मेरे पे बस 0 UC पर है, तो फिर देख के कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक हम लोग प्रीमियम क्रेट के ऊपर ही देखते हैं अगर कुछ मिल जाए। कितना दिन बचा है, 12 दिन बचा है, और अपना कितना ही खुला है, ये 5th है अपना, डेली खरीदना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं भूल जाऊंगा तो फिर 10 नहीं होने वाला। ओके ऐसे उजल कुछ नहीं मिला, गलत। 20 मिनट हो गए, थोड़ा सा सिल्वर ही दे दे मेरे को, 30 सिल्वर्स नाइस। 541 पड़ा मेरे को, ऐसे खरीदूंगा मैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे 10 कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं क्लासिक से खेलता नहीं, इसलिए BP मिलता नहीं, सिल्वर फ्रैगमेंट्स मिलता नहीं ज़्यादा मेरे को, बस 541 है, तो फिर मैं बस 3 ही खरीद पाऊंगा मैक्स टू मैक्स। और मेरा कितना हो गया खोलना, 5 बार ही हुआ, तो फिर 8 बार होगा, हट बे, गलत, 10 बार भी नहीं होने वाला। मेरे को लगा मेरे पे NFU BP बोल रहा सिल्वर फ्रैगमेंट है,
गाइस रेडी हो जाओ, आई गेस दिस इज जिन जिन का गेम है तो फिर उनका मिल चुका होगा अभी तक आईडीपी, और मैं भी लेके घुस जाता हूँ रूम में, तो फिर लेट्स सी क्या होता है। एक सेकेंड गाइस, मैं जस्ट इधर का काम कर रहा, उसके बाद ही मैं आ जा रहा जस्ट 2 मिनट में। मेरे को भी रूम में घुसना है, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं उसमें घूम रूम में घुस जाऊँ, उसके बाद ऑन कर दे रहा मैं। वह आई डी पी कब मिलेगा ब्रो? कुछ ही मिनट में मिल जाएगा आपको, टेंशन ना लो, सही टाइम में ही आपको मिल जाएगा। ओके, आ चुके हैं हम लोग वापस रूम में घुसने के बाद। जो जो ज्वाइन किए बहुत बहुत शुक्रिया भावतोष भाई, बेस्ट ऑफ लक टू योर टीम, ग्रुप भी में आई गेस आप लोग भी ग्रुप भी में ही हो। आई डी पी आ जाए किसी भी मोमेंट आ जाएगा आप लोग के पास, ग्रुप बी के पास किसी भी मोमेंट आ जाएगा। ग्रुप में अपडेटेड रहो तो फिर आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो। गाइस गाइस बता दो क्या हाल चाल हम लोगों के। आई जॉनथन ब्रो, ग्रुप भी आईडीपी नहीं आया हम लोग, आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। मेरे को मिल गया है तो फिर आप लोगों को भी ज़रूरी मिल जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। सही टाइम में हम लोग दे देंगे, आई गेस 10 मिनट पहले आएगा, 4:50 को आएगा, आई गेस 10 मिनट पहले आएगा आई थिंक, दैट्स वाई। थैंक्स जोनाथन भाई ज्वाइन करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने मत बोला, शेयर भी कर दिया अपने 7EX और CDX टीम के साथ। गाइस ग्रुप चेक कर लेना, आ जाएगा किसी भी मोमेंट आप लोग का आईडीपी आपके ग्रुप्स में जरूर आ जाएगा भाई। बेस्ट ऑफ लक टू आईगेस, 7EX का टीम खेल रहा है ये वाला गेम, इसलिए जोनाथन भाई ना आए तो फिर बेस्ट ऑफ लक टू 7EX का टीम को भी भाई, बेस्ट ऑफ लक ब्रो, सही से खेलना, अपना टीम भी आईगेस खेल रहा है ये वाला गेम।
आई गेस। ओके आई थिंक आप लोग के साथ IDP शेयर हो चुका है, दैट्स वाई एक बंदा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी के बंदे भी जल्दी से जल्दी आ जाओ, फुल लॉबी करवा दो, हम लोग मजे करते हैं स्ट्रीम पर। साउंड थोड़ा सा घटा देता हूँ तो फिर दिक्कत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, 3 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, दैट्स वाट उसका मतलब तो फिर श्योर ही अभी तक IDP शेयर कर दिया गया है सारी टीम्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स जो जो खेल रहे हो, एक बढ़िया स्ट्रीम भी देख देना गाइस, सपोर्ट कर देना आके थोड़ा सा जितना तक हो पाए आप लोगों की तरफ से, वो भी बहुत है ब्रो, थोड़ा सा आगे सपोर्ट करना गाइस स्ट्रीम को। आप लोगों के लिए हम लोग डेली आ रहे हैं स्ट्रीम कर रहे, तो फिर आप लोग भी सपोर्ट करना भाई। यो देवुदास टेक्टेनल, हम किस में भाई, किस में, जीएच क्रॉस यूरो वाले में। IDP मिला था तेरे को, IDP दे दिया ना तेरे को, नाइस। फिर गाइस जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, कर दो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, फिर सपोर्ट दिखा दो गाइस स्ट्रीम को। हम लोग आप लोगों के लिए स्ट्रीम वगैरह करते हुए डेली टूर्नामेंट्स अनाउंस करते हुए, इसके बाद भी टूर्नामेंट्स है, PMCW के बाद भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं बैक टू बैक, तो फिर जुड़े रहो गाइस हम लोग के साथ। प्रोमित ब्रो, हाँ बिल्कुल ओके ब्रो, जल्दी से जल्दी इसमें भी ज्वाइन कर जा। सोइका ये वाला गेम तो खेल रहा है ना, शोई का ये वाला गेम तू खेल रहा है ना, ये वाला गेम खेल लेना। गाइस जल्दी से जल्दी सारे बंदे आ जाओ, 4:52 बज चुके हैं एग्जैक्ट, 5 बचे कुछ ही मिनट में ये लोग स्टार्ट कर देंगे, तो फिर एंड मोमेंट तक वेट मत करो, यही बात बता रहा, एंड मोमेंट तक वेट मत करो क्योंकि किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है गेम, इसीलिए बोल रहा। तो फिर एक बारी जाके लाइक ज्वाइन करके उसके बाद जो मर्जी करो, लेकिन एक बारी ज्वाइन कर लो भाई, कुछ भी करो लेकिन पहले एक बारी ज्वाइन कर लो भाई, इधर ऐसी कोई दिक्कत ना आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही बोल रहा मैं। ओके बिल्कुल भाई, एक बारी खेल लेना, स्लॉट 23 है कैंपर्स का, मैंने IDP आई गेस तुम लोग के ग्रुप में दे दिया, तो फिर जाओ जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 21 बंदे हम लोग देख चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं भाई ये लोग, लेट्स सी क्या होता है, कितना का लॉबी होता है वगैरह वगैरह। पिछले दिन आई गेस याद नहीं था एग्जैक्ट, लेकिन 90 का लॉबी था भाई पिछले दिन, कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचा था इस वाले गेम में, 90 88 तक का था प्रीवियस वाले गेम, मेरे को जो एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, लेकिन 88 तक तो था ही, पिछले वाले में ऑलमोस्ट सेम ही था, 67 था इस बार में, 69 है ग्रुप ए में, ग्रुप बी में 88 था पिछले दिन, इस बार देखते हैं कैसा होता है। भफ्तोष भाई, यो ब्रो, अरे कैसे हो भाई, एंड थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। भफ्तोष भाई अपनी टीम के साथ शेयर कर देना, एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर टीम ब्रो। 1.79 के सब्सक्राइबर्स OP, बिल्कुल भाई OP ब्रो, 1.8 के सब्सक्राइबर्स करवा दो आज ही भाई, 1.8 के सब्सक्राइबर्स पहुंचा दो जल्दी से जल्दी भाई लोग, जल्दी से जल्दी 1.8 के सब्सक्राइबर्स पहुंचा दो। हम लोग के पास कुछ ही और सब्सक्राइबर्स ही हम लोग को 1.8 के करवाने के लिए। दैट गेमिंग जोन सुनो अरे भाई, बताओ क्या हो गया, हम लोग ज़रूर सुनेंगे आपकी बात।
32 बंदे ऑलरेडी ओल फीवो एक स्लॉट 8 किक मत करना टीम अल्ट्रा क्रॉस फेनिक्स स्लॉट 8 स्लॉट 8 ओल डॉट इवोक्स को स्लॉट 8 किक मत करना मैं टीम अल्ट्रा क्रॉस फेनिक्स ओके ब्रो कोई दिक्कत नहीं है দেবো তো গ্রুপ এর পয়েন্টস কখন বেরোবে ঘোষ ভাই গ্রুপ এ কে পয়েন্টস নিকালেগা ব্রো টেনশন না হলো সবকে নিকলেগা শায়দ স্যার আজ তক মেরে কো নেই পাতা এক্স্যাক্ট রুম ক্রিয়েটর কো বল দো টেনশন না হলো ভাই আগর আপকি তরফ সে কোই কমপ্লেন নেই যাতা হাম লোগ কিসি কো নেই নিকালতে ব্রো কমপ্লেন করতে ফিড হি কিসি কো নিকালা যাতা হ্যায় एंड एट गेमिंग जोन ब्रो थैंक्स फॉर जॉइनिंग लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना शेयर भी कर देना अपनी टीम्स के साथ सपोर्ट दिखा दो टॉप 8 क्वालिफाई हो गए ना बिल्कुल भाई पॉइंट्स टेबल 3 डेज का निकलेगा उसके अकॉर्डिंग जो टॉप 8 टीम्स होंगे वो ही बस क्वालिफाई करेंगे अपने नेक्स्ट सेमीज में और फाइनल्स में ओपी टीम्स भी आने वाले हैं कोशिश कर रहा मैं सही टीम्स बुलाने का अगर नहीं कर पाऊँ माफ़ कर देना कोशिश पूरा लगाने वाला हूँ मैं सही टीम्स बुलाने का दो टीम्स ऑलरेडी अनाउंस्ड है एलिमेंट का पहला जो लाइनअप है बिल्कुल आगे सब लोग सबको पहचानते हो उसमें से एलिमेंट के बिल्कुल जो पहला लाइनअप सारे बड़े बड़े जगह में खेलता है वो वाला लाइनअप आ रहा है एलिमेंट का और एक है 31 वर्ष उन लोगों को भी आप लोग पहचानते ही होंगे 2019 PMIS में थे और बाकी अगर देखें तो फिर फिलहाल बाकी के दो हम लोग फेमस टीम्स बुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक सेट नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेट्स सी कब तक हो पाता है मेरी टीम अभी 13th में है ओके ब्रो कोई ना इंक्रीज हो जाएगा हफ्तोस भाई टेंशन ना लो टेंशन नहीं लेके खेलो भाई टेंशन ना लो सही से खेलो हो जाएगा भाई कोई ना भाई जस्ट किल्स की तरफ फोकस करो अगर इधर उधर से थोड़ा सा भी किल्स बटोलोगे तो फिर बहुत हो जाएगा लाइक अगर आप लोग अगर 5 भी किल्स कर लोगे ना फिर भी आप लोग के पास 10 पॉइंट्स आ जाएगा और चिकन में सिर्फ 20 पॉइंट्स इसीलिए बोल रहा किल्स थोड़ा इधर उधर करके जैसे भी करके मैनेज कर लो किल्स का ओके इस बार भी थोड़ा सा हल्ला है जोन में बंदे का ऑलरेडी 50 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं प्रीवियस डे 90 का लॉबी था लेट्स सी इसमें कितना होता है ऑलरेडी 50 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं लेट्स सी आई गेस 70 से ऊपर तो होगा ही क्योंकि सारे बंदे में होता है 1 किल का 2 पॉइंट्स बिल्कुल भाई एक किल का 2-2 पॉइंट्स करके और विनिंग का 20 पॉइंट्स सब कुछ पीएमसी के अकॉर्डिंग है लेकिन जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स फाइट में इंगेज है इसीलिए हो दैट्स वाई होना चाहिए दैट्स वाई हम लोग ने हर एक किल का 2 पॉइंट्स कर दिया और बाकी सब कुछ हम लोग ने रख दिया प्रीवियस पीएमसी के अकॉर्डिंग तो फिर आप लोग समझ ही सकते हैं तो फिर हम लोग किल्स का ज़्यादा प्रेफरेंस करते हुए तो फिर कोशिश करो किल्स उठाने का ज़्यादा नहीं बस 5-6 किल्स कर दो 10-12 पॉइंट्स आ जाएगा और क्या थर्ड पार्टी कर दो दूर से मिनी वगैरह का शॉट या फिर कार्नेट का चाटा देखे कोई नॉक को फिनिश कर दो वो भी बहुत हो जाएगा किल्स वैसे ही ज़्यादा अर्ली फाइट्स में एंगेज मत लो मिडिल या एंड फाइट से सही है लेकिन बस अर्ली फाइट्स में ज़्यादा एंगेज मत लो और कोई कुछ नहीं 61 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं 3 मिनट्स गेम का बाद एक्चुअली 3 नहीं 2 मिनट्स गेम का बचा है लेट्स सी कितना का लॉबी होता है प्रीवियस वाले गेम में 69 का लॉबी हुआ था लेट्स सी प्रीवियस वाले ग्रुप में इस वाले ग्रुप में लेट्स सी कितना का लॉबी होता है फाइव बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं लेट्स सी बाकी बस 2 ही मिनट बचा है गेम चालू होने का प्रीवियस दिन 80 के ऊपर चला गया इस बार देखते हैं कितना होता है
बीच बीच में लोग देख सकते 3 नंबर 14 का टीम नहीं आया, 22 का टीम अभी तक नहीं आया, बाकी सारे टीम्स अभी तक आ चुके हैं। और स्नाइपर गेमिंग पर किल्स कितने पॉइंट्स है ब्रो? पर किल्स 2 पॉइंट्स करके है, पर किल्स 2 पॉइंट करके है ब्रो। यो देवो द यो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम रोमित भाई। पर किल्स 2 पॉइंट्स करके है भाई। इसीलिए बोल रहा है गाइस, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत किल कर लो वो भी बहुत होगा, थोड़ा बहुत फाइट्स में इनकेच कर, थोड़ा बहुत किल्स कर लो बहुत हो जाएगा पॉइंट्स भाई। क्रोवी फाइनल विन करने पर, हाँ भाई ज़रूर है ब्रो, 2K का प्राइस पूल है ब्रो, 2K प्राइस मनी है अपना, या फिर अचीवमेंट्स ब्रो, 2K प्राइस मनी है ब्रो, सेकेंड एंड थर्ड 8 पॉइंट्स में बिल्कुल है। उसका तो पॉइंट्स है वो अलग है, फास्ट का 20 पॉइंट्स, सेकेंड का 14 आई गेस, थर्ड का 10 वैसे करके नीचे, फिर उसके बाद एक एक करके कम होगा। लेकिन अगर ये आप अगर ये वाला टूर्नामेंट विनर को भाई विनर एट टोटल प्राइस पूल अपने गेम का टूर्नामेंट्स का 2K भाई 2K तक आप लोग विन कर सकते हो इस टूर्नामेंट से, अगर आप लोग जीते या फिर फाइनल्स में टॉप किए फिर। इसलिए बोल रहा भाई सीरियस खेलो भाई इसको, बिल्कुल सही से सीरियस खेलो भाई, और ये एक अचीवमेंट्स भी रहेगा आपका, दोनों ही होगा भाई। हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 11 से बस एक ही बंदा आया, टीम 14 और टीम 22 नहीं आया, बाकी सारे टीम्स आ चुके हैं। ट्रायो को मैं कंसीडर करूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायो या फिर स्क्वाड पूरा को, बस हम लोग देख सकते टीम 11, 14 और 22 नहीं आया, बाकी बिल्कुल फुल आ चुका है। लेट्स सी अभी कब तक गेम चालू होता है, 3 टीम्स नहीं आया, देख के बुरा लगा फिर भी, अगर 3 टीम्स आते तो फिर आसानी से आई गेस 90 के ऊपर लव ही चल रहा जाता, फिर भी 70 के ऊपर भी सही ही है। लव ही अभी तक बंदे ज्वाइन होते हुए 71 प्लेयर ज्वाइन होता हुआ, पिछले मैच में कौन जीता बड़े एग्जैक्ट टीम नेम तो याद नहीं है, लेकिन उनका टीम 5 था नेम, और अपना गीन भाई उनको सपोर्ट कर रहे थे। स्टार्ट टाइम क्या है, 5 में ही स्टार्ट टाइम है, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा ब्रो, रुक जाओ देखते हैं कब तक ये लोग चालू करते हैं। ग्रुप में चेक करो एसएस है, ग्रुप में चेक करो एसएस है, एसएस किसका एसएस भाई, शौकत भाई किसका एसएस ब्रो, किसके एसएस भाई बताओ एक बार हमको भी। स्टार्ट होने का चांसेस एग्जिट 5 को है, तो फिर 5-5 मैक्स टू मैक्स 505 के बाद 505 से पहले चालू हो जाएगा गेम, इसका गारंटीड है आई गेस। एक बार रिकलेक्शन कर रहे या फिर कोई टीम्स बोला है थोड़ा सा वेट करने के लिए, लाइक थोड़ा सा वेट करने के लिए दिक्कत है इसलिए। ओके एक बंदे ने डाउनलोड नहीं किया था मैप, उसके बाद उनको किक करके गेम चालू हो गया, मेरा फ़ोन गर्म हो गया आपकी स्ट्रीम देख कर। अरे भाई कोई ना ब्रो, इसी के साथ साथ हम लोग के गेम चालू होता हुआ भाई, गलत एक बंदे को निकाल दिया गया वहाँ पे, उनका मैप डाउनलोड नहीं था इसीलिए। टीम लाइव उन्होंने प्रीवियस मैच 16 किल्स, नाइस ब्रो। भाई कोल नेक्सस का कौन सा टीम है ब्रो? कोल नेक्सस का ऑनिक्स टीम है, एग्जैक्ट टीम तो नहीं पता, ऑनिक जोस वाईटी के साथ खेलता है भाई। शोकत भाई थोड़ा सा शेयर कर दे ब्रो, डेस्टिनी भाई अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो तो फिर शेयर कर दो ब्रो, ग्रुप्स में जो जो ग्रुप्स है उसमें थोड़ा सा शेयर कर दो भाई, ज़्यादा बंदे नहीं देख रहे हैं। ओके मैं ही एक बार ही जाता हूँ शेयर करके आता हूँ एक सेकेंड में। तेरा टीममेट बिमल गाया, ओके इसी के साथ साथ हम लोग का गेम खत्म हो चुका है, चालू हो चुका है, निकाल मेरा टीम से गया क्या, गलत, ओ भाई अपना टीम से गया सच में, हमने टीम में से भी अभी तक डाउनलोड नहीं है किसी का, ओ भाई कौन सा गया, 3 बंदे खेल रहे, गलत हो गया, ये तो गलत सीन हो गया,
चलो कोई ना, जो भी है उससे ही काम चलाना पड़ेगा इनको अभी। मैं तो पहले से बोल दिया था मीना का मैप होगा, अगर अभी ये लोग नहीं करते अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। कि क्यों किया तेरा मीनामा डाउनलोड नहीं दिखाता, तेरा मीनामा डाउनलोड नहीं लिखा था ब्रो। मेरा हार्ड मैप डाउनलोड है, डाउनलोड नहीं ब्रो, लाइव स्ट्रीम पीछे करके देख सकता है। नहीं दिखाया, वो ही दिखाया, डाउनलोडेड नहीं है एपेक्स गेमर्स ZYT का, दैट्स वाई यू आर किक्ड। अब मेरे को नहीं पता ये यू पबजी का ग्लिच है या फिर कुछ और, लेकिन तेरा डाउनलोड नहीं है था, ये तो गारंटीड दिखा मैंने, देखा मैंने, मैं भी देखा लाइक अपने आँखों से देखा। मेरा मीना मार है, तेरा मीना मार किधर है? ओके लेजर में बस एक ही अपना ही टीम जा रहा है, तो फिर गन फाइट तो नहीं होने वाला, मज़ा ही मज़ा है उनका। यहाँ पे फिलहाल 7X का टीम लूट वगैरह करेंगे आसानी से मस्ती में। और किधर कौन सा टीम है यहाँ पे? टीम नंबर 14 हम लोग देख सकते, लॉस लियोनिस में उतरे, लेकिन एक ही बंदा है टीम नंबर 14 का। टीम नंबर 14 इसको किक कर देते ना, एक ही बंदा इनका, किक कर देना चाहिए था। जो भी हो फिर भी चलो कोई ना, टीम नंबर 17, टीम नंबर 19 अकेला टीम है, G2 का टीम, पिकार्डो में लूट करते हो भाई साहब, अलग ही स्पिरिट लेवल है इनका। और जोन एक हेलकट शिफ्ट लेता हुआ सारे टीम से दूर, जो जो टीम से एकदम सदन और लेफ्ट एज में गया था वहाँ पे ही बस टीम्स को सपोर्ट मिला, बाकी सारे टीम्स को यहाँ पे रोटेट इन करना है। यहाँ पे टीना 20 भागते हुए इनके पीछे से, यहाँ पे गाड़ी लेके टीना नंबर 17 का टीम लोगों को कुचालने की कोशिश करते हुए, गलत। ओके थोड़ा सा डैमेज दिया, थोड़ा सा डैमेज दे चुके, ले चाहिए टीना नंबर। ओके यहाँ पे निकाल जाएगा दूसरा भी बंदा, टीना 20 का यहाँ पे लौता बंदा हम लोग देख सकते हैं फिलहाल इधर। यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 किल्स बैक टू बैक करने का मौका मिलता है टीना नंबर 17 टीम को, लेकिन यहाँ पे टीना 20 ने IQ लगा के उसके साइड में बैठ चुका है। ओके और पंच वगैरह भी करता हुआ, ओके आई डोंट थिंक अभी इसके बाद टीम नंबर 20 कुछ कर पाएंगे। इसी के साथ अच्छा टीम नंबर 20 का सफ़र खत्म होता है। वहाँ पर TSW भी आई केस वाइप हो चुकी है, गन से मैं वो वाला फाइट नहीं दिखाने वाला क्योंकि फिर तो बंदे बोलेंगे लाइक गन फाइट। ओके 4 किल्स निकल चुके, इसके साथ अच्छा 2 टीम्स यहाँ पे वाइप होता हुआ हम लोग देख सकते हैं। ओके टीम नंबर 3 फिलहाल तो आराम से लूट वगैरह करते हैं, उनके साइड में टीम नंबर 21 का टीम, इन दोनों टीम के बीच फाइट्स नहीं होने वाले क्योंकि यहाँ पे ये वाला बंदा गाड़ी लेके करने वाला है। ये है जोन, ये है लाइफ, अभी देखते हैं क्या होता है सीन। गाइस जो जो देख रहे हो सपोर्ट दिखा दो अपने भाई को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो भाई। कैंपर्स को दिखा, कैंपर्स तो फिलहाल एकदम सही लोकेशन में है, हम लोग देख सकते हैं हिलाजर अकेला ही टीम गए हैं पे, कैंपर्स का टीम लूट वगैरह करता हो तो फिर सही है ये लोग। मिनी मार्क है तो यहाँ पे ZVM गॉट, अरे तेरा डाउनलोड क्यों नहीं था पे मैप? यहाँ पे नहीं ना, 12 और 8 भी हम लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लेट्स इन दोनों के बीच फाइट में कैसा सीन है। यहाँ पे टीम नंबर 8 के पास ऑलरेडी 1 किल्स है सो कॉल्ड, टीम नंबर 12 ने ऑलरेडी एक बंदा खो चुके हैं। वहाँ पे IF रवि भाई डाउन होते हैं मिनी से, जो जो टीम से अर्ली फाइट में नहीं छोड़े तो फिर उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत बन सकता है बाद में, बाद में उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का सीन बन सकता है। सपना तो सही है लेकिन बाद में एंड जोन में जब फाइट्स वगैरह होंगे तब अगर बंदे लूज कर गए तो फिर दिक्कत का सीन बनेगा। यहाँ पे उल्फ एडिक पे हम लोग देख सकते हैं, UMP लेके टीम नंबर 8 के ऊपर जाता हूँ मैं, SS दिया ग्रुप में सब मैप है नाइस। पबजी का OP ग्लिच बोलेगा अपन, पबजी OP तो क्या ही कर सकते हैं फिलहाल, तू बस स्ट्रीम देख। यहाँ पे फुल ने एक बंदे ने वहाँ पे टीम नंबर 8 के एक बंदे को डाउन कर दिया, स्नूप भाई अपने UMUZI से एक्चुअली। भाई इसके बाद मैं भी आऊँगा डेक्स गेमिंग, आप किधर आओगे भाई? इसके बाद मैं भी आऊँगा।
मेरे साथ ही क्यों था, लगा मूड ख़राब हो गया। अरे भाई भाई, यहाँ पर नोट वर्क के एक बंदे को डाउन कर दिया गया। बाकी यहाँ पे एरिक भाई के पास चलेंगे हम लोग फुल फ्लो। यहाँ पे दूसरे बंदे भी उन लोग के पास शॉर्ट स्टडी ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन डाउन हो गया। यहाँ पे आखिरी बंदे को भी डाउन कर दिया गया, टीम नंबर एन। इसके साथ साथ चार किल्स उठाते हुए डार्क स्क्रीमिंग, वो ये PMCW चल रहा है, इसका IDP लीक नहीं होता ब्रो। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग भाई, बाय द वे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सामने टीम्स दोस्त पबजी जो जो देखते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर वगैरह कर देना। मैं स्ट्रीम देखता हूँ, तेरा वॉच टाइम इंक्रीज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एपेक्स भाई देखने के लिए स्ट्रीम। आखिर आप देख रहे हो तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें टीम नंबर 23 को आई गेस बहुत जल्दी ही रोटेट करना पड़ेगा। टीम नंबर 9 ऑलरेडी रोटेटिंग करना चालू कर चुके हैं, लेजर से बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं राइट से रोटेट कर रही है लोग। प्लेस यहाँ पे लेजर में जाके ये लोग फाइट्स एंगेज में करता है या फिर नहीं। टीम नंबर 23 के साथ गाइस जो जो देख रहे, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो भाई अपने चैनल को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। ज़्यादा बंदे देख भी नहीं रहा भाई आज, आज क्या सीन हो गया। आज का पूरा AS3 गेमिंग के ऊपर व्यूज जा रहा है, सारा बंदे आई गेस AS3 गेमिंग को देख रहे हैं आज। ज़्यादा बंदे मेरे पे आज नहीं आया, चलो कोई ना कोई एक भाई का तो हो गया अपना, एक ही बंदे बस आज देख रहा है। 7 मिनट गेम के बाद यहाँ पे 16 356 बंदे हम लोग देख सकते हैं जिंदा है। लेट्स इसके बाद काफ़ी इसमें एंगेज होता है टीम्स, ऐसा होना तो हम लोग इनको ही दिखाएंगे। गाइस जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके भाई। वहां पे IAF जीओस भाई डाउन होते हुए एक आई गेस खुद ही डाउन हो गया, या फिर रेड जोन वगैरह से भी डाउन हो सकता है। आई गेस रेड जोन से ही यहाँ पे IAF जीओस भाई डाउन है। IAF VYV वहाँ पे फिनिश्ड है। लेट्स यहाँ पे रेड जोन से बाकी के बंदे बच सकते हैं या फिर नहीं। ओके रिवाइव तो दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। गाइस जो बंदा देख रहा है भाई शेयर कर दो भाई, तो बहुत ही कम वॉचिंग आ रहा है ब्रो, थोड़ा सा शेयर कर दो भाई। 6.5 बंदे चले गए, क्या हो रहा है ब्रो, क्या सीन हो गया आज। PMCW में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा बंदे, कल बहुत सारे बंदे आए थे PMCW देखने, लेकिन आज ज़्यादा बंदे नहीं आ रहा, क्या हो गया भाई बताओ एक बारी क्या सीन है। किसका स्ट्रीम देख रहे हैं बंदे, एक्चुअली मैं और AS3 गेमिंग दोनों ही बंदे एक साथ हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, तो फिर आई गेस उनका स्ट्रीम ज़्यादा बंदे देख रहे होंगे AS3 गेमिंग का। दैट्स भाई मेरे पे ज़्यादा बहुत ही कम बंदे हैं, आई डोंट नो एक्चुअली क्या सीन है। आई गेस हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते डी नंबर 5 का टीम इधर फिलहाल उनके सामने पिकअप में, हम लोग देख सकते डी नंबर 19 का टीम उतरी थी और G2 का टीम, G2 पहले OP G2 का पूरा लाइनअप इधर फिलहाल होल्ड करता हुआ पिकअप में। लेट्स सी लोगों के पास गाड़ी लेके कब तक ये लोग रोटेशन देंगे। गाइस जो जो देख रहे हो सपोर्ट दिखा दो भाई, 2 से 3 ही बंदे देख रहे हो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। एपेक्स भाई थोड़ा सा शेयर कर दे भाई हो सके तो। ओके ऐसा होना तो फिलहाल ज़्यादा बंदे नहीं है, तो फिर हम लोग कर देते हैं स्मूथ और एक्सट्रीम, ज़्यादा चार्ज नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे G2 पैड OP के पास है कानी डॉट आई गेस है, इसके ऊपर 4x है या फिर हाँ नहीं 8x ही है भाई उनके पास। भाई सब गलत, रेड जोन देख के भाई गन वगैरह छोड़ के पूरा भागते हुए घर की तरफ, गलत सीन हो गया यहाँ पे G2 पैड OP के साथ। चलो कोई ना,
हम लोग देख सकते हैं डिनर 23 का टीम बिल्कुल जोन के एज होल्ड करता हुआ, टीम नंबर 7 का टीम यहाँ पे सुपर 8 लूट करता हुआ सदर्न आइलैंड में। मिलिट्री मिरामार के सदर्न आइलैंड में ज़्यादा टीम्स चाहते हैं लेकिन नहीं, फिर भी ये वाला टीम आ चुके और इसमें ही ड्रॉप गिरा M249 लेवल 3 का गियर्स सब कुछ। अभी तक 56 बंदे और 16 टीम्स जिंदा है 10 मिनट गेम के बाद, 10 नहीं एक्चुअली 11 मिनट्स गेम का हो चुका है अभी तक। गाइस जो जो देख रहे हो थोड़ा सा शेयर कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई, हो सके तो सपोर्ट दिखा दो ब्रो अपना, ज़्यादा बंदे आज देख नहीं रहे। अपेक्स भाई तू भी अगर देख रहे तो फिर थोड़ा सा शेयर करते ब्रो। हम लोग चलते हैं एक बेटी नंबर 8 के पास, इन नंबर 13 तो फिलहाल इन 15 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है लेकिन फाइव्स में आई डोंट थिंक इन लोग भी एंगेज होंगे। टी नंबर 19 के पास एक ड्रॉप गिरता हुआ, अगर एक बार ये वाला ड्रॉप देखे तो फिर इस वाले ड्रॉप में ऑग है, लेवल 3 का गियर्स है, 4x है, लेट्स सी ये वाला ड्रॉप कौन सा टीम आके लूट करता है। गाइस जो जो देख रहे हो सपोर्ट दिया था अपना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। यहाँ पे टी नंबर 10 हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल जोन इन करता हुआ, जोन सेकेंड जोन के अंदर भी यहाँ पे एक शिफ्ट होता हुआ जोन, टी नंबर 7 पोर 418 में बहुत सारे टीम्स को यहाँ पे जोन इन करना है। यहाँ पे लॉट के साथ यहाँ पे टी नंबर 18 के बीच क्लैश हो सकता है इस वाले जगह में, दोनों में ही दो दो बंदे करके हैं वहाँ पे, ये दिक्कत का सीन बन सकती है। यहाँ पे टी नंबर 4 के लिए इन लोगों का गाड़ी ऑलमोस्ट ब्लास्ट हो गया था लेकिन एंड मोमेंट में बचते हुए यहाँ पे, ओके यहाँ पर टी नंबर 4 के लिए दिक्कत का सीन बनता हो क्योंकि उनको जोन इन करना होगा। टी नंबर 18 ऑलरेडी उन लोगों का जोन कैम करता हुआ उन लोगों के लिए, अब 7x से बाकी बंदे के पास चले तो फिर फिलहाल इनका ही बंदा इधर है। ओके ओवरऑल में देखते हैं हम लोग, तो एजो के पास मिनी 6x है, ओके ये बंदा शॉट ले रहा था लेकिन आई गेस अभी फॉल बैक करेंगे क्योंकि उनको भी पता है रेड जोन है, अगर रेड जोन में डाउन हो जाएंगे तो फिर दिक्कत का सीन उनको ही भरना पड़ेगा बाद में। ओके यहाँ पर टी नंबर 19 आई गेस 18 आई गेस फॉल बैक करने की कोशिश करता हूँ, टी नंबर 17 के पास अगर चले तो फिलहाल ये लोग सही है। वहाँ पर टी नंबर 9 और 3 के बीच फाइट चलता है, टी नंबर 3 ने ऑलरेडी एक बंदा खो चुका है इनके सामने, अगर देखे तो फिर टी नंबर 9 का बंदा यहाँ पे लॉन्ग रेंज फाइट लेने की कोशिश करता है, मिनी से शॉट लेने की कोशिश यहाँ पे जारी है। मैं शेयर कर दिया और बंदे को ओके ब्रो इसका स्ट्रीम देख रहे हैं बंदे, थैंक्स ब्रो शेयर करने के लिए लेकिन थोड़ा सा और भी कर दे ब्रो हो सके तो, ज़्यादा बंदे आज नहीं इंटरेस्टेड आई गेस नोटिफिकेशन नहीं आए तो कुछ तो नहीं हुआ ब्रो, मेरे को नहीं पता क्या सही ना, लेकिन आज ज़्यादा बंदे नहीं देख रहे अभी तो फिलहाल मेरे को 0 व्यूज़ दिखा रहा है। जीरो वाचिंग वाइटी ग्लिच बोलते हैं, अरे वाइटी ग्लिच नहीं, ज़्यादा बंदे नहीं देख रहे दैट्स वाई, कोई भी एक्चुअली नहीं देख रहा, मेरे को नहीं पता क्या सीन है आज MCW आज कोई भी नहीं देख रहा एक्चुअली, मेरे को नहीं पता क्या सीन है। ग्रुप बी से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर टीम नंबर 23 के पास चले तो फिलहाल सेकेंड जोन में जोन इन कर चुके, शॉट्स आते उनको डाउन कर देगा यहाँ पे लॉन्ग रेंज सेट वी घोस्ट का, आई डोंट थिंक यहाँ पे रिवाइव भी मिलेगा इनको क्योंकि दिक्कत का सीन बनता है। टीम 23 अपनी टीम से बहुत ज़्यादा दूर है फिलहाल, बाकी के बंदे आई गेस गाड़ी वगैरह लेते जाते हुए लेकिन उनके साइड में ही है टीम 15 का भी टीम, लेट सी क्या होता है यहाँ पे। ZVM गॉड भाई फिलहाल गाड़ी लेके किधर जाते मेरे को नहीं पता, टी नंबर 14 का बंदा वहाँ पे उतर के उनके ऊपर शॉट ले लेकिन उनके साइड में हम लोग देख सकते हैं टी नंबर 14 का भी बंदा है
यहाँ पे जेड वी घोस्ट ओपी का आई डोंट थिंक कोई भी अंदा आके रिवाइव देने वाला है, थोड़ा सा दूर है अपने टीम से, लेट सी क्या होता है। रीना और 14 के अंदर फिलहाल जाता है डायरेक्ट, पूरा रीना 15 के बिल्कुल नज़दीक से जाता हुआ भाई, गलत सीन होता हुआ, लेकिन रीना 15 ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करते हुए वहाँ पर और ज़्यादा शॉट्स भी नहीं लिए वहाँ पर। लेकिन रीना 23 बिल्कुल शॉट्स लेने की कोशिश तो की ज़रूर, लेकिन उनके सामने ही खड़े के रुक चुके। रीना 14 का ये बंदा गॉड एक्सपी भाई, नंबर 14 के अकेले बंदे सामने कैंपर्स के, यहाँ पे ओरियन नो भाई, वहाँ पे बीप के एक बंदे को वहाँ पे डाउन कर दिया गया। एक बार चलते हैं हम लोग बीप की टीम के पास, टीआरएस के बंदे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टी नंबर 7 का टीम, यहाँ पे फिलहाल उनके सामने टी नंबर 10 का बंदा, उनके पास एक ड्रॉप गिरता है यहाँ पे टी नंबर 10 के ऊपर, जेड वी घोस्ट को वहाँ पे फिनिश कर दिया गया। MK14 है, लेकिन ये वाला ड्रॉप लेने के लिए उनको थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। उनको सामने टी नंबर 10 का भी बंदा है, टी नंबर 7 और 10 के बीच में फाइट देखने में मजा आएगा। गाइस जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके, ज़्यादा बंदे नहीं देख रहे तो फिर आप लोग के जो जो देख रहे हो शेयर करके सपोर्ट दिखा भाई थोड़ा सा। और कहाँ बंदे? वहाँ पे यूटी के एक बंदे को वहाँ पे डाउन कर दिया गया, गलत सीन होता है वहाँ पे। एक घड़ी चलते हैं हम लोग बीप के टीम के पास, इनका तीन बंदे यहाँ पे जिंदा है हम लोग देख सकते हैं। ओके सेकंड जोन ऑलरेडी आ चुका है, बाकी ऑलमोस्ट सारे बंदे क्लोज इन कर चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है, ये वाईटी ग्लिच के चलते टीम का प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल भाई सारे टीम्स के यहाँ पे प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। यहाँ पे टी नंबर 23 हम लोग देख सकते हैं, उनके सामने टी नंबर 15 का बंदा, पीछे वहाँ पे टी नंबर 14 का टीम, यहाँ पे टी नंबर 5 ने एक और बंदा खोया, टी नंबर 3 के साथ आगे ये लोग एंगेज करने की कोशिश करते हुए। टी नंबर 5 फिलहाल तो गाड़ी वगैरह लेके फॉल बैक करने की कोशिश, वहाँ पे अजय ओपी को उल्फ थोड़ा डाउन कर दिया गया। अब देखते हैं तीसरा जोन किधर बनता है। ओके एक ओपी जोन बन चुका है, अभी देखते हैं कौन सा टीम जोन के बाहर है। यहाँ पे टी नंबर 16, टी नंबर 21, 17, 8 बहुत सारे टीम्स का हम लोग देख सकते हैं जोन के बाहर है, उनको जोन इन करना है। ये एक दिक्कत का सीन बनता है यहाँ पे टी नंबर सारे टीम्स के लिए। ओके यहाँ पे टी नंबर 23 एक सही लोकेशन में पहुँच चुकी है हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उनके सामने ही है टी नंबर 13 का टीम। अगर टी नंबर 13 या 23 होता है तो वो दिक्कत का सीन बन सकते हैं यहाँ पे टी नंबर 23 के, लेकिन टी नंबर 23 के बस दो ही बंदे जिंदे, टी नंबर 13 के चारों बंदे के साथ इन लोगों का फाइट लेना पड़ेगा। ब्रो व्हाट आर यू प्लेइंग ब्रो, मैं कुछ नहीं खेला, ये PMCW चल रहा है अपना, एक टूर्नामेंट चल रहा है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। 51 बंदे 16 टीम जिंदा है 20 मिनट गेम के बाद, लेट सी इसके बाद कौन सा टीम फाइट्स वगैरह लेके चिकन लाएंगे अपने टीम के लिए। थैंक्स एवरीवन जो जो ज्वाइन किया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपना डे 2 चल रहा है अपना PMCW का और ग्रुप बी का मैच चल रहा है, इसके बाद ग्रुप सी और डी भी होने वाला, तो फिर जो जो देख रहे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा के देखते रहो स्ट्रीम और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दियो ब्रो, देवांशु प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ब्रो क्या फ्री फायर भी खेलते हैं? नहीं ब्रो ऐसा बना तो हम लोग नहीं खेलते, लेकिन बहुत जल्द हम लोग शायद से कोशिश करेंगे चालू करने का। यहाँ पे गॉड एक्सपी भाई अकेले फिलहाल साहब है, वहाँ पे टी नंबर 21 के एक बंदा है, गाड़ी पर से डाउन होता है वहाँ पे बीप हंटर भाई। ओके गलत सीन होता है यहाँ पे बीप हंटर के साथ। ओके आई गेस रिवाइव वगैरह तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 14 का दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टीम नंबर 14 हम लोग देख सकते हैं अकेला एक ही बंदे ये वाला कंपाउंड सोल्ड करता हुआ, लेट से क्या होता है। ओके आपका सिमर बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु भाई, भाई जो जो देख रहे सपोर्ट दिखा दो भाई अपना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें भाई। साइड से टीम नंबर 9 का टीम हम लोग देख सकते हैं रोटेट करते हैं, इनका ऑलरेडी एक बंदा डाउन हो चुके, बाकी के बंदे के ऊपर भी शॉट्स ले रहा है, इनका गाड़ी भी वोल्ट करता हुआ दिक्कत वाले पोजीशन में है और क्या करने सोच नहीं पाए, क्योंकि उनके सामने से भी टीम नंबर 7 का टीम भी रोटेट कर रही थी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सदन इस वाले एरिया में बहुत सारे टीम्स का क्लस्टर बनता हुआ, तो इन सारे टीम्स के बीच जो क्लस्टर बन रहे भाई दिक्कत का सीन बनेगा यहाँ पे सारे टीम्स के लिए।
यहाँ पर टीम नंबर 7 का टीम है, 4 का टीम है, 21 का टीम है। टीम नंबर 4 के ऊपर शॉट ले रहा है, जा रहा है, लेकिन ऊपर से भी शॉट्स लिया गया। टीम नंबर 4 के एक बंदे को डाउन कर देगा, TRS लेस्टर दोनों को फिनिश भी कर देंगे। दूसरे बंदे को भी यहाँ पर स्पॉट किया दिया, ग्रॉजर के स्प्रे, इस ग्रॉजर स्प्रे देने की कोशिश करने के, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउन होते हैं। यहाँ पर टीम नंबर 7 के एक बंदा, दो बंदा ऑलरेडी टीम नंबर 7 खो चुके हैं। टीम नंबर 4 के पास अगर चले तो फिलहाल इनके भी दो ही बस बंदे जिंदे हैं। वहाँ पर टीम नंबर 7 के ऊपर शॉट्स वगैरह ले रही है जरूर। पीछे से टीम नंबर 16 का टीम भी हम लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वहाँ पर टीम नंबर 10 और 18 भी एंगेज, टीम नंबर 18 और 8 आई मीन भी एंगेज होते हुए लेजिट सारस को यहाँ पर डाउन कर दिया गया। टीम नंबर 10 का आई गेस लौता बंदा जिंदा है, थोड़ा सा दूर है हमने टीम से, लेकिन फाइट्स में नहीं एंगेज होने वाला है। यहाँ पर टीम नंबर 4 अभी तक शॉट्स लिया जा रहा है टीम नंबर 7 के ऊपर। वहाँ पर टीम नंबर 9 का भी एक बंदा डाउन होता हुआ, अगर टीम नंबर 7 के एंगल देखे तो फिलहाल ये अपने एक टीममेट खो चुके, एक बंदे को रिवाइव कर दिया गया। एक बार टीम नंबर 9 के एंगल देखे तो फिलहाल इनका दो ही बस बंदा जिंदा है। वहाँ पर TSM के एक बंदे को डाउन कर दिया गया, टीम नंबर 4 का बस अकेला एक ही बंदा जिंदा है। यहाँ पर टीम नंबर 7 के ऊपर कॉन्टिन्यू M416 4X का स्प्रे देने की कोशिश करते हुए, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जोन एक गलत ही शिफ्ट लेता हूँ। टीम नंबर 15 अकेला ही टीम है जो जोन के अंदर है, बाकी सारी टीम को जल्दी से जल्दी जोन इन करना होगा। 22 मिनट गेम का हो चुका है। आदिवंश भाई बताओ क्या सीन है, प्लीज़ रिप्लाई इसके पहले वाला, कुछ मैसेज सीन नहीं कर पाया मैं, कुछ मैसेज आया नहीं है। पर टीम नंबर 10 का टीम हम लोग देख सकते हैं रोटेट इन करते हुए जोन की तरफ, कुछ कोई भी टीम हम लोग देख सकते हैं जोन के अंदर नहीं है भाई। मैक्सिमम टीम जो यहाँ पे टीम अर्ली रोटेट करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस पोजिशन है हम लोग बोल सकते, हो सकता है उनके लिए। यहाँ पे IF के बाकी के बंदे भी यहाँ पे जोन इन करना होगा। वहाँ पे टीम नंबर 14 का टीम फिलहाल अकेला बंदा अभी तक जिंदा है। टीम नंबर 21 के साथ एंगेज हो सकते हैं ज़रूर, लेकिन अभी तक नहीं हुए। इनको भी आई गेस पता नहीं है उनको उनका लोकेशन लेने, तो फाइट में ज़रूर एंगेज होते हैं। वहाँ पर टीम नंबर 13 का टीम हम लोग देख सकते हैं, सॉरी टीम नंबर 13 के पास चल रहे थे हम लोग। इनके चारों के चारों बंदे जिंदा है, दो किल से सामने टीम नंबर 21 के टीम्स को स्पॉट करने की कोशिश करते हुए। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 23 का टीम जैसे वैसे करके जोन इन करते हुए बिल्कुल एज करते हैं यहाँ पर जोन का, लेकिन उनके ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 13 का टीम ऑलरेडी होल्ड करती हुई। अगर यहाँ पे दिक्कत का सीन बन सकते हैं क्योंकि टीम नंबर 13 जोन के अंदर नहीं है, उनको जोन इन करना होगा। वहाँ पे टीम नंबर 21 के साथ आई गेस टीम नंबर 14 का फाइट चालू हो चुका है। एक ही हम लोग यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुके थे इसीलिए आसानी से डाउन कर दिया। वो आई गेस वो भाई नीचे जंप करके ही डाउन हो गया। एक बार ये वाला ड्रॉप देखते हैं, इसमें ऑन लेवल 3 का गियर्स एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉप है, कैरलियो गेमिंग ये लो कैंपर्स का टीम। फिलहाल इनका दो ही बस बंदे ऊपर से टीम नंबर 13 का टीम वहाँ पे शॉट्स ले रहे थे इनके ऊपर, एक ओपन शॉप बन गए भाई ZVM गॉड ब्रो, क्या सीन बन गया इनका नहीं पता। SS फुल हाँ ब्रो, SS ले रहा भाई मैं, एक सेकेंड आप भी ले लो, मैं भी ले रहा हूँ भाई। यहाँ पे ZVM गॉड को डाउन कर देगा और इसके साथ साथ कैंपर्स का टीम यहाँ पे टीम नंबर 13 के हाथों डाउन होता हुआ, गला सीन बनता हुआ। SS का टीम मैंने ले लिया है भाई, एक बार ये वाला देख ले लो भाई, नीचे वाला ले लो, नीचे वाला, नीचे नीचे थ्री टीम्स वाला ले लो भाई एक बार, ही वो वाला नहीं लिया जाता। ओके ले लिया मैंने, चलो कोई ना। इसी के साथ साथ 38 टीम्स और 12 बंदे हम लोग जिंदा है। टीम नंबर 7 अगर देखे तो फिलहाल इनको जोन इन करना पड़ेगा, ये एक दिक्कत का सीन है। डेस्टिनी भाई थोड़ा सा शेयर कर दो, ज़्यादा बंदे नहीं दिख रहे आज अपना स्ट्रीम, इसीलिए बोल रहा। वहाँ पे बीप के साथ मास्टर का भी फाइट चल रहा है, B4AC968 भाई भी डाउन होते हुए टीम नंबर 3 के पास चलते हैं। फिलहाल उनके सामने टीम नंबर 19 का टीम, टीम नंबर 13 के पास चलते हैं। फिलहाल उनके सामने टीम नंबर 17 और दूसरे साइड में टीम नंबर 21 का टीम, लेकिन यहाँ पे दूसरे एंगल से ही पड़ा और डाउन कर दिया गया। वहाँ पे टीम नंबर 8 भी टीम नंबर 13 के पास शॉट्स लेके पूरा फिनिश कर दिया गया। जोन टीम नंबर 15 को भी जाना होगा, टीम नंबर 3 के पास चलते क्योंकि टीम नंबर 3 यहाँ पे टीम नंबर 19 के साथ एंगेज करते हुए। ब्रो आपके इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पर इतना कम वॉचिंग क्यों नहीं पता ब्रो। यहाँ पर टीम नंबर 3 टीम नंबर 19 के ऊपर पुश करने की कोशिश, वहाँ पर टीम नंबर 19 को ऑलरेडी दो बंदा डाउन
हो चुके 19 का अगर एंगल देखे तो फिलहाल इनके दो ही बस बंदे जिंदा है। यहाँ पे मॉली ट्राई करने की कोशिश करते हुए जीटू ध्रुव भाई कनेक्ट तो नहीं होंगे और एडिना ने लगाते हुए पूरा बूस्ट लेके फाइट लेने के लिए। तीनों और 319 के बीच फाइट सही होता है। यहाँ पे ग्रेनेड जरूर सही कनेक्ट हुआ था लेकिन और स्मोक लगा दिए वहाँ पे सामने। तीनों और 3 का अगर एंगल देखे तो फिलहाल उनके एक बंदा डाउन है। एक बंदे का हालात 70 HP हेल्थ है उनके पास फिलहाल, तो फॉल बैक करेंगे रिवाइव देने के लिए। सबसे पहले टीम नंबर 18 और 16 के पास हम लोग चलते हैं फिलहाल। ये लोग सामने जाते हुए ग्रेनेड स्ट्राइक करते हुए टीम नंबर 18 के ऊपर कैंपर्स का क्या हाल है। कैंपर्स ऑलरेडी वाइप्ड हो चुकी है ब्रो, कैंपर्स ऑलरेडी वाइप्ड हो चुकी है भाई। यहाँ पर आई एफ टीम के नीचे से TRS एली में रोटेशन देने की कोशिश करते हुए बहुत ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी उनको बढ़ चुके हैं। उनके गाड़ी का भी हालात ख़राब है, एली का यहाँ पे डाउन होने का हाई चांसेस है। लेकिन यहाँ पर साइड से भी आई एफ के ऊपर शॉट आ रहा है। यहाँ पर TRS एली को यहाँ पे नॉक फिनिश कर दिया जाएगा। टीम नंबर 15 हम लोग बोल सकते सबसे सही लोकेशन में थे लेकिन उनके 3 बंदे डाउन है। फ्यूजन OP अकेले बच्चे हुए सामने। टीम नंबर 5 का बंदा, टीम नंबर 5 का अगर एंगल देखे तो फिलहाल WNM कुलदीप भाई पे फिलहाल जिंदा थे लेकिन टीम नंबर 15 ने यहाँ पे वाइप कर दिया। 3 बंदे को खोए जरूर लेकिन रिवाइव अगर आई गेस आसानी से दे देंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन जोन किसी का सगा नहीं है इसलिए जोन आता वो दिक्कत का सीन ही बनता हुआ है। बस 7X की टीम के पास चलेंगे। 4 बंदे जिंदा टॉप 10 में ये लोग पहुँच चुकी है अपनी टीम को। ओके टीम नंबर 7 के पास चलते हैं फिलहाल। इनके 2 बंदे जिंदा 5 किल्स कर चुके। ऊपर से टीम नंबर 8 का टीम शॉर्ट्स ले रही साइड से। टीम नंबर 33 का टीम यहाँ पर शॉर्ट्स ले रही। टीम नंबर 16 के बस चलते इनका अकेले लौता फ्यूरी भाई जिंदा है। सामने टीम नंबर 3 का टीम है भाई, साइड से भी शॉर्ट्स आ रहा है। टीम नंबर 19 और 18 द्वारा टीम नंबर 3 का भी यहाँ पे एक ही बंदा जिंदा। 1v1 का फाइट है यहाँ पर, आई गेस स्पॉट नहीं किया और डाउन होते हुआ यहाँ पर टीम नंबर 3 का टीम। मैं स्ट्रीम करूँगा मोबाइल गेम्स। अरे भाई यहाँ पर टीम नंबर 18 के पास अगर चले तो फिलहाल यहाँ हम लोग फिलहाल इनका सही लोकेशन में जोन में भी है। यहाँ पर टीम नंबर 21 ने किसी टीम को वाइप कर दिया। 7X के ऊपर भी शॉट्स ले रही है। यहाँ पर G2 के टीम के पास अगर चले तो फिलहाल 2 किल्स उठा चुकी है और टॉप 7 में पहुँचा चुकी है। एक बंदे को जरूर लेकिन इनके पास थोड़ा ही जाना पड़ेगा फॉर जोन। इनके पीछे टीम नंबर 16 टीम है अगर हम लोग देखें तो फिर फिलहाल शॉट लिया गया और टीम नंबर 16 के आई एफ पीयूष को डाउन कर देगा। आई एफ पीयूष अकेले बचे, उनको हील वगैरह करना है नहीं तो फाइट्स में ब्रो मैं बच्चा हूँ, मैं मोबाइल नहीं जी सकता, सॉरी डोंट माइंड। अरे भाई हाँ देवंशु ब्रो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ब्रो, एक बारी लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दियो ब्रो, बता देना अपने दोस्तों के अपने इस भाई को शेयर सपोर्ट करने को। यहाँ पर टीम नंबर 16 के ऊपर शॉट्स लिया जा रहा, अगर एक भी कनेक्ट होता तो फिर टीम नंबर 16 के ये बंदा डाउन हो सकता है, इसीलिए एक दिक्कत का सीन बनता है यहाँ पर टीम नंबर 16 के लिए। सामने टीम नंबर 19 का टीम है, यहाँ पर टीम नंबर 18 का टीम फिलहाल तो सही लोकेशन में है और 2 बंदा ऑलरेडी जोन के अंदर है। हम लोग सबसे सही लोकेशन अगर देखें तो फिलहाल इसका है भाई। सब टीम्स यहाँ पर सदन एक फाइट करता हुआ लेकिन ऊपर साइड में टीम नंबर 10 के एक ही बंदे हैं। टीम नंबर 10 के उस बंदे को स्पॉट कर दिया गया है टीम नंबर 19 जो है। यहाँ पर टीम नंबर 21 एक बंदा, टीम नंबर 18 के एक बंदे को डाउन कर चुके। टीम नंबर 18 का अभी तक 2 बंदे जिंदा है, स्मोक्स वगैरह लगाते हुए गाड़ी के ऊपर। टीम नंबर 7 का उस बंदे को थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे जोन आना के ऊपर। टीम नंबर 21 का टीम जरूर शॉट्स लेंगे अगर स्पॉट के साइड में। टीम नंबर 18 का टीम भी वहाँ पे स्मोक्स वगैरह लगाने की कोशिश करते हुए लेकिन यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाया सही से TRS का, लेकिन अभी डाउन कर दिया। 7X स्टॉर्म को फिनिश भी कर देंगे लेकिन साइड से टीम नंबर 21 आके थर्ड पार्टी करता है। बीप का टीम फिलहाल 3 बंदे जिंदा है और 13 किल्स भाई, 13 किल्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, 13 किल्स उठा चुकी है अभी टीम नंबर 21 का टीम और टॉप 4 में पहुंच चुके। एक बार टीम नंबर 10 के पास चलते फिलहाल, इनका लोकेशन सही था। टीम नंबर 19 का यहाँ पे डाउन करते हो सही पोजीशन लेके 8 किल्स अकेले उठा चुके। इसी के साथ साथ 3v1v1 का सीन है, 7EX वर्सेस INGL वर्सेस बीप। बीप के टीम के पास ऑलरेडी 13 किल्स है और बहुत ज़्यादा एडवांटेज है चिकन लेने का, लेट सी क्या होता है। 3v1v1 का सीन है यहाँ पे टीम नंबर 21 18 और 10 के बीच। आप फ्री फायर के लाइन गेम प्लेस डालो, आपका चैनल ग्रो होगा, कोशिश करूँगा ब्रो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। हम लोग देख सकते 30 मिनट्स गेम का हो चुका है। 7X जॉनी को वहाँ पे डाउन कर दिया गया। INGL एजेंट भाई अकेले बचे हुए, 1v3 का सिचुएशन उनको पता चल गया। अगर वो वहाँ पे गाड़ी निकालने की कोशिश कर तो फिर उनके लिए ही दिक्कत है। वहाँ पर टीम नंबर 21 ने उनको स्पॉट किया, बहुत ज़्यादा डैमेज देखिए एक बंदे को डाउन
कर दिया क्या है, रिलोड कर दिया भाई। अगर ऊपर के बस चले तो फिलहाल बीप के दूसरे बंदे को वहाँ पर स्पॉट कर रेड डॉट से स्प्रे देने की कोशिश, बहुत ज़्यादा डैमेज दी थी जरूर लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए सही से। इसी के साथ साथ बीप का टीम चिकन लाता है यहाँ पे बहुत हाई किल्स के साथ, यहाँ पे 15 किल्स करके यहाँ पे बीप का टीम चिकन लाता है सेकेंड पोजिशन में। यहाँ पे INGL का टीम 8 किल्स के साथ, INGL एजेंट भाई अकेला ही टीम बने जो 8 किल्स कर चुके थे भाई एक ही बंदा ने, INGL एजेंट भाई बिग शाउट आउट टू यू ब्रो। थर्ड पोजीशन में यहाँ पे 7EX का टीम जो 2 किल्स करके थर्ड पोजीशन में आए, बाकी लोगों का डायरेक्शन किल्स सब लोग देख सकते हो, मैं SS भी ले रहा हूँ कर लेना बिल्कुल भाई। ओके इसी के साथ साथ हम लोग का दूसरा गेम खत्म होता है, PMCW का ग्रुप बी का गेम, ग्रुप सी और डी भी अभी ही होने वाला है बिल्कुल 5:45 बजे, ID भी आएगा और स्टार्ट होगा 6 बजे। तो फिर गाइस बने रहो स्ट्रीम पर और देखते रहो गाइस, मज़ा आ रहा है देखने में गाइस। OP कमेंट्री दिवांशु भाई बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो। सबको भाई बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, जो जो सपोर्ट कर रहे हो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट दिखाते रहो गाइस क्योंकि मिडिल में बहुत कम सपोर्ट आ रहा था भाई, 1 या 2 की वॉचिंग आ रही थी लेकिन अभी फिलहाल सही है 6 से 7 बंदे देख रहे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एज ऑफ नाउ। ओके हम लोग का दूसरा गेम इसके साथ साथ खत्म होता हुआ, लेट्स सी ग्रुप सी में कैसे बंदे रहते कैसे सपोर्ट मिलता है। हेलो देवो रौनक शाह, हेलो ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब तो आपका किया है, शेयर भी कर दो रौनक भाई थोड़ा सा, आप बुम बम करूँगा बिल्कुल भाई 6 और 7 बजे बिल्कुल करना ब्रो, 6 बजे वाला कुछ स्क्रीम सा ब्रो। तुम टोटल गेमिंग और देसी गेमिंग का चैनल देखो और सब्सक्राइब करो। ओके ब्रो करेंगे। कोको डेविल, अरे भाई थैंक्स फॉर द 25 लाइक गाइस। दिवंशु भाई आप अपने दोस्त वगैरह स्कूल फ्रेंड सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना ब्रो। इसी के साथ साथ हम लोग का दूसरा गेम खत्म हो चुका है बिल्कुल 10 मिनट में, तीसरा गेम का IDP आ जाएगा और 6 बजे चालू होगा, लेट्स सी क्या होता है। अगर आप उन दोनों का इतना संदेह होगा तो अरे ब्रो देखेंगे ब्रो जरूर ब्रो, ऐसा अपना तो नहीं बाद में जरूर देखेंगे ब्रो अगर टाइम मिले तो। इज दिस कोरियन पबजी राजन्नो दास, बिल्कुल भाई एक पबजी की आईडी है लेकिन ये वाला मेरा रियल आईडी चल रहा है, ये वाला मेरा रियल आईडी चल रहा है। मेरा चैनल का प्रमोशन कर दो दे दो, अरे भाई 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 यहाँ पे क्या है क्या है प्रमोशन कर, बस 6 ही बंदे देख रहा, इसमें क्या ही प्रमोशन कर सकता मैं। अभी रौनक के बंदोरे थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए, शेयर भी कर देना ब्रो, ये मेरा ग्लोबल आईडी ही चल रहा है, अगर आपको देख पता करना कैसे ग्लोबल आईडी चल सकते तो फिर मेरा चैनल वाला वीडियो ज़रूर आप देख सकते हो, मैंने डाला है थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करोगे तो फिर ज़रूर आपको मिल जाएगा ब्रो, अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको ज़रूर मिल जाएगा ब्रो, मैंने लाइक पोस्ट किया है कैसे खेलना है। आई गोस्ट फैब नूप, अरे भाई गाइस कैन वी हिट 30 लाइक्स,
राजन दोस्त थैंक्स ज्वाइन करने के लिए भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना भाई, जो जो पबजी वगैरह खेलते हैं सबके साथ और कॉम्पिटिटिव वगैरह भी टूर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं शॉर्ट इंटरवल के साथ साथ, ये भी चल रहा है, इसके बाद और भी टूर्नामेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो फिर बने रहो गाइस हम लोग के साथ। गोस्ट वेब नूब, गोस्ट वेब इसका रिप्लाई दे दे। पाँच मिनट में गाइस एग्जैक्ट आईडीपी आएगा, उसके बाद 5 से 10 मिनट तक आएगा, डोंट नो 5:45 या 5:50 कब तक आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर 6 बजे एग्जैक्ट चालू होगा, लेट सी क्या होता है। मैं टीडीएम वगैरह नहीं खेलने वाला ऐसा अपना। एपेक्स भाई अगर तू देख रहा है एक बात बता, थंबनेल दिख रहा है ना, थंबनेल दिख रहा है ना गाइस, जो जो देख रहे हो कैन यू हिट 30 लाइक्स भाई, कर दो 30 लाइक्स जैसे भी करके, इस टाइम तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, 1.8K सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, कर दो हो सके तो, 1.8K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है हम लोग, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई, सपोर्ट दिखा दो अपना। हाँ थंबनेल दिख रहा, ओके ब्रो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नेम किंग रिट गेमिंग, ओके ब्रो कर दूंगा ब्रो, नो टेंशन भाई। गाइस जो जो देख रहे हो सपोर्ट कर दो भाई, सब्सक्राइब करके एंड अपने दोस्त वगैरह सबके साथ शेयर करके, जो जो पबजी वगैरह एंड दूसरा गेम्स की खेलता है भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो ब्रो, एंड जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, क्योंकि 30 लाइक्स बहुत ही जल्दी होने वाला है, 30 लाइक्स बहुत ही जल्दी होने वाला है भाई, 3 और लाइक्स चाहिए बस, उससे हम लोग को 30 लाइक्स कम्प्लीट हो जाएगा, करवा दो सके तो। बस हम लोग को एक्चुअली 5 और सब्सक्राइबर्स चाहिए, हम लोगों को बस 5 और सब्सक्राइबर्स चाहिए, उससे हम लोग का हो जाएगा 1.8K, कर दो भाई जिसने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर दो भाई, थैंक्स फॉर 30 लाइक गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने जिसने लाइक किया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया क्रिस COD YT भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए बड़ो, एंड 30 लाइक्स कंप्लीट करवाने के लिए गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई, क्योंकि हम लोग को बस 5 और सब्सक्राइबर्स चाहिए 1.8K पहुँचने के लिए एक्चुअली। BMCW का हम लोग देख सकते हैं, BMCW का तीसरा गेम का आईडी पे आएगा बिल्कुल 5:45 बजे और चालू होगा 6 बजे, तो फिर तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा बने रहो स्ट्रीम पर और चैट्स वगैरह ज़रूर कर सकते हो हम लोगों के साथ, और बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को गेम, आगे सही ही लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा स्ट्रीमर सही लग रहा है, बहुत ही सही चल रहा है गेम। आदिब शाह यू आर वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स फॉर ज्वाइन करने के लिए, 1 सेकंड सबका रिप्लाई कर रहा है, 1 सेकंड रुक जा। ब्रो मेरा सेकंड चैनल है एक्सक्लूसिव गेमर्स 95 ब्रो, प्लीज़ लेट कर देना भैया, हाँ ब्रो कोशिश करूँगा ब्रो ज़रूर ब्रो, अगर रेट हम लोग 1 सेकंड रुक जाओ, देवांशु भाई हम लोग हर संडे करके सपोर्ट स्ट्रीम करते हैं, तो फिर अगर उसमें आपको ज्वाइन करना है तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना, इंस्टाग्राम का नेम आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप में मिल जाएगा, देवांशु भाई।
डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप में मिल जाएगा ब्रो, जाके देख सकते हो। देवू गेमिंग डू यू नो मी, क्रिस सीओडी वाईटी आप डेली आते हो स्ट्रीम में ब्रो। गाइस कैन वी हिट 5 more likes, 5 more likes, सॉरी 5 more subscribers, 5 more subscribers हम लोग को 1.8K हो जाएगा। कैन वी हिट दैट, करवा दो हो सके तो, शेयर वगैरह करके अपने दोस्त सबके साथ। व्हाट इज माय नेम, अरे भाई क्रिस योडी वाई टी, क्रिस योडी वाई टी इज योर नेम, यू नो मी, वो तो सही है, आई नो यू, लेकिन नाम ऐसे कैसे बताऊँ। बहुत सारे बंदे ये सब आई डी से के सब्सक्राइब किए हैं, ये सब नाम डाल के, ऐसे बहुत दिक्कत है। आप बहुत दिन से मेरे को सब्सक्राइब करके रखे, डेली आते वो भी बता, लेकिन एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, बता दो, खुद ही बता दो मेरे को। गलत जवाब, बता दो फिर क्या है आपका नाम। इन गेम नेम बताओ, अरे क्लू तो दे दो कुछ, क्लू दे दो भाई कुछ, बता था मैं। गाइस रेडी हो जाओ, जो जो टीम रजिस्ट्रेशन किया है ग्रुप सी में हो PMCW की, उनका IDP आई गेस अभी तक आ चुका है, तो फिर गाइस देख लो जाके ग्रुप, अगर नहीं आया तो फिर आ जाएगा, टेंशन ना लो। अग्रापासुर ओपी इन द चैट, सॉरी क्रैप्सासुर ओपी इन द चैट वॉइस, अरे भाई लूना टेक्स थैंक्स ब्रो फॉर ज्वाइनिंग, बिल्कुल भाई LMT का बंदा है, बेस्ट ऑफ लक ब्रो, लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग टिप्स प्लीज, अरे रौनक शाह ब्रो यही टिप्स दो मैं ब्रो, अभी फिलहाल मैं उतना तो सही नहीं खेलता। बंटू गोपाल इज द क्लू, अरे एपेक्स ब्रो, एपेक्स भाई अपने, ओहो सही पकड़ा ना मैंने, एपेक्स भाई ही है तू, मैं गारंटीड हूँ, क्योंकि तू ही ऐसे बताता है, तू ही ऐसे बताता है, मेरे को पता है वो। सही जवाब बिल्कुल, अपुन ही प्रोच है, अपुन ही प्रो है, मेरे को सब कुछ पता है। 1 crore बिल्कुल, 1 crore मेरे को दे दे, दे दे भाई 1 crore मेरे को दे दे देवा, मैं तेरे को वहां से एक आईफोन दे दूंगा गिफ्ट, तू मेरे को 1 crore दे दे, मैं तेरे को एक गिफ्ट करके एक आईफोन दे दूंगा, बिल्कुल मेरी तरफ से पूरा प्रॉमिस है तेरे को। गाइस जो जो रजिस्ट्रेशन किया तो फिर रेडी रहो, गाइस IDP आई गेस अभी तक आ चुका है आपका, अगर नहीं आया तो फिर आ जाएगा, टेंशन ना लो। मेरे पैसे से मेरे को आईफोन, बिल्कुल भाई तेरे पैसे से ही तेरे को आईफोन दूंगा मैं। ओके गाइस IDP आ चुका है, गाइस IDP आ चुका है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। गाइस IDP आ चुका है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, मैं अभी ज्वाइन करा, दैट्स व्हाई मैंने ऑफ किया स्ट्रीम, थोड़ा सा रुक जाओ। रुक जा, पैसा डबल करने का स्क्रीन मेरे को बोलना आफ्टर मैच, अरे भाई अरे मेरे को भी पैसे डबल करवाना है, मेरे को भी करवा दे, मेरा भी करवा दे। ओके ऐसा होना तो कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सारे बंदे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, जिसको जिसको खेलना है भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो।
हाँ भाई क्रिस ब्रो मेरे को भी दे देना, क्रिस भाई मेरे को भी दे देना ब्रो, मिले तो ट्रिक। रोनक शाह पेस्ट खेलो। आ नहीं ब्रो ऐसा ना, तो पेस्ट नहीं खेलता, मैं पहले खेलता था ब्रो, अभी तो टाइम नहीं मिलता पेस्ट खेलने का। पहले पहले बहुत पेस्ट खेलता था मैंने मिडिल में, अभी नहीं खेलता, अभी टाइम नहीं मिलता ब्रो। अरे भी मिलेगा हमें ना ब्रो, अरे भी नहीं मिलने वाला, अरे भी सिर्फ रजिस्टर्ड टीम को ही मिलेगा। आप प्लीज़ डू फेस रिवील। अरे देवांशु भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे फेस रिवील्ड है, वहाँ पे फेस रिवील्ड है, जाओ जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे सब कुछ फेस रिवील वगैरह सब कुछ है ब्रो। इंस्टाग्राम का नेम तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर लिंक चाहिए तो एपेक्स दे देगा। एपेक्स भाई लिंक दे दे एक बार मेरा इंस्टाग्राम का। RS OP काइनेटिक YT थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। RS बिल्कुल OP भाई। थैंक्स एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो जो खेल रहे भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि आप लोग का गेम चालू हो चुका है और दूसरा गेम हम लोग का चालू होता हुआ। लेट्स सी क्या होता है इस वाले गेम में। थैंक्स फॉर 32 लाइक्स गाइस। आज हम लोग का ज़्यादा एम नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा आज बंदे नहीं है, 50 लाइक्स से कर दो। प्रीवियस वाले दिन हम लोग के पास 100 लाइक्स गए थे भाई कल हम लोग का, आज 50 तक लाइक्स कर दो फिर भी बहुत लगता है मेरे को। आज कल हम लोग के 100 लाइक्स कंप्लीट हुए थे स्ट्रीम पर, आज भाई 50 लाइक्स तक कर दो ब्रो सारे मिलके। 32 हो चुके, बस 18 चाहिए, शेयर करके करवा दो। अनुज राघव हाई वेलकम टू द स्ट्रीम। हाँ भाई मेन आईडी से राघव ब्रो हाई, ओ सॉरी मैं गलती कर दिया, नहीं दूसरे बंदे के साथ आपका खुला रहा था, सॉरी। एपेक्स भाई एक बड़ी मॉड वाले ग्रुप में जा, सबको एक बड़ी बुला के लाना, राघव को चाहिए मेरे को, राघव और शुभम को, बाहर गया था। ओके ब्रो कोई ना, थैंक्स ब्रो फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर 33 लाइक्स जिसने लाइक किया, बहुत बहुत शुक्रिया। 17 लाइक्स और 50 लाइक्स से कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 30 लाइक्स, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कल हम लोग के 100 लाइक्स कंप्लीट हुए थे लाइव में, तो फिर आज बस 50 तक ही कर दो, क्योंकि आज थोड़ा सा यूट्यूब भी कम सपोर्ट कर रहा है हमको। कल हम लोग के 600 से ऊपर व्यूज आए थे भाई, यूट्यूब आई के ज़्यादा रिकमेंड कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा कम है, फिर आप लोग ही थोड़ा सा शेयर वगैरह करके सपोर्ट दिखा दो, फिर भी हो जाएगा, थोड़ा सा शेयर कर दो ब्रो मुझे ये चैनल पे। मॉड बना सकते बिल्कुल अनुजय रघव ब्रो, मैं मॉड तो बना सकता हूँ, लेकिन मॉड से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप ज़रूर फॉलो करना चाहोगे तो फिर ज़रूर बना दूंगा भाई, उसमें आपका भी फ़ायदा है ज़रूर, क्योंकि आप प्रमोशन वगैरह बिल्कुल कर सकते हो मेरी तरफ से, बहुत हार्ड बिल्कुल ब्रो। कल हम लोग के 100 लाइक्स कंप्लीट हुए थे लाइव में, आज 50 तक करवा दो बस। दिवांशु भाई आप थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, जो जो खेलते वगैरह गेम्स में इंटरेस्टेड है उनके साथ, सबके साथ शेयर कर दो ब्रो, सबको बोल दो लाइक एंड सब्सक्राइब करने को भाई आपका, और बोल देना आपके बड़े भाई ये करते हुए स्ट्रीम। अरे मैम आपका मॉड यू शुभम रघव ये अकाउंट पे बनाना बोला, अरे ये अकाउंट में कैसे बना दो ब्रो, मेरे को ईमेल आईडी चाहिए होगा उसके बाद, और बहुत सारी दिक्कत है ब्रो, ऐसे नहीं बन सकता।
फिर वेरिफिकेशन वगैरह कुछ होता है लाइक YT स्टूडियो में जाके करता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ से नहीं करता, दिक्कत होता है यहाँ से करने से, मैं YT स्टूडियो से करता हूँ ईमेल वगैरह डाल के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु भाई, कर देना भाई याद से। ओके, हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे बंदे ज्वाइन होते हुए, 30 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके और 6 मिनट बचा है गेम का, गेम चालू होने का। लेट से क्या होता है, मैं मॉड वाले अकाउंट से आ रहा। बिल्कुल भाई अनुज, अगर आप मॉड वाले अकाउंट से ही आ जाओ, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा मेरे को। अब बस क्वेरीज को रिप्लाई कर दियो मॉड्स वाले अकाउंट से आके, कल बहुत हेल्प किए थे आप, आज भी कर दो। व्हाट्सएप का कॉल आ रहा, कौन कॉल कर रहा है भाई मेरे को अभी लाइव स्ट्रीम के बीच में कॉल कर, कौन कॉल करता है भाई मेरे को? आई गेस कोई गलती से कर दिया होगा। ओके, आई एम सो सॉरी, शील्ड मोड ऑन करने के लिए मैं आ चुका हूँ फिर से वापस। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं शील्ड मोड कुछ ही मिनट सेकंड में हट जाएगा, टेंशन ना लो। मॉड वाला अकाउंट से अनुज लगा ब्रो, आ जाओ। 40 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, 5 मिनट में एग्जैक्ट गेम चालू होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी सारे बंदे आ जाओ, सारे बंदे जल्दी से जल्दी आ जाओ गाइस। आठ बंदे देख रहे हो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने दोस्त वगैरह जो जो पबजी खेलते हैं उनके साथ शेयर कर दो भाई, सबके साथ शेयर कर दो, सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। हम लोग 1.8 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 5 सब्सक्राइबर्स हम लोग को और चाहिए 1.8 के पहुँचने के लिए। कर दो भाई 5 सब्सक्राइबर्स और, बस 5 चाहिए बस हम लोगों को। ओके, 5 भी नहीं, हम लोग को बस और 3 सब्सक्राइबर्स चाहिए, हम लोग को बस और 3 सब्सक्राइबर्स चाहिए 1.8 के करवाने के लिए। कैन वी हिट 1.8 के सब्सक्राइबर्स बाय टुडे, बस 3 सब्सक्राइबर्स चाहिए। फ्यूचर में पीसी गेम्स की स्ट्रीम होगा क्या? हाँ ब्रो, अगर मैं पीसी बिल्ड कर पाऊँ खुद के पैसे से तो फिर ज़रूर, क्योंकि मैं घर के तो कोई भी पैसे लगाने नहीं वाला पबजी पीसी के लिए। अगर मैं यूट्यूब से कोई दिन अर्न वगैरह कर पाऊँ तो फिर उससे मैं पीसी लूँगा, उसके बाद ज़रूर करूँगा भाई, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अगर मैं कभी भी करूँ तो फिर मैं अपने पैसे से करूँगा। वो ऐसा अपना बहुत दूर की बात है, लाइक शायद से 2 साल बाद, लेट्स सी कब तक कर पाता मैं। अभी इन नियर फ्यूचर तो नहीं होने वाला। एस एस फुल स्लॉट अभी मत बोलो, गेम चालू होने के बाद याद करवाना मेरे को। फिनिक्स गेमिंग क्या हो गया भाई? मेरा दोस्त ने बोला कि वो कर देगा बहुत ही जल्द, हो जाएगा 1.8 के। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु भाई, सारे दोस्तों को बोल देना, बहुत बहुत शुक्रिया बोलने के लिए। 68 बंदे हम लोग देख सकते हैं ज्वाइन कर चुके हैं भाई, 69 भाई, सारे बंदे एकदम भाई सही आता है भाई टूर्नामेंट, भाई ऑलमोस्ट टूर्नामेंट में हमेशा सही बंदे आते हैं, सारे बंदे टाइम में एग्जैक्ट आ जाता है, एकदम ही ऑफ नहीं को मिल देखने को मिलता, देख के मज़ा आता है। और लॉबी में सारे बंदे टफ फाइट करते हैं, कस्टम में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलता, टूर्नामेंट में मिलता है, इसीलिए देख के मज़ा आता है। हेलो शुभम रघव भाई, वेलकम बैक, आगे ये कंट से बहुत बहुत शुक्रिया। हाइड्रा प्रिंस, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाइड्रा प्रिंस ब्रो सॉरी। हम लोग देख सकते हो 72 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ बंदे का लाइक ट्रायो है और, लेकिन मैक्सिमम में फुल हो चुके, एक बंद इस टीम के पास सोलो एक ही बंदा, बाकी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, लेट्स सी कितना बंदा होता है। डेस्टिनी भाई एक बार देख लो, स्लॉट 2 में 2 बंदा बैठा हुआ है,
क्या वहाँ पे कोई टीम होना चाहिए या फिर नहीं, एक बार देख लेना भाई, उसके बाद चालू करना। गाइस वी नीड 40 लाइक्स, 4 लाइक्स टू गो, बिल्कुल भाई 4 लाइक्स कर दो भाई, 50 लाइक्स का आज का एम है, एक्चुअली आज का एम है एग्जैक्ट 50 लाइक्स से कर देना भाई, 50 लाइक्स का टोटल है हम लोग, एम है हम लोगों का 50 लाइक्स तक कर देना हो सके तो। अभी थोड़ा सा सपोर्ट देख के मज़ा आ रहा है क्योंकि प्रीवियस वाले गेम में ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा था। सकीब साइक ब्रो डिस्कॉर्ड का लिंक ऐसा ना हम लोग का है लेकिन शेयर नहीं कर सकते, तो फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम में DM कर दो फॉर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और डिस्कॉर्ड लिंक, एक साथ मैं वहाँ पर ही आपको दे दूँगा। इंस्टाग्राम का नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो मैं कॉमेंट कर सकता हूँ आपको। अगर टूर्नामेंट्स वगैरह कस्टम्स वगैरह कुछ भी खेलना हो मेरे को इसमें DM करो भाई, सबको बता रहा अगर कुछ भी खेलना वगैरह हुआ टूर्नामेंट्स शुरू करके कस्टम्स डेली फन मैचेस मेरे को यहाँ पे DM करना भाई इंस्टा में, वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ रिप्लाई कर दूंगा विदाउट एनी इश्यूज। इस वर्ल्ड टूर्नामेंट तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है स्लॉट्स, तो फिर इसमें तो नहीं दे सकते लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत सारे टूर्नामेंट्स होने वाले, तो फिर उसमें हम लोग ज़रूर देंगे। 83 बंदे हम लोग देख सकते हैं ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन ऑलमोस्ट सारे टीम्स हम लोग देख सकते हैं आ चुके हैं, बस टीम नंबर 12 का बस एक ही बंदा आया है। ब्रो आई कैम गिव यू 5 to 6 सब्सक्राइबर्स विद माई अदर 6 अकाउंट्स, अरे ब्रो नहीं चाहिए ब्रो, आप खुद के अकाउंट से कर दो वो ही बहुत है ब्रो, आपको 5 सेकंड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रो। हाइड्रा भाई आप बस एक ही अकाउंट से कर दो फिर भी बहुत है मेरे लिए ब्रो, मेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए लेकिन वैसे नहीं ब्रो, रियल वाले बिल्कुल चाहिए मेरे को, जो सच में मेरे को लाइक देख के मेरे को अच्छा लगेगा। बाय द वे थैंक्स फॉर इट, थैंक्स हाइड्रा भाई, लेकिन मत करो ऐसे, ऐसे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं करना चाहता मैं मेहनत करके करना चाहता हूँ ब्रो। थैंक्स फॉर द 36 लाइक गाइस, कैन वी हिट 40 गाइस, कैन वी हिट 40 लाइक्स, डेस्टिनी में शेयर कर दियो बट आई वांट टू सपोर्ट यू, बिल्कुल भाई आप अपने रियल आईडी से कर दो, रियल आईडी के साथ करने के साथ साथ आप शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिस आईडी में आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो उस आईडी में कर दो, उसके बाद आप शेयर कर दो भाई अपने दोस्त के साथ जो जो पबजी वगैरह खेलते हैं या फिर दूसरा गेम्स भी खेलता है उनके साथ शेयर कर दो, स्टेटस वगैरह डाल दो, इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, बहुत सारे वेज है सपोर्ट करने का भाई, थोड़ा सा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो जो गेम्स में इंटरेस्टेड है, तो फिर ही हो जाएगा। स्टार्ट कर दो, टाइम हो गया और कितने दिन चलेगा ये PMCW, आज PMCW ब्रो एक ही हफ्ते चलेगा, ये संडे को फाइनल है। स्टार्ट हाँ ब्रो स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन ना लो भाई, 2 से 3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, मेरे हाथ में तो नहीं है ब्रो। ओके सारे टीम्स आई है बस एक ही टीम नहीं आया, इस स्लॉट 12 का एक बंदा, स्लॉट 25 में कौन बंदा बैठा है मेरे को नहीं पता। स्टार्ट ज़रूर बलविंदर कौर भाई, आपका मैसेज नहीं देखा मैंने, एक बार फिर से बताओ क्या बलविंदर कौर ब्रो। TGP OP बिल्कुल भाई TGP OP, और कितने दिन चलेगा PMCW सही ब्रो, ये PMCW चलेगा इस हफ्ते संडे तक, संडे 10th को फाइनल्स है अपना, स्पैम ना करो टाइमर दूंगा, बिल्कुल ब्रो स्पैम मत करो मुकुंद भाई। स्टार्ट जब होना होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, आपके हाथ में भी नहीं है मेरे हाथ में भी नहीं है स्टार्ट का बटन, मैं भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे बैठ के ब्रो, हम लोग यहाँ पे बस कास्ट ही कर सकते और कुछ नहीं ब्रो, ऐसा फनाओ। टीन और 25 में जो बंदा बैठा था उनको की कर चुके हैं, उसके बाद अभी देखते हैं क्या होता है, मेरे हाथ में भी नहीं है बिल्कुल भाई, सब किसी के हाथ में नहीं रहता, जो रूम ओनर अभी ऐसा ना है उसके ही हाथ में रहता है ब्रो। मैं टीम 20 में हूँ, नाइस ब्रो, बेस्ट ऑफ लक टू टीम 20 हाइड्रा प्रिंस ब्रो, अब अपने टीम्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना हाइड्रा प्रिंस भाई, और बाकी दोस्तों के साथ जो जो पबजी खेलते हैं आपके दोस्त के साथ जो जो आपके क्लैन मेट्स हैं सबके साथ शेयर कर देना, फिर ही आपका आप मेरे को सपोर्ट कर पाओगे ब्रो। और आप दूसरे तीसरे आईडी से मत किया करो सब्सक्राइब, आप अपने मेन आईडी से कर दो फिर ही बहुत है, एंड बहुत बहुत शुक्रिया हाइड्रा भाई सपोर्ट करने के लिए।
एसएस ले लो, बिल्कुल ले रहा मैं। थैंक यू डेस्टिनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को इतना ज़्यादा याद करवा रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आटी मिनिटी डीप, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, कैसे हो भाई? ओके, इसी के साथ साथ हम लोग गेम खत्म होता है। कैसे हो? अरे भाई मैं बढ़िया, यूनिटी ब्रो, आप बताओ आप कैसे हो? शेयर कर दियो ब्रो स्ट्रीम का लिंक, सपोर्ट कर दियो भाई। आज गाइस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत ही नज़दीक है 1.8 के सब्सक्राइबर्स के। डेस्टिनी पर शेयर कर दियो, मैंने एसएस ले लिया है। ऑल गुड, बिल्कुल ब्रो, नाइस नाइस यूनिटी ब्रो। जिसको जिसको कुछ भी दिक्कत है मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर डीएम करना, सपोर्ट माय स्ट्रीम पे ज़रूर क्लिक मत करना, कुछ भी हो जाए क्लिक मत करना, क्योंकि ऑमलेट आर्केड से आता है वो और मैं नहीं देता। ये है प्लान पर हम लोग का तीसरा गेम ग्रुप सी का। एक्चुअली प्रीवियस वाले गेम में ऐसा ही कुछ था। अगला मैप कौन है ब्रो? यूनिटी डी भाई, अगला मैप भी मीरामार ही है। डे टू में सबका मैप ही मीरामार है, कल सबका मैप ही सैनॉक होगा, ऐसे ही चलेगा लाइक प्रीवियस वाले दिन, लाइक यस्टरडे फर्स्ट डे में सबका डैंजेल, आज सबका मीरामार, कल सबका सैनहॉक, ऐसे ही चलेगा ब्रो। ओके बिल्कुल भाई, थैंक्स यूनिटी ब्रो ज्वाइन करने के लिए। क्या जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। 40 लाइक्स से हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बस 3 और लाइक्स चाहिए। जिसने नहीं किया कर दो लाइक, एम फॉर 3 मोर लाइक, फटक से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बिल्कुल भाई फटक से कर दो। अपना शुभम भाई ने भी बोल दिया है, और फाइनल लाइक में हम लोग का 50, लेकिन ऐसा होना 40 था, कर दो भाई, बस दो चाहिए और 40 रीच होने में हम लोगों का। एंड थैंक्स 9 बंदे देखने के लिए, क्योंकि प्रीवियस वाले में ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा है प्रीवियस वाले से, बहुत बहुत शुक्रिया। डेस्टिनी भाई डन, बहुत बहुत शुक्रिया डेस्टिनी ब्रो, आप बहुत ही ज़्यादा सही काम कर रहे हो। चलो अगले में जो अपनी टीम को लेके आऊँगा, बिल्कुल ब्रो ज़रूर आना ब्रो, बेस्ट ऑफ लक टू योर टीम ब्रो। ओके ऐसा बना तो हम लोग देख सकते, ऐसा कुछ सीन है। टीम नंबर 13 अकेला टीम है जो इलाहाबाद गया है। यहाँ पर टीम नंबर 4 पिकाडो में साइड में, फिर भी दो टीम के बीच क्लस्टर बनता हुआ, टीम नंबर 20 और 8 के बीच। जिसने लाइक उसके डन के कर दो चैट में, डन कर दो चैट में, बिल्कुल वही कर देना। थोड़ा सा नेटवर्क एरर होता हुआ सही हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। थैंक्स भाई, बिल्कुल ब्रो बेस्ट ऑफ लक, फिर थोड़ा सा नेटवर्क इधर एक मिनट में सही हो जाएगा आई गेस। गाइस एक और लाइक चाहिए 40 लाइक्स के लिए। ओके नेटवर्क सही होता हुआ। यहाँ पर टीम नंबर 20 और 8 का टीम, एको का टीम और टीम नंबर 20 किसका है मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी लेट्स गो, इन दोनों टीम के बीच देखना पड़ेगा। यूनिटी भाई अपने रजिस्ट्रेशन किया है BNCW के लिए, बिल्कुल भाई ग्रुप डी में है आई गेस, डन बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक भाई, आपका तो बहुत ही पहले डन हुआ है पता है मेरे को, आपका टीम रजिस्टर्ड है, नाइस। ओके वहाँ पे REDS के एक बंदे को डाउन कर दिया गया, और जोन फिर से खेलता हुआ वो भाई साहब 35-40% हम लोग बोल सकते हैं जोन पानी में। जिग्जा भाई को वहाँ पे डाउन फिनिश कर दिया गया FR क्लाउड द्वारा। हम लोग अर्ली फाइट थोड़ा सा मिस करेंगे, क्योंकि जैसे कि कुछ भी गन ये ना हो, दिक्कत ना हो। यहाँ पर टीम नंबर 23 के एक बंदे को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया, टीम नंबर 14 द्वारा। लाइक एम फॉर मन मोर लाइक, बिल्कुल भाई कर दो, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया कर दो। एक और लाइक से हम लोग का 40 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा। 80 बंदे 22 टीम जिंदा, और बंदा एक ऑल पे बातें करते हो, एक बड़ी डेस्टिनी में बता देना ग्रुप में कि ऑल पे बातें नहीं करने का, नहीं तो आपको बैन भी मिल सकता है, इस स्ट्रीमर का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इस ऑल पे बातें मत करो, कुछ भी करो ऑल पे बातें मत करो भाई, इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है स्ट्रीमर्स का। ये है गाइस ज़्यादा सेपरेटेड, ज़्यादा टीम्स नहीं है एल पोजो के साइड में, कोई भी टीम्स नहीं है। हम लोग देख सकते हैं क्लोज इन में टी नंबर 20 और 8 बहुत ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पर टी नंबर 3
एक बंदा 16 से क्लोज है, टीम नंबर 12 का एक बंदा, एक ही बंदा टीम नंबर 12 का सामने, टीम नंबर 4 का दो बंदे हम लोग देख सकते हैं। इन दोनों टीम के बीच फाइट होगा। एल हजर में टीम नंबर 13 अकेला ही टीम है, बाकी सारा टीम हम लोग देख सकते हैं सेपरेटेड है। ऐसा अपना लेट्स सी क्या होता है। मैंने साउंड बंद कर दिया, आगे किसी को दिक्कत नहीं है। टीम नंबर 20 ऑलरेडी एक बंदा नॉक होता हुआ, लेट्स सी उनको रिवाइव मिल पाएगा या फिर नहीं। ओके रिवाइव मिल चुका हाइड्रा प्रिंस भाई। ओके हाइड्रा प्रिंस ही आए थे एक्चुअली लाइव पे। चलो थैंक यू गाइस फॉर द 40 लाइक्स, बहुत बहुत शुक्रिया भाई 40 लाइक्स करने के लिए ब्रो। एंड जो बंदे 4 बंदे डिसलाइक किए भाई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई आके डेली डिसलाइक करने के लिए। अरे इसका एक बंदा मैंने देखा शायद से नॉक हुआ। ओके टीम नंबर 10 और 6 यहाँ पर दोनों बहुत क्लोज है। यहाँ पर टीम नंबर 6 ने ऑलरेडी दो बंदे खो चुके हैं, दो ही बस बंदे जिंदा है यहाँ पे। थोड़ा सा हम लोग ये वाला फाइट कवर कर लेते हैं आखिरी वाला। ओके टीम नंबर 10 यहाँ पे वाइव हो चुकी है, 4 किल्स उठाते हैं। यहाँ पर टीम नंबर 6 के बंदर आसानी से रिवाइव देके 8 पॉइंट्स अपने नाम कर लेंगे। डिसलाइक वाले थैंक यू स्ट्रीम पे आने के लिए, बिल्कुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे यार 17 के एक बंदे को डाउन कर दिया गया। टीम नंबर 20 दोबारा आएगी। ओके यार 17 को रिवाइव देखने मिल देगा या फिर नहीं आएंगे आसानी से, मिलने वाला यहाँ पे एक्वा के टीम दोबारा। ओके गाइस नेक्स्ट लाइक है मैं हम लोग का 50 का, 10 लाइक्स चाहिए TCE। ओके ब्रो वहाँ पे ZS मॉर्फिक को डाउन कर दिया गया, स्नाइपर को भी यहाँ पे डाउन कर दिया। ZS वर्सेस स्नाइपर की टीम का होता हुआ हम लोग चलते हैं एक बारी, लेट्स सी क्या होता है। ZS के टीम, ओके ZS के टीम का सर चले तो फिलहाल उनके दो बंदे डाउन है, बाकी दो बंदे जिंदा है। सामने टीम नंबर 22 का टीम अगर ग्राउंड में देखे तो फिलहाल रिवाइव दिया जा रहा है यहाँ पे डार्क एयर में अपने टीम को। ओ भाई यहाँ पे क्या ही ग्लिच दिखा रहा है, रिवाइविंग दिखा रहा है लेकिन रिवाइव नहीं दे रहा। यहाँ पे टीम नंबर 22 का इस बंदे डाउन हो गया और वहाँ पे रिवाइविंग का ग्लिच दिखा रहा है भाई, गलत। तो इतना ज़्यादा क्लीचेस वगैरह रहता है ना पबजी में, क्या ही बताए। थैंक यू रोनक शाह, बिल्कुल भाई। यहाँ पे एक्चुअली टीम नंबर 15 ने अपने टीममेट्स को रिवाइव दे चुका है, मॉर्फिक को भी रिवाइव मिल जाएगा और 1v4 का सिचुएशन है। यहाँ पे TCE को दिखाओ। ओके TCE का स्लॉट नंबर बताओ भाई, डेस्टिनी भाई किधर है TCE। यहाँ पे चारों साइड से शॉट्स वगैरह आता है टीम नंबर 22 की तरफ से, लेकर के साथ टीम नंबर 22 डाउन होता है टीम नंबर 15 के हाथों। टीम SYX को दिखा वाइपर ओपी ब्रो स्लॉट नंबर, ये वाला है क्या TCE का टीम, ये वाला है क्या TCE का टीम बताओ एक बारी मेरे को। SYX का जरूर स्लॉट नंबर बताना, हम लोग जरूर जाएंगे ब्रो। गाइस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, बहुत ही ज़्यादा है हम क्लोज हैं हम लोग 1.8K के लिए। फ्यूरियस गॉड TCE बीस्ट पैंथर इन्फिनिक्स, TCE बीस्ट पैंथर इन्फिनिक्स, TCE बीस्ट ढूंढना पड़ेगा अब तो। स्लॉट 11 हाँ सिंडा के पास में, पैंथर बीस्ट ओपी वाला TCE बिल्कुल, ये लो स्लॉट 6 नहीं ब्रो स्लॉट 11 स्लॉट 6 के पास जाएंगे ब्रो। एक सेकंड स्लॉट 6 में कौन सा टीम है हम लोग देख सकते हैं, स्लॉट 6 में FRR का टीम है। यार 17 वेनम ने वहाँ पे ब्लूइंस को डाउन कर दिया कि है, चलते एक बड़ी फिर से पिकाडो में। पिकाडो में कंटिन्यू फाइट चलता हुआ, एक दूसरे को लॉन्ग रेंज में फाइट लेते हुए। हेलो फ्यूडियस एंड युवराज बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज इन कर चुके हैं, टीम नंबर 20 का एक बंदे को डाउन कर दिया गया ग्राउंड में चले तो फिलहाल। यहाँ पर हाइड्रो प्रिंच को भी डाउन कर दिया गया, PT यमराज अकेले बच्चे का सामने देखे एक्वा के बाकी के दो बंदे वहाँ पे फिलहाल है। फ्यूरियस गॉड हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पे तो फिलहाल रिवाइव दिया जा रहा है। यहाँ पे आई थिंक हमें PT यमराज को जैसे तैसे करके अपने टीम को रिवाइव देना होगा, नहीं तो दिक्कत का सीन बन सकता है। 2v4 बहुत ही दिक्कत होगा टीम नंबर 8 वर्सेस टीम नंबर 20। वाइपर अभी स्लॉट 5 के बस जरूर चलूँगा भाई, स्लॉट 5 यहाँ पे फिलहाल TGP का टीम रोटेट करता हुआ बहुत ही नज़दीक से टीम नंबर 21 के। लेकिन इन द मीन टाइम हम लोग एक बार ड्रॉप चेक कर लेते हैं। एक्वा ने वहाँ पे ऑक्टो के एक बंदे को डाउन कर दिया। यहाँ पे है M249 लेवल 3 का
गियर्स और एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैक ईआर के। ओके, एक बंदे को रिवाइव दे चुका है हाइड्रा प्रिंच के, लेकिन उन लोग के पास हेल्थ अच्छे खासा नहीं है। लेट्स सी इसके बाद क्या होता है। टीम नंबर 19 को दिखाओ, जरूर दिखाएंगे ब्रो। डेस्टिनी पे अगर आप देख रहे हो तो फिर एक बड़ी लिख देना कि ऑल पे बातें करना नॉट अलाउड है। A3 का टीम, टीम नंबर 19 इधर है फिलहाल। मुकुंद भाई वहाँ पे ZS के एक बंदा ने वहाँ पे एक और बंदे को डाउन कर दिया। ZS के टीम के पास चलते क्योंकि वो लोग कंटिन्यू फाइट ले रही। यहाँ पर टीना 14 के पास है 2 किल। सामने टी नंबर 11 का टीम, इसी का फाइट चालू होता हुआ। यहाँ पे स्मोक्स वगैरह डाल चुके, इनका गाड़ी भी आई गेस डाउन है। टेल का एक बंदा वहाँ पे डाउन होता हुआ। टी नंबर 13 के पास जाएंगे वाइपर ब्रो, एक सेकेंड। यहाँ पे एक पूरा स्मोक वॉल बना चुके हैं TCE बीस्ट भाई। सामने टी नंबर 14 का टीम, यहाँ पे जैसे भी हो यहाँ पे फॉल बैक करना होगा TCE बीस्ट को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओपन है। अगर एक बंदा सही से लेफ्ट या राइट चले जाए तो फिर यहाँ पे बचना बहुत ही दिक्कत हो सकता है यहाँ पे TCE बीस्ट के लिए। यहाँ पे आई गेस गाड़ी छोड़ के भगना ही सही होगा। ओके, गन चुके और वही करते हुए यहाँ पे TCE बीस्ट ब्रो पूरा एक स्मोक वॉल्स बना चुके। उसके बाद एक बाइक मिलता हुआ उनको और फॉल बैक कर लिया अपनी टीम्स के पास। एक गोली लगा लेकिन बच गए, ये वाला लोकेशन से वहाँ पे बच गए। टीम नंबर 19 के पास चलते हैं ब्रो, उसके बाद चलेंगे स्लॉट 13 के पास। A3 का टीम फिलहाल तो जोन के बाहर से रोटेट इन करते हुए हम लोग देख सकते हैं। एक बंदा बहुत ही ज़्यादा आगे, दो बंदे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे आ चुके, बाकी के दो बंदे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक बड़ी स्लॉट 13 के पास। चलो देखते हैं स्लॉट 13 क्या करे। दो बंदे ऑलरेडी खो चुके हैं, बाकी के दो बंदे फिलहाल पहले जोन के बिल्कुल एज में आ चुका है। लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। गाइस जो जो देख रहे हो सपोर्ट दिखा दो सब्सक्राइब करके, लाइक करके एंड शेयर करके। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है 1.8K सब्सक्राइबर्स के। बस एक और सब्सक्राइबर सही भाई दो है, बस एक ही और सब्सक्राइबर से हम लोग 1.8K करवाने के लिए। जिसने अभी तक नहीं किया कर दो। वहाँ पे वॉइड के साथ RF का भी फाइट चलता हुआ, हम लोग वाला फाइट ज़रूर मिस करेंगे क्योंकि हर्ड फाइट्स हम लोग नहीं दिखा सकते। SYX ने वहाँ पे एक बंदे का गाड़ी उड़ा दिया आई गेस। अगर ग्राउंड में चले तो फिलहाल कोई बंदा नहीं दिख रहा, लेकिन ऑलरेडी इन लोगों के पास 4 किल्स है। बहुत सारी टीम्स इस वाले ग्रुप में हम लोग देख सकते हैं फाइट्स में इनके छोड़ रही है। यहाँ पर टीम नंबर 11, 6 और 23 बहुत ही क्लोज से रोटेट करता हुआ हम लोग देख सकते हैं। कॉन्गो फॉर 1.8K आ गए ब्रो, एक सब्सक्राइबर्स और चाहिए हम लोगों को 1.8K करने के लिए। अभी तक एक चाहिए ब्रो वाइपर ब्राई। यहाँ पर टीम नंबर 11, 23, 6 बहुत ही नज़दीक से रोटेट इन करते हुए। लेट से क्या होता है। टीम नंबर 19 थोड़ा सा पीछे, लेकिन उनके साथ भी फाइट्स हो सकते हैं। यहाँ पर टीम नंबर 11 कर दिया है मैं XDR, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सब्सक्राइब करने के लिए। 1.8K सब्सक्राइबर्स हम लोग पहुँच चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वाइपर भाई। एंड टू ऑल द 1.799 सब्सक्राइबर्स के लिए, 1799 एंड द 1800 सब्सक्राइबर्स के लिए। यहाँ पर टी नंबर 11 के एक बंदे को डाउन कर दिया गया। वहाँ पर टी नंबर 6 का भी एक बंदा डाउन है फिलहाल, तो रिवाइव दिया जा रहा है। TCE बीच थोड़ा सा आगे जा रहे थे लेकिन फॉल बैक कर दिया क्योंकि उनका एक टीममेट डाउन होता हुआ। एक दूसरा एंगल होल्ड कर टी नंबर 6 के अगेंस्ट में मिनी रेड डॉट्स स्प्रे देने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, लेकिन अगर इस एंगल में M4 रहता तो फिर ज़्यादा एडवांटेज क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे TCE के इस बंदे के ऊपर स्मोक्स वगैरह बना के रिवाइव देने की कोशिश करेंगे ज़रूर। वहाँ पे TCE इन्फिनिक्स और एक बंदा वहाँ पे डाउन है। लेट्स सी क्या होता है। थैंक्स फॉर हिटिंग 1.8K सब्सक्राइबर्स गाइस। वहाँ टी नंबर 6 का एक बंदा वहाँ पे पुश इन करने की कोशिश की, लेकिन एक बंदे को डाउन कर दिया गया। साइज टी नंबर 19 का बंदा भी रोटेट इन कर रहा है, उसको भी डाउन कर दिया गया। A3 का एक बंदा, साइज टी नंबर 11 का भी टीम आ चुका है। यहाँ पे क्लस्टर बनता हो, TCE इन्फिनिक्स को भी वहाँ पे बचा दिया जाएगा। 6 और 11 के बीच में भाई सब एक टी नंबर 19 का बंदा मरा गया, इसलिए मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। कैसे हो देबू भाई। अरे भाई मैं बढ़िया ब्रो, आप बताओ आप कैसे हो। राकेश ब्रो थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। अबे FR के ऊपर एक ग्रेनेड गया, जरूर दो ग्रेनेड्स गया लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। तीसरा ग्रेनेड कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे एक भी ग्रेनेड। टी नंबर 11 के बहुत ही क्लोज आए ग्रेनेड और एक बंदे को डाउन, दूसरे बंदे के ऊपर गलत ही आया।
किसी ने तो ऑलरेडी दो बंदे खो चुके हैं, आकड़ी के दो बंदे पीछे हैं थोड़ा से। कैबरी नाउ सिक्स के ऊपर शॉट्स लिया जा रहा है, एक बंदे को डाउन कर दिया गया। राकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब एंड शेयर करके ब्रो। चीनो सिक्स ने भी यहाँ पे दो बंदे खो चुके, पीछे जो बैकअप दे रहे थे वो दो ही बंदे डाउन हो गए। क्लोजिंग जो जो दो बंदे किया था वो फिलहाल जिंदा है। यहाँ पे सामने अगर देखें तो फिलहाल टीसी बीस टोपी अकेले बचा है, 1v2 का सिचुएशन है यहाँ पे टीसी वर्सेस टीम नंबर सिक्स। लेकिन ये वाले फाइट के बाद टीम नंबर टीसी का टीम वाइप होता हुआ टीम नंबर सिक्स के हाथों। नाइस एफर का टीम बहुत ही सही के लिए और 8 किल्स उठा चुके हैं अभी टीम का नाम। सेकेंड जोन 30 सेकेंड्स में चालू होने वाला है और ये है ड्रॉप, सिक्स ईयर ड्रॉप एक डॉसा 4x लेवल 3 का गियर से टीम नंबर 9 इस वाले जोन से जोन इन करता हुआ। शो मैप्स वाइप भी प्लेस ये है मैप ब्रो, 25% हम लोग देख सकते हैं जोन के जोन पानी में, बाकी जगह में बंदे भरपूर में। लॉस लियोनिस अभी तक जोन के अंदर है, A3 बाकी के तीनों बंदे यहाँ पे आ चुके हैं भाई। एक बंदा तो वहाँ पे मारा गया, DEC का एक बंदा वहाँ पे URM के हाथों डाउन होता हुआ। गाइस जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो गाइस, जिसने अभी तक नहीं किया कर दो भाई रो। ओके स्लॉट 14 दिखाओ ज़रूर भाई, ज़रूर दिखाएंगे ब्रो, एक सेकेंड रुक जाओ बस। एको के बीच भी वहाँ पे फाइट चलता हो, लेकिन हम लोग चलते एक बड़ी SYX के पास। फिलहाल उनके सामने टी नंबर 8 का टीम है और उनके पीछे टी नंबर 20 है भाई, यहाँ पे तीन टीम के बीच क्लस्टर बन सकता है। एको का टीम इधर है फिलहाल, PT का भी टीम है, यहाँ पे टी नंबर 14 का भी टीम्स इधर है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तीन टीम्स के बीच क्लस्टर होता हुआ, लेट्स सी क्या होता है। एंड थैंक्स फॉर द 44 लाइक्स गाइस, 6 और बंदे लाइक कर दो 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। स्लॉट टीम 23 जरूर जाएंगे ब्रो, एक बार टीम 23 के पास। लेकिन ऐसा ना लोग एक बड़ी ऊपर एंगल से देखते हैं तीनों टीम के बीच फाइट, आज बॉस कहाँ है। लॉर्ड रोस्टिंग भाई बॉस मतलब क्या समझा नहीं, वहाँ पे MDS के एक बंदे को डाउन कर दिया गया, MDS के दूसरे बंदे को भी वहाँ पे फिनिश कर दिया गया। टी नंबर 14 हम लोग देख सकते हैं वहाँ है टी नंबर 8 और टी नंबर 20 वहाँ पे है, टी नंबर 8 का एक बंदा वहाँ पे है। ओके टी नंबर 8 के वहाँ पे एक बंदे को डाउन नहीं किया, लाइक हेल्थ कम किया उनका। स्लो मैप ज़रूर, AJ बॉस कहाँ है ब्रो, स्लॉट नंबर बता दो एक बड़ी ब्रो, ज़रूर दिखाएंगे उनको भी हम लोग। टी नंबर 23 के पास चलते, उसके बाद हम लोग मैप दिखाएंगे। टी नंबर 23 फिलहाल तो यहाँ पे और सेफ लोकेशन में है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लस्टर बनते हो पिकाडो में, बाकी सारा जगह हम लोग देख सकते हैं सही है। ऐसा अब हम लोग पिकाडो में ही चलते हैं। यहाँ पे टी नंबर 8, 14 और 12 के बीच क्लस्टर होता है, यहाँ पे टी नंबर 8 और 14 के ऊपर कंटिन्यू शॉट्स लेती हुई। आज बॉस लाइव स्ट्रीमर यार, AS3 AJ बॉस लाइव स्ट्रीमर यार, समझा नहीं तो। ओके जो लाइव स्ट्रीम करता है AS3 कब, मेरे को नहीं पता, मैं तो फिलहाल इस वाले साइड में करता हूँ, मेरे को नहीं पता AS3 का क्या सीन है। आई गेस कर रहा होगा ना, नहीं चल रहा क्या स्ट्रीम उनका। TCE को दिखाओ, TCE ब्रो TCE वाइप हो चुका ब्रो, लगा ब्रो FR के साथ फाइट ले रही थी, वहाँ पे TCE का टीम डाउन हो गया। यहाँ पे टीम नंबर 8 को जैसे तैसे करके जोन इन करना होगा, वहाँ पे टीम नंबर 12 का टीम वाइप होता हुआ और ऐसा बना जोन भाई, सब गलत ही जोन बना। लॉर्ड रोस्टिंग ना ना टीम सक्सेस OP, नाइस ब्रो बिल्कुल भाई सही ब्रो बिल्कुल। टीम CC एलिमिनेटेड, बिल्कुल भाई TCE एलिमिनेटेड। आज TCE का भी दिन खराब गया, कैंपर्स का भी दिन खराब गया, दोनों ही अर्ली फाइट में वाइप हुआ। यहाँ पे टीम नंबर 6 ऐसा अपना तो जोन इन कर चुके, लेकिन तीसरे जोन में भी इनको एंटर करना होगा बहुत ही जल्दी। टीम नंबर 18 आसानी से आएगी, जोन इन कर लेंगे ब्रिज क्रॉस करके। एक्वा दिखाओ, एक्वा टीम के पास चलेंगे भाई, एक्वा मेरे को सही लगता है, एक्वा का टीम ऑलरेडी एक किल कर चुके और ऐसा अपना दो जोन के बाहर है, लेकिन जोन इन कर लेंगे आई गेस, क्योंकि उनके साइड ही जो जोन शिफ्ट हुआ था उनके साइड से हुआ, इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज है उनके पास। लॉर्ड रोस्टिंग ब्रो, गाइस जो जो देख रहे हो सपोर्ट दिखा दो भाई, 50 लाइक्स बहुत ही नज़दीक है हम लोग 50 लाइक्स के, 4 और लाइक्स है तो फिर आसानी से हम लोग 50 लाइक्स हो जाएंगे। एंड थैंक्स एवरीवन जो जो देख रहे हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या हो गया भाई, AS3 क्यों स्ट्रीम नहीं कर रहा, एक बार बताना मेरे को डेस्टिनी में, एक बार बताना मेरे को AS3 का कुछ दिक्कत हो गया क्या।
यहाँ पर टी नंबर 8 के ऊपर कॉन्टिन्यू शॉट्स आ रहा है टी नंबर 15 के द्वारा। लेट्स सी टी नंबर 15 के उस बंदे को देखेंगे भाई, चार बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया वहाँ पे। यहाँ पे ZS पार्थ भाई, अगर इनका एम असिस्ट ऑफ होता ना मैं बोल देता भाई, इनका इन्होंने दो नॉक्स तो निकाल ही देते अगर इनका एम असिस्ट ऑफ होता भाई। सब पे डैमेज गया इसलिए नॉक नहीं निकल भाई। ऊपर से टी नंबर 15 का टीम के बाकी के तीन बंदे आते हैं। यहाँ पे एक्वा का टीम को थोड़ा सा क्लस्टर में हम लोग देख सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड में है टीम से हम लोग देख सकते हैं। टी नंबर 18 के एक्वा उसी को भी शॉट लिया जा रहा है, दिक्कत का सीन बनता है। लेकिन टी नंबर 8 के हम लोग देख सकते हैं एक ही बस बंदा जिंदा है, एक्वा अबू भाई, देखते हैं वो क्या कर पाता है अपने टीम के लिए। टीम 17 वेनम को शाउट आउट दे रहा है, टीम 17 वेनम बिग शाउट आउट टू यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टूर्नामेंट। यहाँ पे ग्रेनेड उनके बहुत ही क्लोज आए और एक्वा अबू भी डाउन होते हुए AR 17 वेनम ओपी अकेले जिंदा। फिलहाल बैंडेज लगा लग रहा टी नंबर 15 के ऊपर शॉट लिए लेकिन बिल्कुल 1 HP थे। इसके साथ साथ गेम खत्म होता हुआ टी नंबर टीम एक्वा का, उनके पीछे से टी नंबर 14 का टीम भी आता हुआ। लेकिन आई डोंट थिंक ये लोग फाइव्स में इनके होंगे। टी नंबर 10 प्लीज जरूर ब्रो, हाँ टी नंबर 10 आई गेस वाइप हो चुकी है गाइस। RS का टीम ब्रो वाइप हो चुकी है, आई एम सो सॉरी आई टू सफिन ब्रो। ब्रो डाइनो ओपी बोलो एक बार, अरे डाइनो भाई बिल्कुल ओपी ब्रो। यहाँ पर टी नंबर 21 के एक बंदे को डाउन कर दिया ग्राउंड प्राइम भाई, यहाँ पर अकेले बच्चे आई गेस उनसे दूर जाते हुए। टी नंबर 19 मुकुंद के पास ज़रूर जाएंगे ब्रो, एक सेकेंड ओके। ऐसा अपना तीसरा जोन बन चुके ऊपर के साइड। यहाँ पर टी नंबर 20 और 15 के बीच फाइट हो सकते। PT यमराज के पास हील नहीं है भाई, PT यमराज के ओके फाइनली 5 बैंडेजेस मिला जरूर, लेकिन दिक्कत का सीन ये पे इसके बाद और हील्स नहीं है इनके पास, देखते हैं क्या कर पाते हैं। टी नंबर 19 के पास चलते हैं मुकुंद भाई, चलो हैशटैग 16 एक्वा हो सकता है ब्रो, एग्जैक्ट तो याद नहीं मेरे को, हो सकता है। थैंक्स गाइस जो जो ज्वाइन किया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया कर दो भाई, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया कर दो। 50 लाइक्स बहुत ही नज़दीक है, 4 लाइक्स चाहिए बस। वहाँ पे TGP गार्गन को डाउन कर दिया गया। टी नंबर 19 के बिल्कुल सामने हम लोग देख सकते हैं प्राइम भाई जिंदा है, हमें एक के एम लेके सामने ओपोनेंट के पास ग्रोजा वर्सेस एक के एम होता हुआ, ग्रोजा जीत के AS3 के पास। टी नंबर 14 रोटेशन ओपी बिल्कुल भाई, टी नंबर 14 ओपी बोलते हैं। यहाँ पर टी नंबर 14 हम लोग देख सकते हैं उनके सामने एक टीम है, 4 किल्स ऑलरेडी इनके नाम आ चुके हैं अगर ग्राउंड में देखे तो। फिर फिलहाल उनके सामने टी नंबर 5 का टीम एक दूसरे के ऊपर ग्रेनेड ट्राई करते हुए, लेट सी क्या होता है। टी नंबर 5 का अगर एंगल देखे तो फिलहाल यहाँ पे होल्ड करता हुआ एक्चुअली क्लोज में टी नंबर 9 का भी टीम है। लेट सी यहाँ पर टी नंबर 14 और 5 के बीच फाइट हम लोग जरूर देखेंगे, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे टी नंबर 14 पूरा क्लस्टर है एक ही घर में, अगर यहाँ पे टी नंबर 5 की बात करें तो फिलहाल थोड़ा सा सेपरेटेड है 2-2 स्प्लिट में और एक बंदे को ऑलरेडी डाउन कर दिया गया। अगर उस एंगल से टी नंबर 14 पूरा पुश इन कर दे तो फिर दिक्कत का सीन बन सकता है टी नंबर 5 के लिए। अगर एक और बंदा डाउन हो जाए कोई नेट या से कुछ से तो फिर दिक्कत का सीन बन सकते हैं यहाँ पे टी नंबर 5 के लिए, लेट्स सी क्या होता है। RS टीम जिंदा है क्या ब्रो? RS का टीम आई डोंट थिंक जिंदा है ब्रो, RS का टीम आई गेस वाइप हो चुकी है, मैं एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूँ। RS का टीम वाइप हो चुकी है भाई, RS का टीम, RS और जिगजा भाई का टीम डाउन हो चुकी है ब्रो। यू टू सफिन भाई एंड थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पर टीनर 5 के एक बंदे को डाउन कर देते हैं, एक के स्प्रे देने की कोशिश लेकर एक ओपी नेट आकर डाउन कर दिया टीनर 5 के दूसरे बंदे को भी। यही बोल रहा था मैं, सेपरेटेड हुआ तो फिर सही है लेकिन अगर दिक्कत भी बन सकता है यहाँ पर टीम नंबर 5 के लिए। बाकी एक बंदा जो जिंदा था वहाँ से फॉल बैक करता हुआ ओके टीम नंबर 5 के इस बंदे के ऊपर शॉर्ट साइड है जरूर, लेकिन ऐसा नाव सेफ पहुँच चुकी है। इनको स्मोक्स वगैरह डालना होगा बहुत ही जल्दी, नहीं तो दिक्कत बन सकते। ओके थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग बिल्कुल यू टू सफिन भाई, ये अपना काम है, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ब्रो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। एंड थैंक्स भाई जो जो ज्वाइन की भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। 15 बंदे देख रहे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम लोग 50 लाइक्स के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, 4 बंदे और कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है। हम लोग देख सकते हैं भारा टीम्स 34 बंदे जिंदा है, एक बड़ी ड्रॉप चेक कर लेते हैं इन द मीन टाइम। SOX के साथ फाइट चालू हो चुका है, और इसमें हम लोग SOX टीम के पास चलते हैं फिलहाल।
इनके ऊपर टीम नंबर 18 आई गेस पुशिंग कर दी थी। टीम नंबर 18 का अगर एंगल देखो तो फिलहाल इन्होंने ऑलरेडी दो बंदे खो चुके, जिससे बंदे के ऊपर ग्रेनेड ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन एसओ एक्स का एक बंदा दूसरा ही एंगल होल्ड कर रहा था, इसीलिए डाउन कर दिया गया। टीम नंबर 9 के पास अगर चले तो फिलहाल उनके सामने INS का टीम, टीम नंबर 7 क्या क्लिक कर रहा है INS के, यहाँ पे तीनों के तीनों बंदे जिंदा है। अगर ग्राउंड ऊपर से देखे एक बारी तो फिर हम लोग सही से देख पाएंगे। टीम नंबर 9 का टीम है इधर, टीम नंबर 7 का टीम है इधर, टीम नंबर 9 का कितने बंदे जिंदा, टीम नंबर 9 के पास एक ही बंदा जिंदा है एज ऑफ नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1.8 के सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत शुक्रिया रेकोनियन भाई, तूने बोला था आज हम लोग का 1.8 हो जाएगा एंड हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। टीम नंबर 6 के पास अगर चले तो फिलहाल इनके चारों बंदे जिंदा, इनके पीछे टीम नंबर 17 का टीम, यहाँ पे टीम नंबर 6 के साथ फाइट ज़रूर ले सकती है माशाल्लाह। टीम 14 बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 1.8 के, बिल्कुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। यहाँ पे टीम नंबर 17 के ऊपर टीम नंबर 6 दौड़ा, साइड से शॉट्स आया जरूर। नॉर्दर्न एज भी अगर चले तो फिर टीम नंबर 23 और 20 के बीच यहाँ पे फाइट्स हो सकता है। टीम नंबर 23 का दो ही बस बंदे जिंदा है, सामने PT यमराज भाई, ये मेरे को नहीं पता कैसे जोन इन कर लिए, लेकिन अभी तक उनके पास 9 बैंडेजेस और 5 फास्टर था। मैंने जब देखा तो लास्ट उनके बिल्कुल 1 HP पे थे वो। यहाँ पे टीम नंबर 23 के एक बंदे को पीछे से डाउन कर, सामने से टीम नंबर 15 या 16 के कोई भी एक टीम ने यहाँ पे डाउन कर दिया, पूरा गलत सीन हो गया। यहाँ पे टीम नंबर 16 अगर फॉल बैक करके लूटने गए तो फिर PT यमराज के लिए दिक्कत का सीन बन सकते, नहीं तो ऐसा अपना सही है। यहाँ पे वहाँ पे PM के एक बंदे को वहाँ पे डाउन कर दिया गया भाई, रुपए पॉइंट कब आएगा ब्रो, जरूर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे टीम नंबर 16 और 15 के बीच फायर चलते हो, लेकिन साइड से टीम नंबर 20 का बंदा भी जैसे तैसे इसी भी वक्त थर्ड पार्टी कर सकते हैं। वहाँ पे RRK के एक बंदे को डाउन कर दिया गया मौली से, वहाँ पे PT अमरज का गाड़ी भी ब्लास्ट कर दिया गया। वहाँ पे टीम नंबर 3 के बस चलते हैं एक बारी, लायन का टीम अभी तक जिंदा है, 7 किल जुटा चुके। इन लोगों का फाइट्स मैंने नहीं देखा भाई, 6 सेकंड से सब्सक्राइब किया, अरे नहीं ब्रो ऐसा नहीं करना था, आप अगर एक भी अकाउंट से सब्सक्राइब करोगे फिर भी बहुत ही है ब्रो मेरे लिए, ज़्यादा अकाउंट से मत किया करो, कोई टेंशन नहीं है भाई, आप जो मेन आईडी है आपका उससे ही कर दो, मेरे लिए वो ही काफ़ी है ब्रो हमेशा। आप बस शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो जो पबजी वगैरह लाइक करते हो फिर वो ही बहुत है मेरे लिए। यहाँ पे टीम नंबर 14 और कोई एक टीम तो फाइट ले रहा था, मैंने देखा नहीं आएगा, टीम नंबर 6 के साथ फाइट ले, ऑलरेडी एक बंदे खो चुके हैं, बाकी के बंदे देखते हैं क्या करते हैं। उनके सामने टीम नंबर 3 का टीम भी आता हुआ, ओके नहीं नहीं टीम नंबर 14 किसी और के साथ फाइट ले रहे एक्चुअली, अगर ऊपर से देखे तो फिर सही से पता चलेगा। एफर क्लाउड है एक्चुअली, यहाँ पे एफर क्लाउड के पास चलते हैं फिलहाल, आई गेस फॉल बैक करेंगे यहाँ से। 6 सेकंड सब्सक्राइब लाइक वीक कर दे, नहीं ब्रो उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, अब बस शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो जो पबजी वगैरह खेलते हैं तो वो ही बहुत है मेरे लिए। 27 मिनट्स गेम का हो चुके हैं, अभी एक दूसरे के ऊपर क्लस्टर बनता हुआ, 100 OP को वहाँ पे SOEX द्वारा डाउन कर दिया गया। एक बार टीम नंबर 14 के वजह से फिलहाल ये लोग गाड़ी वगैरह में बैठ के जोन इन करते हुए, लेकिन यहाँ पे एफर क्लाउड वाइज थर्ड पार्टी कर सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह ले सकते, लेकिन उनके ऊपर भी शॉर्ट्स आएगा जरूर चारों डिरेक्शन से, क्योंकि वो जोन के बाहर है। 2-5 बैंडेजेस है, एक ही मेडिकेट है, और जोन कुछ अलग ही खेल सके, सदन टीम्स को शिफ्ट लेता हुआ अगर देखे तो फिलहाल टीम नंबर 15 ऑलरेडी दो बंदे खो चुके, दो ही बस बंदे जिंदा है। अगर क्लोज इन करे तो फिर टीम नंबर 16 के पास चले तो फिलहाल इनका भी दो बंदा नॉक है, फिलहाल आएगा आसानी से रिवाइव दे देंगे एक बंदे को, और एक बंदे को खो दिया यहाँ पर टीम नंबर 16 का टीम। टीम नंबर 15 भी रिवाइव दे चुके अपनी टीममेट को, इसके साथ साथ 3v4 का सीन है, टीम नंबर 6 के पास चलता है। इफर ने एक और बंदे को खो दिया, वहाँ पे क्लाउड भाई तो जोन के बाहर ही डाउन हो गए होंगे। यहाँ पे इफर 6 OP को फिलहाल रिवाइव दिया जा रहा है, लेकिन टीम नंबर 3 आई डोंट थिंक यहाँ पे रिवाइव देने देंगे, इसीलिए पुशिंग आता हुआ मॉली वगैरह सब कुछ करके और डाउन कर दिया गया। ओके INS टीम के पास चलेंगे, इनका दो टीम यहाँ पे दो बंदे जिंदा है और टॉप 7 में अपने टीम्स को पहुँचा चुके हैं, जोन के अंदर भी है, यहाँ पे एक एडवांटेज बनता हुआ। यहाँ पे टीम नंबर 15 ऑलरेडी टीम नंबर 17 के एक बंदे को डाउन किया, अगर टीम नंबर 17 का एंगल देखे तो फिर फिलहाल उनका एक ही बंदा जिंदा है जो जिसके पास है Kar98 और मेरा ग्लीच होता हुआ, हम लोग देखेंगे इस बंदे को। चाचा ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस और 1.8 के सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, एंड बहुत बहुत शुक्रिया जो जो देख रहे हो भाई। यहाँ पे हम लोग देख सकते लायन का टीम जोन के अंदर है, टीम नंबर 7 और 14 हम लोग देख सकते सदर्न साइड में है, बहुत ही नज़दीक है, 15 बंदे 6 टीम जिंदा है 29 मिनट्स गेम के बाद, लेट्स सी क्या होता है।
आई एन एस के बंदे के साथ हमें एक्स की शोल्डर थोड़ा सा ओपन है आई एन एस के साइड से, लेकिन वो लोग ये वाला एंगल नहीं देख रहे, इसीलिए सेफ है एस ऑफ नाउ। टीम नंबर 16 यहाँ पे ओपन रोटेट करता हुआ जोन की तरफ। टीम नंबर 15 थोड़ा सा दिक्कत बन सकता है जोन इन करने की, क्योंकि टीम नंबर 3 ऑलरेडी ये वाला घर होल्ड करता हुआ। टीम नंबर 17 एक बंदा है आई गेस जोन से डाउन होता है, टीम नंबर 17 का एक बंदा जोन इन कर चुके। टीम नंबर 15 भी एक बंदा खो चुके लायन के साथ फाइट्स, ये लायन गॉड भी यहाँ पे डाउन होते हैं। लायन क्रैटोस फिलर रिवाइव देंगे या फिर शॉर्ट्स वगैरह लेंगे वही देखना का सीन है। टीम नंबर 15 के साथ फाइट ले रहे हैं, यहाँ पे जेडस के एक बंदे को डाउन कर दिया गया, जेडस ने दो बंदे खो चुके हैं, बाकी के दो बंदे यहाँ पे जिंदा है। लायन फिलहाल तो रिवाइव दे रहे हैं आसानी से, वहाँ पे लायन भी आई गेस रिवाइव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिलहाल स्मोक्स वगैरह करके जरूर रिवाइव दिया जा रहा है। टीम 5 टीम 5 ब्रो वाइप हो चुकी है देवदीप ब्रो। जीती तो इंस्टाग्राम प्रमोशन आपको कॉन्ग्रेट्स फॉर 1.8 के, थैंक्स ब्रो जरूर जरूर भाई। यहाँ पर टीम 15 के पास अगर चले तो फिलहाल इनका अकेला एक ही बंदा जिंदा, अगर कोई टीम पुश इन कर देती तो फिर दिक्कत का सीन बन सकता है। ओके दो बंदे एक्चुअली जिंदा था, टीम नंबर 15 का लौटता बंदा यहाँ पर जिंदा, लेकिन यहाँ पर वाइप होती हुई टीम नंबर 3 के यहाँ तो दूर से। टीम नंबर 14 भी थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे किल्स आई गेस वहाँ पर निकाला, यहाँ पर टीम नंबर 3 के पास भी है 12 किल्स। जोन का उठाने का ये एक एडवांटेज मिला है यहाँ पर टीम नंबर 3 को, फिलहाल रिवाइव वगैरह दे दिए, लेकिन इन लोगों के पास ज़्यादा आई गेस हेलमेट वेस्ट का एडवांटेज नहीं है। इसके साथ साथ 5 टीम्स और 10 बंदे जिंदा है। URM का एक बंदा यहाँ पर जिंदा है 2 किल्स के साथ, AXC का एक बंदा, SOX का 3 बंदे, लायन का 3 बंदे और INS का 2 बंदे। ये है टॉप 5 टीम्स हम लोग के गेम के गेम में 30 मिनट्स गेम के बाद। एंड थैंक्स गाइस जो जो देख रहे हो बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग देख सकते हैं जोन अगर देखें तो फिलहाल टीम नंबर 16 और 3 बहुत ही ज़्यादा नज़दीक और जोन के सही डायरेक्शन में, बाकी सारे टीम्स को जोन इन करना होगा। वहाँ पे INS के एक बंदे को डाउन कर दिया गया, आई गेस टीम नंबर 14 के साथ फाइट ले रही थी। वहाँ पे टीम नंबर 7 के दूसरे बंदा यहाँ पे रिवाइव दे रही है फिलहाल। टीम नंबर 16 और 3 जोन के अंदर है, टीम नंबर 4 टीम 17 और 7 को जोन इन करना होगा और जोन शिफ्ट होना चालू हो चुका है। वहाँ पे INS के एक बंदे बंदा वहाँ पे फिर से जोन से डाउन होता है, दूसरा बंदा हिल बैटल ट्राई करने की कोशिश करता है, 6 फास्टेट है उनके पास। और लायन की टीम के ऊपर यहाँ पे टीम नंबर 14 का टीम देखते हैं, उनके पास दो ही बस बंदे जिंदा है बिल्कुल 1 HP, लेकिन यहाँ पे जोन कटा SAYX का डाउन होता हुआ। इसके साथ साथ 5 बंदे 3 टीम्स और INS भाई का हिल बैटल आई गेस सफल होता हुआ, INS का जोन बैटल आई गेस सफल होता हुआ, अगर थर्ड पोजिशन तक आ गए वो। इसके साथ साथ 1v3 का सीन लायन वर्सेस AXC, लायन वर्सेस AXC 1v3 का सीन। AXC शोल्डर के पास एस ऑफ नो किल्स नहीं है, लेकिन पोजीशन पॉइंट्स इन्ह उठा चुके हैं। AXC क्या करते हैं, आई गेस AXC शोल्डर का पोजीशन रिवील हो चुका है। टीम नंबर 3 के एक बंदे को डाउन करने की कोशिश जरूर किया था, बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, लेकिन इसके साथ साथ लायन का टीम पे बहुत हाई किल्स के साथ चिकन लाता हुआ। आई गेस कितना किल्स, 14, 15, 16, 17 किल्स के साथ यहाँ पे लायन का टीम चिकन लाए सेकेंड पोजिशन में। यहाँ पे AXC का टीम थर्ड पोजिशन में आई, यहाँ पे INS का टीम 8 किल्स के साथ। इसके साथ साथ हम लोग का दूसरा गेम खत्म होता हुआ और हम लोग का 1.8 के सब्सक्राइबर्स और 50 लाख का एम दोनों ही कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस जिसने सपोर्ट किया इतना ज़्यादा थर्ड गेम में भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू। जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना भाई, सपोर्ट दिखा देना पूरा अपना। ओके फिलहाल मैं स्क्रीनशॉट वगैरह उठा लेता हूँ सारे टीम्स का रैंकिंग पॉइंट्स उठाने के लिए एज ऑफ नाउ। एंड थैंक्स गाइस जो जो ज्वाइन किए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप डी का मैच का IDP बिल्कुल आएगा 6:45 बजे और स्टार्ट होगा 7 बजे, तो फिर जो जो देख रहे हो भाई बने रह सकते हो स्ट्रीम पर, जिसको जिसको देखना है ग्रुप डी का मैच। एंड थैंक यू इतने बंदे देखने के लिए, मज़ा आ गया। ओके नेक्स्ट मैच में 70 लाइक्स हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ब्रो अगर लाइक मैं बोल सकते ग्रुप ए में सपोर्ट सही था, 6 से 7 का वाचिंग आ रहा था, सेकंड गेम में बिल्कुल कम था, 1 या 2 का वाचिंग आ रही थी, थर्ड गेम में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे को लाइक 15 का वाचिंग चल रहा था और हाईएस्ट गया 17 की तरफ और मेरा हाईएस्ट कॉन्करेंट वाचिंग भी आ गया 17 का। नूब जोकर भाई यार हमारे तो कल और आज एम्पिंग की वजह से 2 प्लेयर नॉक फिनिश हो गया। अरे ब्रो कोई ना ब्रो, हम लोग का भी आज गेम खराब गया कैंपर्स का, कोई ना उससे कुछ टेंशन वगैरह मतलब अगर थर्ड गेम सही हो गया तो फिर भी चांसेस हो सकता है टॉप 8 में आने का, क्योंकि बस 20 ही टीम्स है
उसमें बस आपको टॉप 8 में आना है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आप टॉप 8 में आ जाओ। बस थर्ड गेम सही से खेलना होगा, टॉप 3 में आने की कोशिश करना ज़रूर हो जाओगे। इनमें इतना ज़्यादा बंदे अलाइव रहते हैं, इसलिए दिक्कत बन सकता है, बनता है बहुत सारे टीम्स को, जिन जिनके पास ज़्यादा अच्छे डिवाइस नहीं है उनका बहुत ज़्यादा लैग करता है, वहाँ भी ही दिक्कत का सीन बनता है बहुत सारे टीम्स को। एंड डूम जुगर भाई बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, एंड 60 लाइक्स से बहुत बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, कर दो जिसने अभी तक नहीं किया। किंग आर्यन भाई ऐसा होना तो मैं नहीं जा सकता, माफ़ कर देना आप ब्रो आर्यन भाई। ओके गाइस, जो जो देख रहे हो बने रहो स्ट्रीम पर, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग का चौथा गेम का IDP आ जाएगा, स्टार्ट होगा बिल्कुल 7 बजे। एंड थैंक्स इतना सपोर्ट देने के लिए भाई, थर्ड मैच में इतना सपोर्ट मिलेगा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि इससे पहले वाला बी वाले में बहुत ही कम सपोर्ट मिला था, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतने सपोर्ट दिखाने के लिए। Guys, can we hit 60 likes? एक और लाइक चाहिए बस, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया कर दो। बिल्कुल 5 मिनट में आएंगे सब लोग आपके ग्रुप्स में, ITP मिल जाएगा, और बिल्कुल तैयार रहा ग्रुप डी वाले बंदे मीरा माहर का गेम खेलने के लिए। डन 60, बहुत बहुत शुक्रिया डेस्टिनी ब्रो, डेस्टिनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप IDP डाल दो कुछ ही मिनट में ग्रुप्स में, आई गेस 5 मिनट में आपका IDP आ जाएगा सबका। लेट सी कब तक आता है, ये वाले है दिन थोड़ा सा ख़राब जाता हुआ TCL एंड कैंपर्स दोनों के लिए। TCL भी अर्ली वाइप हुआ मीरामार में, और कैंपर्स भी अभी सब कुछ ठीक है। आखिरी वाला गेम अगर सही जाता है फिर ही कुछ हो सकता है। 2 TC ने पिछले वाले गेम में चिकन निकाला था, सेकंड वाले गेम थोड़ा सा खराब गया, थर्ड गेम भी अगर सही जाता है फिर विच बहुत हाई चांसेस है। कैंपस का भी पिछले वाले गेम में #54 या ऐसा कुछ था, ये वाला गेम भी खराब गया, 10 से नीचे था, तो फिर रैंकिंग तो नहीं मिलेगा। थर्ड वाले में देखते हैं क्या होता है कैंपस का, मैं नहीं हैंडल कर रहा। ओके ब्रो कोई ना, जो भी हो IDP ग्रुप में डाल दिया जाएगा आई गेस, तो फिर और सही टाइम में चालू भी कर दिया जाएगा, टेंशन ना लो। अपना मैनेजमेंट बहुत OP है, अपना मैनेजमेंट का जो जो बंदे हैं वो सब कुछ सब लोग OP है ब्रो, कोई भी टीम टेंशन ना लो। 60 लाइक्स डन, बिल्कुल नूब जोकर भाई अपना डेस्टिनी भाई ने करवा दिया। एंड 1.8K सब्सक्राइबर्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मेरे को पता ही नहीं चला, कुछ दिन पहले हम लोग का 1.4K के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, 400 सब्सक्राइबर्स अराउंड कुछ ही दिन में इंक्रीज हो गए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। हम लोग का 5th गेम किसी भी वक्त चालू हो जाएगा, लेट्स सी कब तक होता है गेम। हम लोगों का स्टार्ट 3 मिनट या फिर अराउंड 6:50 से पहले सबको IDP मिल जाएगा, ये तो गारंटीड, या स्टार्ट 7:00 कुछ मिनट में होगा, लेट से क्या होता है। अगर किसी को कस्टम्स टूर्नामेंट कुछ भी खेलना हो तो फिर इंस्टाग्राम पे ज़रूर मेरे को DM करना, इंस्टाग्राम का नेम मेरे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम का नेम मैंने लिंक नहीं दे रहा क्योंकि टाइम नहीं मिला मेरे को ज़्यादा देने का, मेरा कॉलेज भी था सुबह, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया तो टाइम नहीं मिला मेरे को ज़्यादा, इसीलिए नहीं किया मैंने। बाद में मैं स्लॉट लिस्ट वगैरह बिल्कुल कल के बाद ही मैं डायरेक्ट ओपन करने वाला हूँ, आज मैं बिल्कुल भी मेरे को आज भी टाइम नहीं मिलेगा, कल भी बहुत टाइट शेड्यूल है मेरा, उसके बाद मैं स्लॉट लिस्ट अपडेट कर दूंगा तीनों गेम का बैक टू बैक में। जब 1K हुआ था तब 25 या 30 लाइक्स मैं सकता था, अभी वीडियो में कल तो 100 हो गया था, बिल्कुल भाई वही बोल रहा था मैं, कल जब मैं 1K होता तब 25-30 और मैक्स टू मैक्स 50 होता था भाई, मैक्स टू मैक्स तब 50 होता था, अभी बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की वजह से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, अभी अगर 1 घंटे का भी स्ट्रीम करो फिर भी उसमें 30 तक के हो जाता है लाइक्स हो जाता है, देख के अच्छा लगता है गाइस।
और कुछ ना भाई, लाइक से कुछ फ़ायदा वगैरह हम लोग को नहीं मिलता, अच्छा लगता है भाई, और कुछ नहीं, आप लोग को देख के अच्छा लगता है। लायन क्लैन ओपी, बिल्कुल लायन आर्क ओपी भाई, लायन क्लैन ओपी, अरे लायन आर्क ओपी बोले, लायन क्लैन ओपी, क्या ही सीन हो गया भाई, ये लाइक ऐसा कुछ हो गया, विनोद बोल रहा है विनोद ओपी, ऐसा कुछ सीन है ये, लायन क्लैन ओपी बोलते बिल्कुल भाई, यहाँ पे चिकन रहता है वो हाई किल्स के साथ, लायन क्लैन ओपी बिल्कुल पता है भाई मेरे को, बहुत दिन से खेलता है कि मैं आप लोगों का गेम देख चुका हूँ। राघव भाई हाई वेलकम टू द स्ट्रीम, सॉरी मैंने आपका चैट मिस कर दिया। 1K 1.8K ओपी बिल्कुल भाई, हम लोग 1.8K पहुँच चुके भाई, देखते देखते क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला भाई। लायन भाई आप सपोर्ट कर देना हम लोगों को भी थोड़ा सा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपने दोस्त टीममेट्स और क्लैनमेट्स सबके साथ, एंड थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए स्ट्रीम। गाइस जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है कर दो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो अपने भाई को। लायन आर्क भाई अपनी टीम के साथ स्ट्रीम का लिंक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। गाइस रेडी हो जाओ, ग्रुप डी के बंदे 645 बज चुके हैं, आई गेस अभी तक आप लोगों का डीएम में आईडीपी वगैरह मिल गया होगा, तो फिर जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ, सेट हो जाओ गेम होने के लिए, कल भी मैचेस है, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन से टीम्स सेमीज में जाने वाले, और फाइनल्स में तो सही टीम्स आने ही वाले हैं, उसका टेंशन नहीं है भाई, देख लो क्या सीन है भाई, 40 टीम्स सेमीज में जाएगा, उसके बाद 20 टीम्स होगा फाइनल्स में, लेट्स सी क्या होता है, कौन सा टीम जीत के प्राइस मनी लेके जाता है इनमें से, सारे टीम सही खेलता है भाई, यहाँ पे जो जो टीम खेल रहे हैं भाई बिल्कुल सही खेल रहे हो भाई, बस किसी टीम के ऊपर जोन का फेवर पड़ रहा है, किसी टीम के ऊपर नहीं पड़ रहा है, उसका ही दिक्कत हो रहा है, मैक्सिमम टीम तो जोन के बाहर ही डाउन हो रहा है, जो म्यूटेशन से दिक्कत हो रहा है भाई, ऐसा ही कुछ ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है, अब क्या ही करें, हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसका। 8 लाइक्स के लिए 8 बंदे देख लो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, एक बार चेक कर लेना जो ग्रुप डी वाले बंदे, अब लोग का IDP आई गेस अभी तक आ गया होगा, मैं 4 मिनट बाद जाकर IDP लेके ज्वाइन कर लूँगा 4 मिनट बाद, तो फिर आप लोग भी एक बड़ी देख लेना, इसके बाद ग्रुप ई का मैचेस होगा 10 बजे रात को, तो फिर देख सकते हो आप लोग भी क्या सीन वगैरह होगा, ग्रुप ई वाले बंदे भी रेडी रहना बिल्कुल, और डेस्टिनी भाई अगर आप देख रहे हो तो फिर ग्रुप ई वाले बंदे को एक बड़ी मैसेज डाल दी उनके ग्रुप में कि आप उन लोगों का मैसेज मैच होगा ग्रुप डी का ई का 10 बजे, तो फिर उन लोग एक बड़ी सही रहने को बोल देना, एक्टिव रहने को। चिकन किसका हुआ, टीम लायन का, लायन की टीम का चिकन हुआ ब्रो, लायन की टीम का चिकन हुआ भाई आदर्श ब्रो, एंड थैंक्स ब्रो फॉर ज्वाइनिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर कर देना ब्रो अपने दोस्त सबके साथ। अरे टीम लायन बिल्कुल ओपी ब्रो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ भाई, टीम लायन बिल्कुल ओपी है भाई, सारे टीम्स ओपी है, थैंक्स ब्रो आदर्श भाई ज्वाइन करने के लिए ब्रो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर मैचेस अगर आप खेल रहे हो PMCW तो। रेडी हो जाओ ग्रुप डी वाले बंदे, ग्रुप डी वाले बंदे रेडी हो जाओ आप लोगों के गेम के लिए, आप लोगों का गेम चालू हो जाएगा कुछ ही मिनट में, तो फिर रेडी हो जाओ जल्दी से जल्दी, मेरा गला थोड़ा सा बैठ चुका तो फिर माफ़ कर दियो मेरे को,
जितने तक हो पाए मैं ज़रूर करूँगा, मेरी तरफ से जितना हो पाए मैं ज़रूर करूँगा भाई, इसका तो गारंटीड है। जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना भाई, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो जो पबजी वगैरह खेलता है, सबके साथ कर दियो गाइस। मेरे को भी अभी जाना पड़ेगा और IDP वगैरह भी लेना है, उसके बाद आऊँगा, उसके बाद गेम भी चालू होगा। मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या? हाँ हाँ तो रहा है, क्या दिक्कत हो गया। एंड थैंक्स फॉर द 62 लाइक गाइस, आज हमने चिकन निकाला, 17 लाइक किल्स। ओपी आर ओडिन गेमिंग भाई, नाइस ब्रो, नाइस ओडिन ब्रो। चलो सब ना, तो मैं जाता हूँ IDP लेने के लिए, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, एक सेकंड में आता हूँ भाई, एक सेकंड। ओडिन हाँ बिल्कुल भाई, 19 ओपी ब्रो। ओडिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपको तो लाइक सब्सक्राइब किया ही है, शेयर भी कर दियो ब्रो। एंड बहुत ही क्लोज है हम लोग 1 पॉइंट, बहुत ही क्लोज है हम लोग 70 लाइक्स से करवा देना हो सके तो। ऐसा अपना मैंने स्ट्रीम स्टार्टिंग वाला इमेज दिया है, क्योंकि रुक जाओ बताऊंगा, मैं IDP ले रहा हूँ। एक सेकेंड में मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ बस। ओके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 16 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेट्स सी क्या होते हैं यहाँ पे ग्रुप डी में। ग्रुप ई में तो सी वाला गेम हो चुका है अपनों का, ग्रुप डी, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, लाइक ग्रुप सी का गेम खत्म हुआ है, अभी ग्रुप डी का मैचेस है, ग्रुप ई का तो रात को होने वाला है, गलत बोल रहा मैं, चलो कोई ना, ग्रुप डी का मैचेस अभी चालू होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। एंड थैंक्स गाइस जो जो ज्वाइन किया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक सब्सक्राइब करना अपनी टीम सबके साथ, एंड जिसने लाइक नहीं किया कर दो, क्योंकि 70 लाइक्स हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। टॉक्सिक गेमिंग हाय ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। मैसेज डिलीट कर दिया गया, ओ भाई साहब बेबू, अपना नाइट बॉट गुस्सा हो गया इतना ज़्यादा इमोजीज देख के, गलत सीन हो गया यहाँ पे। ओके इस वाले हमें LNT का भी टीम है, नाइस, मजा आएगा उनका गेम देखने में। प्रीवियस वाले दिन LNT का टीम किसे गेम में बहुत सही खेला था याद है मेरे को, बहुत हाई किल्स के साथ। टॉक्सिक गेमिंग भाई कैसा क्या हो गया, आप एक मैसेज चेक के चले गए क्या? गाइस जो जो देख रहे हो सपोर्ट कर देना, शेयर कर देना अपने टीम्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ, और बोल दो कि आप लोग टूर्नामेंट खेल रहे हो, बता दो भाई सबको, स्टेटस वगैरह डाल दो और बोल दो लाइव देखने को, कि बोल दो कि आप लोग टूर्नामेंट्स खेल रहे हो आप, और सपोर्ट करो आपकी टीम को। इतना जल्दी हो गया 60, बिल्कुल भाई, जब गया था तब 45 था, बिल्कुल ब्रो 63 हो चुका है, लेट्स सी 70 तक हो पाता है या फिर नहीं आज का स्ट्रीम में। कल तो 100 हो गया था, लेट्स सी आज कितना हो पाता है।
70 मेरे को तो आज लाइक सेकंड वाले गेम में इतने कम सपोर्ट मिल रहा था, लाइक मेरे को सोच रहा था लाइक 50 भी नहीं जाएगा, लेकिन थर्ड मैच में ओपी सपोर्ट मिल गया हम लोगों को। एंड बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू गाइस जिसने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। ग्रुप सी में अराउंड 17 का कॉन्करेंट वॉचिंग आ रहा था, 15 to 17 का। 35 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेट्स सी कितना का लॉबी होता है। डेस्टिनी भाई जब आएंगे तो फिर एक बात याद करवाना मेरे को, उनको बोलना है डेस्टिनी भाई को अगर लाइक 8 बजे कोई स्क्रीम्स फन स्क्रीम्स फॉर मिनिमम करवा दे फिर भी बहुत है, हम वो भी स्ट्रीम कर देंगे 8 बजे अगर हो पाए उनके लिए, अगर वो फ्री हो तो फिर हम कर देंगे एक। गाइस कैन वी हिट 70 लाइक्स बाय द वे, 7 और लाइक्स चाहिए, इसने नहीं किया है कर दो। 40 बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, लेट्स सी कितना का लॉबी होता है। 65 के ऊपर और 90 के नीचे तो होने ही वाला है फॉर श्योर, ऐसा ही लॉबी चल रहा है। 70 to 90 के बीच लॉबी चल रहा है हर वाले गेम में, एक्चुअली 70 to 85 के बीच में ही चल रहा है लॉबी सबका, 85 से भी ज़्यादा नहीं जा रहा है। थैंक्स फॉर 65 लाइक्स करवाने के लिए भाई। सिक्स बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, नाइस। गाइस जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर देना गाइस। थैंक्स फॉर 65 लाइक्स गाइस, कैन वी हिट 70, 100 तो नहीं होने वाला, कैन वी हिट 70 गाइस कर दो भाई हो सके तो। 64 बंदे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी के बंदे भी जल्दी से जल्दी आ जाओ क्योंकि 70 से 85 के बीच लॉबी होना चाहिए। श्याम ब्रो नाइस स्पेक्टेटिंग एंड ग्रेट कमेंट्री, लाइक इट, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम भाई।
कोशिश कर रहा ब्रो इम्प्रूव करने के, बहुत कोशिश कर रहा हमें, और भी होगा, कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करने का ब्रो। डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डेली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सपोर्ट के लिए। ओके 76 बंदे हम लोग देख सकते हैं ज्वाइन कर चुके हैं। टीम 6 का 3 बंदे नहीं आया। ओके टीम 18 का भी 2 बंदा नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है लॉबी। लेट्स सी कितना का लॉबी हो पाता है। सपोर्ट वम किराला ब्रो बहुत बहुत शुक्रिया स्वयं भाई। हेलो दिबू भाई, क्या हाल चाल है बोंगो गेमर भाई, चल रहा है लाइफ, आप बताओ आप कैसे हो। श्याम भाई बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो किराला से सपोर्ट करने के लिए, आप अपने दोस्त सबके साथ शेयर भी कर देना। श्याम भाई जो जो पबजी वगैरह खेलता है। गाइस हम लोग का गेम किसी भी वक्त चालू हो जाएगा, ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, 2-3 तक मैक्स, उसके बाद ही चालू हो जाएगा। तो फिर देखते रहो कैसा होता है गेम। ब्रो ब्रो किधर से हो आप ब्रो? मैं कोलकाता से हूँ अनिश भाई मैं कोलकाता से हूँ। गाइस जिसने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया ये कर देना, हम लोग बहुत ही नज़दीक है 70 लाइक्स के, बस 2 ही लाइक चाहिए हम लोगों को। मैं कोलकाता से अनिश भाई, और जो जो बंगाल के बंदे उनको तो पता ही होगा, मेरा वॉइस टोन देख के उनको पता ही चल गया होगा मैं कोलकाता या फिर बंगाल के साइड से हूँ। ब्रो आप T1 प्लेयर हो क्या? ब्रो मैं एक्स T1 प्लेयर हूँ आप बोल सकते हो, मेरा टीम अभी भी एलिट T1 ग्लोबल स्क्रीम्स वगैरह खेलता है, मैं भी खेलता था उनके साथ, लेकिन ऐसा अपना तो मैं बस मैनेज करता हूँ अपनी टीम को, और 6 प्लेयर टाइप हूँ मैं, कोच टाइप आप बोल सकते हो उनका। ब्रो चूज बिटवीन कॉम्पिटिटिव और कॉन्टेंट क्रिएटर, डिफिकल्ट भाई, दोनों में इंटरेस्ट है मेरा। मैं एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर भी हूँ और कॉन्टेंट क्रिएटर भी हूँ। ऐसा अपना मैं कॉम्पिटिटिव नहीं खेल रहा क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं कॉन्टेंट क्रिएटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा मैं बोंगो गेमर भाई। और अगर कॉम्पिटिटिव की बात करूँ मैं, देखो मेरा डिवाइस सही है तो फिर मैं अगर 15 दिन भी सही से ग्राइंड कर लूँगा तो फिर उसके बाद मेरा हाथ सही हो जाएगा T1 खेलने के लिए। और स्क्रीम्स तो है ही मेरा डेली मिल जाता है मेरे को, अचीवमेंट्स वगैरह है तो फिर उसका दिक्कत नहीं होगा। 15 दिन अगर सही से ग्राइंड कर लूँगा सही हो जाएगा मेरा हाथ, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन पबजी इंडिया आने दे उसके बाद ही मैं सेट करूँगा, उससे पहले तो मैं कॉन्टेंट क्रिएटिंग के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, कॉन्टेंट के ऊपर। अपना कॉम्पिटिटिव अपना टीम जो खेल रहा है वो तो खेलेगा ही, अपना 2 लाइनअप्स हैं पूरा सेपरेट है, 2 लाइनअप्स हैं, जो एक T1 खेलता है और एक T2 खेलता है, और एक थर्ड लाइनअप भी हम लोग बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा भाई मैं कोई T1 टीम में जा सकता हूँ क्या? अनिश भाई आप जा तो सकते हो ज़रूर, मैं कुछ ग्रुप्स में आपका, आप KD वगैरह लिख के और पुराने अचीवमेंट्स लिख देना मेरे को, मैं T1 ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। अगर किसी को आपका अचीवमेंट्स वगैरह सही लगा और KD वगैरह सही लगा तो फिर आप उनके ट्राईआउट्स देके ज़रूर आप उनके क्लैन में जा सकते हो ब्रो। एलीट T1 नहीं दिलवा सकता, लेकिन नॉर्मल T1 या फिर अंडरडॉग्स T1 ज़रूर दिलवा सकता मैं। पबजी इंडिया के बाद कॉन्करर करोगे ब्रो? इंस्टाग्राम पे मेरे का चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पे मेरा रैंक दे दिया है मैंने अपना, सीजन 12 13 और 14 मैंने पुश किया था अपना मैं। ओके हम लोग का 5th ग्रुप का गेम चालू होता है, और मैं भूल ही गया भाई शेयर करना ग्रुप्स में, ग्रुप ई में शेयर करना मैं भूल ही गया आई गेस। डेस्टिनी भाई अगर आप देख रहे हो तो फिर एक बड़ी ग्रुप ई में शेयर कर देना। एलिट T1 क्या होता है? एलिट T1 मीन्स लाइक जो गॉडेल सोल TSM NDT इनका टीम से इसका मिंट कर रहा हूँ एलिट T1, ये लोग खेलते हैं। T1 एक्चुअली 3 टाइप्स होता है, एक होता है ग्लोबल जो इंटरनेशनल टीम्स के बीच होता है, एक होता है एलिट T1 जो ये सब गोडेल वगैरह खेलते हैं वार्डमेनिया का, एक होता है नॉर्मल अंडरडॉग्स T1। ये 3 टाइप्स, हम लोग एलिट T1 नहीं खेलते, हम लोग ग्लोबल और अंडरडॉग्स सही से खेलता है, क्योंकि एलिट में हम लोग अभी तक ऑफिशियल अचीवमेंट्स कुछ नहीं है ऐसा अपना, हम लोगों का अनऑफिशियल बहुत कुछ है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स का। आई गेस आप समझ चुके हैं अनिश भाई क्या डिफरेंस है। कल हम लोग का एक इंटरनेशनल स्क्रीम्स था लाइक अगेंस्ट पाकिस्तान,
बांग्लादेश, श्रीलंकन एंड नेपाल टीम्स, हम लोग उसमें से चिकन लाए कल कैंपर्स का टीम। तीन दो गेम होता था आई गेस, दो गेम हुआ था आई गेस, दो या तीन, उनमें से एक गेम में हैशटैग फोर आए 6 से 7 किल्स के साथ, एक गेम में चिकन लाए सैनहक वाले गेम में 9 किल्स के साथ, एक और गेम में हैशटैग 8 आए थे 1 किल के साथ। और कल PMCW में भी हम लोग का हैशटैग 5 था 3 किल्स के साथ। आज वाला गेम PMCW का ख़राब किया हम लोगों का। कुछ टिप्स दे दो भाई ना कॉन्करर पुश करने के लिए। जोन के बाहर 3 जोन तक जोन के बाहर रहना, 3 जोन तक जोन के बाहर रहना और हिल बैटल करते रहना 3 जोन तक, और जोन के बिल्कुल एज एज करके खेलना, बिल्कुल सेंटर होल्ड मत करना। पहले पहले थोड़ा सा लाइक जब आप लो टीयर में रहोगे प्लैटिनम टैटिनम में तब किल्स का कोशिश करना, लेकिन जब थोड़ा सा हाई चला जाएगा तब किल्स बिल्कुल एंड में ही कोशिश करना, मिडिल में भी कोशिश मत करना। ये सब टिप्स है, लाइक बिल्कुल एज टू एज खेलना जोन के, और बिल्कुल कोई छोटा मोटा कॉम्पाउंड लूटना, लाइक ज़्यादा लूट जरूरत ही नहीं पड़ता। हील सही से लूटना, लाइक मैं अराउंड 50 to 60 बैंडेजेस कैरी करता था जब मैं ऑनकर पुश करता था। लाइक गन सही कुछ नहीं मिलता, UMP ऐसा कुछ कभी कभी सही मिल जाता क्योंकि हम लोग छोटे मोटे कॉम्पाउंड लूट करते थे, ऐसा ही सीन रहता था। मेरे को नहीं पता अगर आप बहुत सही प्रो प्लेयर हो तो फिर कुछ अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही खेलते लाइक बिल्कुल एज टू एज। मैं तो ऐसे ही खेला था और मिल गया एग्जैक्टली पूरा। आप रैंक देख सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डाला है, स्टोरी नहीं जो हाईलाइट दिखा था ना वहाँ पे मैंने डाला है। लैग होता है क्या? नहीं ब्रो, लैग वगैरह नहीं होता मेरा। चैट मिस्ड नहीं भाई अनिश भाई, डर डर के खेलने मज़ा नहीं आता ब्रो, और कुछ कर भी नहीं सकते कॉन्करर में, डर नहीं एक्चुअली कैम्प करके खेलना पड़ता है, दैट्स नॉर्मल ब्रो। बोंगो ये मतलब नॉर्मल, सारे बंदे आपको जो मिलेगा वो ही ऐसे ही खेलेंगे, नहीं तो हैकर मिलेगा। देखो भाई कॉन्कर पुश करने में आपको 3 टाइप्स के बंदे मिलेंगे, एक बॉट्स, एक मिलेंगे हैकर और एक मिलेंगे मैं जो टाइप का बोला बिल्कुल एज टू एज खेलेंगे, ऐसे 3 टाइप छोड़ के आपको नहीं मिलेंगे ब्रो। विच वन इज सी सोलो डुओ और स्क्वाड? स्क्वाड के लिए आपको लाइक S22 S23 स्टार तक जाना पड़ेगा। डुओ या सोलो में आप, सोलो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है इसलिए मैं डुओ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं एक सीज़न स्क्वाड की तरफ गया था, उसके बाद लाइक बहुत ज़्यादा लाइक डिफिकल्ट है, इसके बाद मैंने डुओ की तरफ शिफ्ट कर लिया मैं। ओके यहाँ पर D3 और 5 हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक हम लोग भाई कॉन्करर की तरफ चले गए ये वाला गेम छोड़ के। वहाँ पे TS किंग OP भी डाउन होते हैं, और 5 और 3 के भी हम लोग 5 देखेंगे। यहाँ पे शॉट लिया जा रहा है, वहाँ पे एजेंट कर्नेज भाई भी डाउन होते हुए चलते हैं एक बारी, इसे और 5 देखेंगे। पिकाडो में 2 टीम होती है यहाँ पे, T20 और T11 का टीम, इन दोनों के बीच हम लोग 5 देखेंगे। T20 ने ऑलरेडी 3 बंदे खो चुके हैं और यहाँ पे यूट्यूब भाई अकेले बचे हुए हैं अपनी टीम का प्रैक्टिस करना। बिल्कुल भाई मैं बोलना चाहता हूँ कॉन्करर जब पुश करो तो बिल्कुल मेरा कॉम्पिटिटिव बिल्कुल हाथ सही हो जाता, बिल्कुल ये सब कुछ सही है, ये बिल्कुल सही बोला अनिश भाई ने। जगह जब आप कॉन्करर के लिए पुश करोगे तब पूरा आप सेट हो जाएगा आपका हाथ कॉम्पिटिटिव के लिए, ये तो बिल्कुल सही है भाई। लाइक मैं बता रहा हूँ जो जो बंदे लाइक हर एक सीज़न में कॉन्करर पुश करते तो फिर उनका हाथ इतना सही हो जाता है, अगर उनको कॉम्पिटिटिव में उतारा गया तो फिर वो लोग बिल्कुल सही खेल देंगे, उनको ज़रूरत नहीं क्योंकि उनको इतना ज़्यादा कंपटीशन मिलता है कॉन्करर लॉबी में, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव टाइप ही रहता है वहाँ पे। लाइक मेरे पास बहुत कुछ है, लाइक पड़ा है मेरे पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह एंड जोन में 40-50 का। मैं सोचा था एक स्टोरी डाल के डालूंगा यूट्यूब पर, लेकिन अभी तक डाला नहीं गया मैंने डाला नहीं अभी तक। चलो कोई ना, बहुत बातें हो गया, अभी गेम पे फोकस करते हैं। 5 मिनट मैंने इधर ही डाल दिया। लॉस लियोलिस में हम लोग देख सकते हैं ZLC का टीम गया, थक का टीम गया। यहाँ पे 2 टीम के बीच फाइट्स तो हो सकता है लेकिन अभी तक तो चालू नहीं हुआ है। और चुम्मा से में T1 गस्ट का अकेला बंदा है यहाँ पे, गस्ट का रियल लाइनअप तो यहाँ पे चारों के चारों बंदे। माउंटेनियर में T7 का टीम है, एल्पोजो में TCE का एक और लाइनअप हम लोग देख सकते हैं। वाटर टीम ट्रीटमेंट हसेंडा खाली नहीं गया, हसेंडा में T18 का टीम से बड़े लूट करता है, T15 भी क्लोज इधर उधर लूट करता है। एल हजार में T10 का टीम गया, EXT का टीम छोटे मोटे कॉम्पाउंड्स एल हजार के साइड में लूट करता हुआ। T19 हम लोग देख सकते हैं रोटेट इन करता हुआ पहले जोन में,
गाइस जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक 70 लाइक्स के। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया कर दो। तो बहुत यूट्यूबर लोग बोलते हैं कंकर करने के टाइम कैंप करने का कारण रश वाला हाथ खराब हो जाता है, ये ट्रू है क्या? नहीं ब्रो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको एंड जोन में फाइट लेना ही पड़ता है। अगर आप सही से कॉन्करर पुश करोगे और कॉन्करर होल्ड करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको फाइट लेना ही पड़ेगा एंड जोन में। लाइक मेरा हाथ बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था, और फाइट्स लाइक आपको लेना पड़ता है, कभी कभी आपको लेना भी पड़ता है फाइट्स। लाइक हमेशा तो सही नहीं रहता, लाइक कभी कभी ऐसा उनका होता है कि एंगेज होना ही पड़ता है आपको किसी टीम के साथ। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा लाइक हाँ, कभी कभी किसी किसी टीम का लाइक जो एक्सट्रीम लेवल में कैंप करते हैं उनका हाथ ख़राब होता है, हो सकता है। लाइक मेरा नहीं हुआ था, लाइक मैं कैंप किया था, ज़रूर मैं कैंप किया, लाइक तीन जोन तक फॉर मिनिमम जोन के बिल्कुल बाहर ही बैठा रहता था 50 बैंडेजेस लेके, 50-60 बैंडेजेस लेके। उसके बाद मैं जोन इन करता था, लाइक मैक्स टू मैक्स 2-3 किल, बस गेम ख़त्म 2-3 किल के साथ। मेरा केडी तब 3 का था, सिर्फ 3 केडी के साथ मैंने कॉन्करर की तरफ गए थे। यहाँ पर टेरर वाइपर भी बैठे थी ना, 19 के दो बंदे आगे, आई गेस डाउन कर दिए एक बंदे को, एक और बंदा भी यहाँ पर फिलहाल स्कारे लेके बैठा है। गलत सीन हो गया, टेरर वाइपर भाई वेट कर रहे थे कौन सा टाइम मिलेगा उनको। 19 के दूसरे बंदे को भी वहाँ पे डाउन कर दिया गया, तीसरे बंदे को भी यहाँ पे टेरर वाइपर ने डाउन कर दिया। टेरर वाइपर के एंगल देखेंगे हम लोग, T19 के तीनों बंदे को बैक टू बैक निकाल दिया मैं टेरर वाइपर भाई। T19 का हालत थोड़ा सा ख़राब, यहाँ पे पाइथन भाई अकेले जिंदा, लेट्स सी ये फाइट लेता है या फिर फॉल बैक कर लेंगे इस लोकेशन से। भाई मैंने अपने वीडियो में भी बोला है कॉन्करर का डिसएडवांटेजेस, अरे भाई कॉन्करर लाइक अगर आप सही से कॉन्करर पुश करोगे और होल्ड करने की कोशिश करोगे तो फिर ज़रूर फाइट लेना ही पड़ेगा भाई। लाइक मैंने भी फाइट लेना पड़ता था, लाइक नहीं तो लाइक आपका एक्सट्रीम अगर जीरो की लाइक आपका अगर जीरो किल रहेगा तो फिर आप कभी प्लास नहीं मिलेगा आपको, ये भी सही है। आपको किल्स भी करना होगा, आपको किल्स भी करना होगा फॉर कॉन्करर पुश। लाइक आप कैम करोगे पूरा फिर भी नहीं होगा। मेरा 3 का केडी था, 2-3 किल्स आपको करना ही होगा ब्रो कॉन्करर पुश करने के लिए फॉर मिनिमम। ओके T9 के एक बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज है, लेकिन यहाँ पे पाइथन 12 थोड़ा सा दिक्कत भी हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे फॉल बैक करने में सफल होते हैं या फिर नहीं। T19 थोड़ा सा दिक्कत में, 3 बंदे यहाँ पे टेरर वाइपर के हाथों डाउन हो गए। अगर T13 के पास गाड़ी है तो फिर ये बंदा भी भाग के आई डोंट थिंक निकल पाएगा। टेरर वाइपर के एंगल देखते फिलहाल तो भागते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1.8 के सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत शुक्रिया बोंगो गेमर भाई। अभी फिलहाल मेरा हाथ जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, नॉट फॉर इवन कॉम्पिटिटिव, नॉट फॉर इवन कॉन्करर पुश। सो ऐसा होना तो मैं नहीं सोच रहा उसके बारे में, जब पबजी मोबाइल इंडिया आएगा तब देखेंगे। अगर मैं कॉन्करर पुश किया तो फिर बिल्कुल मैं लाइव करने वाला हूँ। अभी टीना 22 का भी एक बंदा यहाँ पे क्लोज इन करता हुआ बाघी बाइक लेके, लेट्स सी यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल ओपन पीछे भागते हुए, लेट्स सी क्या होता है। वही बोला था बिल्कुल ओपन था, यहाँ पे पूरा ओपन था, शॉर्ट्स तो आना ही था इनको, बहुत ही ज़्यादा ओपन चले गए थे यहाँ पे। बाकी के बंदे थोड़ा सा दूर है उनसे, लेट्स सी फाइट लेंगे या फिर नहीं। टीम XTS का भी बंदा एक डाउन होता हुआ, दूसरा बंदा भी XTS का डाउन होता हुआ, इनसेन क्या तो XTS का फाइट देखते हैं। चलो अगर ढूंढ पाऊँ तो फिर ज़रूर दिखाऊंगा XTS को, दो मेरे को मिल नहीं रहा एस ऑफ नाउ। ओके इधर है T17 के पास लौता, एक ही बंदा जिंदा है इनके सामने T14 का टीम। डिवाइस कौन सा आपके पास ब्रो? मेरा IQ 3 है ब्रो, टॉक्सिक गेमिंग में मेरा IQ 3 है, एकदम ऑलमोस्ट 60 FPS सही चलता है मेरा बिल्कुल ब्रो। IQ 003 ना, IQ 003 नहीं, लाइक IQ 003। ब्रो जिसने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई, 70 लाइक्स के भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है हम लोग, बस 2 लाइक्स चाहिए, कर दो जिसने नहीं किया। ओके T17 यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी हम लोग देख सकते हैं, आखिरी बंदा वहाँ पे बिल्कुल 1 HP में, 2 साइड से शॉट आया और डाउन होता हुआ हुआ। रौनक पटेल हाई ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे T14 ने पूरे एक टीम को वाइप कर दिया गया, इसके साथ 65 under 19 टीम जिंदा है। एक बड़ी ड्रॉप देख लेते हैं हम लोग, इसमें ऑग एक्सटेंड को ड्रॉमैन खिली सूट भी है यहाँ पे, नाइस। वायरस गेमर हाई ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम,
थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए भाई, एंड थैंक्स फॉर द लाइक, जिसने भी लाइक किया बहुत बहुत शुक्रिया। कैन वी हिट 70 लाइक्स गाइस, एक और लाइक चाहिए बस। कैन वी हिट 70 या 75 तक, 75 आई डोंट थिंक होगा क्योंकि आखिरी ही गेम है, तो फिर 70 तक ही कर दो भाई। 69 लाइक्स, बिल्कुल भाई 69 लाइक हो चुका है। ब्रो मैं अभी जा रहा हूँ ट्यूशन है, गुड बाय। बिल्कुल ब्रो, और बॉन्गो गेमर भाई अगर कंकर पुश करना तो फिर आपको होल डे खेलना होगा, ये बिल्कुल सही है कि ये बोलना मैं भूल गया था, फुल डे आपको खेलना होगा। और मेरा ऐसा भी दिन गया था जो दिन मैं कंकर पुश एकदम, मेरे को पता था मैं एस और कंकर एक ही दिन में कर दूंगा, उस दिन मैंने होल नाइट भी किया था। 79.1 लाइक्स, बहुत बहुत शुक्रिया भाई 70 लाइक्स कंप्लीट करवाने के लिए, होल नाइट भी किया था मैंने। अगर अभी मैं पुश किया तो फिर ज़रूर मैं लाइक लाइव करूँगा पुश। यहाँ पे टीरर के EXT का फाइट चल रहा है, EXT के पास चलते हैं एक बार। EXT के क्यों एक बंदा रीक भाई को डाउन कर देगा आई थिंक। ये भी अपना ही लाइनअप का एक टीम है, ये अपना ही एक टीम का सो कॉल्ड थर्ड लाइनअप। यहाँ पर टीम नंबर 13 और 4 के बीच गलत सीन बनता हुआ, लेट से क्या होता है। टीम नंबर 13 ऑलरेडी एक बंदा नॉक है, EXT का रेजो और रीक भी यहाँ पे डाउन है, लेट्स यहाँ पे रिवाइव मिल पाता है या फिर नहीं। यहाँ पे टीम नंबर 4 थोड़ा सा पीछे आके आई गेस रिवाइव दे देंगे। रेजो भाई यहाँ पे अकेले फिलहाल ग्रेनेड का कोशिश करते हुए टेरर वाइपर के ऊपर, अगर सही जाता तो फिर दिक्कत का सीन बन जाएगा, लेकिन नहीं कनेक्ट। ओके ब्रो मैं तो पागल की तरह राश मरता हूँ, दिन अच्छा होता है तो क्लच करता हूँ और दिन बुरा था तो फिर जाता। अरे ब्रो मैं भी वैसे ही खेलता हूँ, मैं भी वैसे ही खेलता हूँ, लेकिन कॉन्करर के टाइम मैं सही खेला था, मैं भी वैसे ही खेलता हूँ ब्रो, लेकिन कॉन्करर के टाइम मैं थोड़ा सा सही खेला था लाइक एकदम सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि मेरे को पता है ओपोडेन भी बहुत सही टीम्स हैं। यहाँ पे EXT का आखिरी बंदा यहाँ पे रीक FTW जिंदा, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर नंबर 13 के पास ऑलरेडी 4 टीम किल्स है और यहाँ पे और 3 किल्स का एडिशन होने वाला है, इसके साथ साथ 7 किल्स उठाते हुए। ओके ब्रो गुड बाय, बिल्कुल बाय ब्रो, थैंक्स ब्रो फॉर ज्वाइनिंग, शेयर कर देना ब्रो आपके दोस्तों के साथ जाने के टाइम में। इसी के साथ जैसे हम लोग देख सकते 61 बंदे 17 टीम जिंदा है यहाँ पे सेकेंड जोन के बाद। सेकेंड जोन श्रिंक होना भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, बिल्कुल एक ही मिनट बचा है अभी तक। 61 बंदे 17 टीम जिंदा है 14 मिनट के बाद, 5 टीम्स अभी तक वाइप हो चुके टॉप 15 टीम्स में पहले 15 मिनट गेम में, लेट सी क्या होता है इसके बाद। थैंक्स गाइस जिसने लाइक सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पे अरियन श्राउड ने एक बंदे को डाउन कर दिया, चलते हैं एक बार TCE के टीम के पास। अरियन श्राउड अगर इनके सामने देखे तो फिलहाल ग्राउंड में तो फिलहाल नहीं दिखे जा रहा, इनके ऊपर भी शॉट्स आ जाए। टीम नंबर 7 ने ऑलरेडी एक बंदा खो चुका है, एक बंदे को रिवाइव मिल चुका है। ओके नाइस भाई, जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके भाई, लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो भाई, सपोर्ट दिखा दो अपने पूरी तरह से अपना सपोर्ट दिखा दो भाई। यहाँ पे हम लोग देख सकते 59 बंदे 17 टीम जिंदा है 15 मिनट्स गेम के बाद, लेट से हमें क्या होता है। TCE युवराज के ऊपर M16 का स्प्रे देने की कोशिश की जरूर, लेकिन खुद भी डैमेज खाया। वहाँ पर टीम नंबर 11 हम लोग देख सकते 2 एंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, 2 बंदे ऑलरेडी पीछे आ चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि गास्ट का टीम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है उनसे, तो फिर गास्ट का टीम भी उन लोगों के पास शॉट्स ले सकती है। 2 यहाँ पे गास्ट का टीम फिलहाल तो टीम नंबर 7 के ऊपर ही शॉट ले रही है। यहाँ पे TCE युवराज का टीम फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल एज होल्ड करते हुए सेकेंड जोन के लिए, इसी थर्ड जोन की धड़ बनता है क्योंकि असम ना तो यही सीन है। टीम नंबर 15 LNT का टीम भी सेकेंड जोन के एज में आ चुकी है। यहाँ पे टीम नंबर एफिक का टीम भी यहाँ पे होल्ड करता हुआ, टीम नंबर मॉप का टीम भी आ चुकी है। टीम नंबर 19 का टीम के पास अगर चले तो फिलहाल पाइथन 12 भाई अकेले बच्चे अपने टीम के लिए फिलहाल जाते हुए वहाँ पे टेरर वाइपर के साथ फाइट लिए थे, टेरर वाइपर का टीम के साथ, तो उसके बाद फिलहाल तो यहाँ पे जाते हुए जोन की तरफ सेकेंड जोन वाला और दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख सकते टीम नंबर 23 थक का टीम अभी तक लॉस लियोनिस में लूटे थे और यहाँ पे ही बैठे हुए हैं, नकल सही खेलते हुए यहाँ पे
टीम नंबर 23 का टीम ZLC का टीम थोड़ा सा लॉस लिया उसके ऊपर के साइड चल चुके और होल्ड करते हुए ये वाला जगह है ZLC का टीम दो किल्स के साथ। टीम नंबर 23 ने आई डोंट थिंक कोई बंदा आ रहा है ओके जो सोच रहा था मैं। TC ने गास्ट के एक बंदे को उतार दिया। अभी लेट सी टीम नंबर 21 के ऊपर ये लोग पुश करेंगे या फिर नहीं। गास्ट फिगसिस फिलहाल तो बिल्कुल सही मूड में लगे बैठे हुए हैं यहाँ पे। आई गेस रिवाइव मिल चुका है। M16 का स्प्रे देने की भी कोशिश जारी है। इन द मीन टाइम टीम नंबर 7 भी किसी भी वक्त अटपटी वगैरह कर सकते हैं इन लोगों के ऊपर। कुछ भी हो सकते कुछ कह नहीं सकते हम लोग। एपिक इंपेरियल को वहाँ पे डाउन कर दिया गया। एक बार चलते हैं हम लोग एपिक के टीम के पास। आई गेस इधर ही थे वो लोग। एपिक कर्लो को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। किधर फाइट चल रहा है एपिक ओके। एपिक के दो बंदे को यहाँ पे डाउन कर दिया गया। एपिक डेमन भाई यहाँ पे और एपिक ये भाई सिंधा वहाँ पे। एक्सर का टीम बहुत सही खेलता है और टेरर वाइबर का टीम ऑलरेडी 7 किल्स कर चुके हैं। अभी भी पुश इन करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे ये भाई डेमन भाई यहाँ पे ग्रेनेड ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पे एक गलत नेट हो गया उनकी तरफ से। लेट से इन दोनों टीम के बीच क्या होता है लेकिन ऐसा बना तो सही है। उनको सारे टीम्स को पता है कि किल्स का बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है इसीलिए टेरर का टीम वहाँ पे पुश इन करके खेलते हुए यहाँ पे। लेट से यहाँ पे 4v4 का क्या रहता है वहाँ पे। एक सर अल्फन MK14 से एक बंदे को डाउन कर दिया लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 13 के एक बंदे को भी डाउन कर देगा। आई गेस फिनिश भी कर देंगे आसानी से। टीम नंबर 12 के दूसरे बंदे को भी वहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है। अगर टीम नंबर 13 का एंगल देखें तो फिलहाल इनका तीनों बंदे आ चुके हैं क्लोज इन कर चुके हैं। 3v3 का सिचुएशन है यहाँ पे टीम नंबर 12 और 13 के बीच। भाई जो जो देख रहे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके भाई। जिसने अभी तक नहीं किया है कर दो ब्रो। यहाँ पे एपिक के एक बंदे को रिवाइव कर दिया गया दिक्कत नहीं हुआ लेकिन टीम नंबर 13 हम लोग देख सकते दो एंगल से जाता हुआ। एक बंदे यहाँ पे SpaceX भाई इधर है बाकी के दो बंदे उधर है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे SpaceX स्पॉट के जरूर डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। ग्रेनेड्स थ्रो किया जा रहा है दो साइड से। यहाँ पे एपिक डेड में SpaceX को डाउन कर दिया भाई दूसरे एंगल से आके। अभी टीरर वाइफ पर हम लोग देखेंगे 2v3 का सीन है वहाँ पे। PS को भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुके हैं इनको भी आई गेस डाउन कर दिया जाएगा। अभी टीरर वाइफ पर भाई अकेले जिंदा है टीम नंबर 12 से। वहाँ पे 1v एक्चुअली 2 का सीन है। टेरर वाइपर में बहुत डैमेज दिया जरूर लेकिन एपिक के टीम के पास एक चार बिल्कुल ओपी वाला किल्स आता हुआ टेरर के टीम का। इसीलिए बैक टू बैक जरूर पुश करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाए। थर्ड वाला पुश सही नहीं गया टेरर वाइपर के टीम का। ये वाला ड्रॉप एक बार देख लेते। इसमें गॉग लेवल 3 का गया 16 क्विक ड्रॉ मैच ओके। MODS के साथ एस्ट्रो PS का भी फाइट चल रहा है। किधर हो रहा है मेरे को ढूंढ नहीं पा रहा मैं ओके इधर चलो। एस्ट्रो SS ने 3 बंदे खो दिए लेकिन 2 किल्स निकाल चुके और आई गेस अभी खतरे से दूर है यहाँ पे एस्ट्रो SS का टीम। थैंक्स गाइस जो ज्वाइन किया भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो पबजी वगैरह खेलते हैं। सपोर्ट दिखा दो भाई अपने भाई को थोड़ा सा। हम लोग के चौथा गेम का 20 मिनट्स गेम हो चुका है। 52 बंदर 15 टीम्स अभी तक जिंदा है हम लोग देख सकते हैं। गास्ट का टीम अभी फिलहाल 2 किल्स लेके तीसरे जोन की तरफ जाता हुआ। टीम नंबर 3 और 14 हम लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। लेट्स सी क्या होता है। एलएनटी की टीम के पास अगर चल ली तो फिर फिलहाल एलएनटी हैदराबाद का आई गेस नेटवर्क सही नहीं है और आई गेस जोन में ही मर जाएंगे। उनका डेथ मेरे को नहीं देखना है वैसा अपना। एलएनटी हैदराबाद डाउन होते हुए जोन से। इसी के साथ साथ हम लोग के 51 बंदे 15 टीम जिंदा है 21 मिनट्स गेम के बाद। गाइस जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो भाई।
यहाँ पर इनोवा सेवन का दिन इनोवा 21 के क्लोज से रोटेट कर दिया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा, लेकिन आई गेस नॉक नहीं निकल पाए। पुशिंग करने की कोशिश करेंगे ज़रूर, लेकिन नहीं होने वाला क्योंकि टीम नंबर 7 ऑलरेडी निकल चुके हैं वहाँ से। टीम नंबर 16 का टीम भी वहाँ पे पीछे से आता हुआ, लेट्स इन लोगों के साथ फाइट्स में इंगेज होते हैं, या फिर नहीं टीम नंबर 21 का टीम या फिर 7 का टीम, दोनों जिस इस साइड में ही जाए उस साइड से ही दिक्कत हो सकते हैं। यहाँ पे एक साइड में टीम नंबर 7 का टीम शॉर्ट ले, इसीलिए गास्ट के टीम का साइज से ज़्यादा, लेकिन इधर भी बंदे हैं, इसीलिए डीसी बबिया को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो होने वाला है। ऑलरेडी डाउन हो चुके थे लेकिन और हो भी गया। एक बार टीसी बाकी के बंदे के पास चले तो फिलहाल वो लोग पूरा रोटेट करके आएंगे, आई गेस जाएंगे, नहीं तो उनका ही दिक्कत होने वाला है। पूरा घूम के जा रहे हैं वहाँ पे गास साइड होगा, सीएलएम वेनम दौड़ा, एक ओम का चाटा बना रहा है। जोन देखे तो फिलहाल ऐसा बनता होता है ना, CL5 बस दो ही टीम है जोन के अंदर, बाकी 13 टीम्स को यहाँ पे जोन ही लेना होगा। यहाँ पे 13 टीम्स हम लोग देख सकते हैं जोन के बाहर, उनको जोन को जिनको जोन हिन करना है, ये एक दिक्कत का सीन हम लोग देख सकते हैं सारे टीम्स के लिए। 22 मिनट्स गेम का हो चुका है अभी तक, 50 बंदे और 15 टीम जिंदा है। गाइस जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, थोड़ा सा शेयर कर दो भाई, स्टेटस वगैरह डाल दो, या फिर जो जो बंदे आपके दोस्त या फिर फ्रेंड सर्कल में हैं जो पबजी वगैरह खेलते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट शेयर कर दो, शायद से वो लोग कॉम्पिटिटिव वगैरह में इंटरेस्टेड हो और खेल पाए हम लोग के कस्टम में और उनका थोड़ा सा बेनिफिट हो, इसीलिए ही बोल रहा हूँ मैं। वहाँ पे LNT के इन्फेंट OP को डाउन कर दिया गया M249 के स्प्रे के साथ, LNT की टीम के पास चले फिलहाल, बाकी के दो बंदे जिंदा हैं। यहाँ पे LNT के इन्फेंट OP को डाउन कर दिया गया टीम नंबर 3 द्वारा, बाकी के दो बंदे फिलहाल LNT साइबॉर्ग और LNT के क्राप्तासुर भाई फिलहाल तो जोन की तरफ जाएंगे, लेकिन उनके सामने और पीछे हम लोग देख सकते टीम नंबर 7 का टीम भी रोटेट करता हुआ, एक दिक्कत का सीन बनता हुआ LNT के लिए भाई। ZLC बताओ विभिन्न जो जरूर जाएंगे ब्रो, लेकिन एक बड़ी स्लॉट नंबर ओके नहीं है, ZLC का पता है मेरे को, स्लॉट 9 है ऐसा होना तो सही है। इनके पीछे टीम नंबर 18 का टीम, लेट्स सी क्या होता है। थैंक्स ब्रो ज्वाइन करने के लिए, लाइक जैसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पर टीम नंबर 18 का एक बंदे को यहाँ पे फिनिश कर देगा अर्शद YT भी वहाँ पे, अहद YT आई मीन यहाँ पे ग्रेनेड ट्राई करने की कोशिश करता हुआ। ये क्या है बे, ये क्या है बे, ये क्या है, क्या चीज सही है। ऐसा एस भाई पे अकेले बच्चे हम लोग देख सकते, लेकिन उनके सामने एक स्मोक का लाइक वॉल समथिंग क्या बना मेरे को नहीं पता। ओ भाई गलत, उनके साइड में टीम नंबर 3 का टीम, यहाँ पर टीम नंबर 15 और 7 के बीच भी हम लोग फाइट जरूर देखेंगे। LNT साइबर अकेले बच्चे, उनके साथ साइड में टीम नंबर 7 का टीम और डाउन कर देगा टीम नंबर 3 और 10 भी हम लोग यहाँ पर देख सकते, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लेट सी क्या होता है, वेनम SA को भी डाउन कर दिया गया। टीम नंबर 19 का भी टीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आई गेस उनको भी डाउन कर दिया गया। यहाँ पे इसके साथ साथ दिक्कत का सीन बनता हुआ, टीम नंबर 11 और 5 अभी तक जोन के अंदर है, बाकी सारे टीम्स को जोन ही लेना पड़ेगा, ये एक दिक्कत का सीन बनता हुआ सारे टीम्स के लिए। गाइस 1 likes for 75 कैन वी हिट 75 गाइस, 1 likes और चाहिए, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई। टीम नंबर 11 और 5 जोन के अंदर है, टीम नंबर 21 भी बहुत आसानी से जोन इन ले लेंगे बिल्कुल। एक्सट्रीम OP को वहाँ पे MOB क्लैशर द्वारा डाउन कर दिया गया, TC के पास चलते फिलहाल, उनके सामने टीम नंबर 10 का टीम। अगर एक बड़ी ग्राउंड में चले तो फिलहाल टीम नंबर 10 का भी हम लोग देख सकते हैं, चारों के चारों बंदे सिंधिया स्मोक्स वगैरह लगाने की कोशिश करता हुआ, जिसकी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक बड़ी चलते इनके टीम के पास, गास्ट का टीम भी यहाँ पे जोन इन कर चुकी है, हम लोग इधर देखेंगे। सब नाउ TC के पास है M249, सामने टीम नंबर 10 का टीम, पीछे 14 का टीम, गलत सी मतलब सारे टीम्स के लिए। यहाँ पर टीम नंबर 3 के ऊपर ठीक है, गाड़ी तो ब्लास्ट कर दिया, लेट्स सी क्या करते हैं वहाँ पे। एंड थैंक्स फॉर 75 लाइक गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पे घूम के उनके जाने के पास कोशिश की, लेकिन पीछे से वेना में से आ गया, उनको डाउन नॉक फिनिश निकल गया, लेकिन फ्यूडियस गेमर का एक शॉट दिया बहुत अच्छे से, लेकिन
सही से कनेक्ट नहीं कर पाए वहाँ पे। ओके बिना मेसे के टीम के पास एक गाड़ी भी है सही वाला। टीम नंबर 3 का भी एक बंदा यहाँ पे था लेकिन फिनिश कर दिया गया। टीम नंबर 16 के साथ फाइट लेंगे टीम नंबर 10 का टीम। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि 9-10 सेकंड में उनको जोन भी जाना है। ये एक दिक्कत का सीन बनता हुआ टीम नंबर 10 और 16 दोनों के लिए। मौली भी कोशिश करे, टीम नंबर 14 का टीम जो था वो आसानी से जोन इन कर चुका, लेकिन यहाँ पर टीम नंबर 10 के दो बंदे का हालात ख़राब कर दिया गया। आई डोंट थिंक वो लोग जोन इन कर पाएंगे। बाकी दो बंदा अगर रिवाइव नहीं देखे अभी चले जाए तो फिर जोन इन ज़रूर कर लेंगे वो लोग, नहीं तो अगर एक बार ही जोन टच हो गया तो फिर दिक्कत का सीन बन जाएगा। यहाँ पर टीम नंबर 12 भी वहाँ पर वाइप होता हुआ। आई गेस यहाँ पर वेनम इससे का पूरा टीम डाउन हो जाएगा, उनको भी पता है। ओके आई गेस इसका फास्ट एड तो सही लग गया, लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ पे जोन इन कर पाएंगे। देखते हैं क्या सीन होता है। टीम नंबर 9 के पास हम लोग देख सकते हैं टीम नंबर 7 का टीम। यहाँ पे दोनों टीम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, लेट्स सी क्या होता है। और जोन वो कुछ अलग ही खेल दिखा रहा है। यहाँ पर टीम नंबर 11 और 14 के ऊपर फिर से बैक टू बैक शिफ्ट करते हैं और टीम नंबर 11 और 5 को ही सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर ZL चाहत ने ताकि एक बंदे को डाउन किया। यहाँ पर टीम नंबर 14 के एक बंदे को असलेंगे, वो फिलहाल जोन इन कर चुके हैं। उनके पीछे टीम नंबर 21 का टीम, उनके ऊपर शॉट्स आया, डाउन कर दिया गया। आई गेस टीम नंबर 11 द्वारा, हो सकता है एग्जैक्ट पता नहीं चला मेरे को। 27 मिनट्स गेम के बाद 21 बंदे और 7 टीम्स अलाइव है, भाई क्या गेम चल रहा है। यहाँ पर टीम नंबर 7 और 9 हम लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है ZLC का टीम। टीम नंबर 23 का बस 3 ही बंदे यहाँ पर जिंदा है। उनका गाड़ी भी डाउन कर दिया जा रहा है टीम नंबर 5 द्वारा, उनका गाड़ी खुद ही ब्लास्ट कर दे जैसे कोई दिक्कत ना हो इसके बाद। लेकिन सारी टीम्स उन लोगों के शॉट्स ज़रूर ले रही है। गाइस जो जो देख रहे हो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो भाई, जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया कर दो, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ जो जो पबजी वगैरह खेलते हैं कर दो भाई। आप लोगों के लिए हम लोग डेली स्क्रीम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, टूर्नामेंट्स विद प्राइस पूल भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर आप लोग की तरफ से बस थोड़ा सा ही सपोर्ट मांगा और कुछ नहीं चाहिए भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो आप बस। यहाँ पर टीम नंबर 21 और 14 भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। टीम नंबर 14 का एक ही बंदा और गास्ट का दो बंदा जिंदा है। यहाँ पर थक और बंदा डाउन होते ज़रूर, लेकिन 29 मिनट्स के बाद जोन चालू होता हुआ और जोन सबको दिक्कत देने वाला है। थक के टीम को तो बहुत ही दिक्कत देने वाला है। यहाँ पे टीम नंबर 21 और 14 जैसे जैसे करके जोनिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर टीम नंबर 7 को देखेंगे हम लोग वो लोग कैसे जोनिंग करते हैं, क्योंकि उनके साइड से टीम नंबर 9 का टीम भी वहाँ पे जोनिंग करते हैं। वहाँ पर फ्लिक्स को स्पॉट किया ज़रूर और डाउन कर देंगे। इसी के साथ साथ ZLC का टीम ख़त्म होता है, सामने टीम नंबर 7 के और किल्स भी निकालते हैं। टीम नंबर 21 बिल्कुल उनके सामने है, लेट्स सी क्या होता है। जोन फिर से शिफ्ट लेके टीम नंबर 7 के ऊपर लेता है, बाकी सारी टीम्स को यहाँ पे जोन इन करना है। इसी के साथ साथ 4 टीम्स और 12 बंदे जिंदा, टीम नंबर 11 के चारों बंदे जिंदा। ये एक एडवांटेज बन सकता है, ड्रॉप गन्स बोल के इन लोगों के पास ऑम है और एक नॉक निकलता है, लेकिन खुद का भी एक बंदा यहाँ पे डाउन होता हुआ। लेट्स सी क्या होता है। गाइज जो जो देख रहे हैं सपोर्ट दिखा दो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके भाई, एंड थैंक्स फॉर द 75 लाइक गाइज। टीम नंबर 5 और 7 ऑलरेडी जोन इन कर चुके। टीम नंबर 21 और 11 के लिए यहाँ पे दिक्कत का सीन बनता हुआ थोड़ा सा, स्पेल के एक बंदे को वहाँ पे डाउन कर दिया गया। वो कौन था मैं देखा नहीं मैंने एक्चुअली, सो सॉरी, स्पेल समथिंग नाम था उनका देखा नहीं। ओके ओके आई गेस टीम नंबर 7 के एक बंदे को वहाँ पे डाउन ना, टीम नंबर 7 का दो ही बस बंदा था, आई डोंट नो एक्चुअली, एक बंदे को तो वहाँ पे डाउन किया मैंने, एग्जैक्ट नेम देखा नहीं। टीम नंबर 5 को भी मेरे को लगता है जो लोग जोन इन कर लेंगे जैसे तैसे कट गई है बंदा, क्योंकि बाकी के दो बाकी एक बंदा ऑलरेडी सेंटर होल्ड कर चुके हैं गास्ट आर्कन भाई, ये दो भी जोन इन कर लेंगे। टीम नंबर 7 पे कंटिन्यू शॉट लेके गास्ट के एक बंदे को डाउन कर दिया। अभी 1v2 का सीन है अभी गास्ट वर्सेस टीम नंबर 7, पीछे से टीम नंबर 11 का टीम भी उन लोग के पास शॉट्स ले जा रही है, लेकिन टीम नंबर 11 ने एक बंदे खो दिया है वहाँ पे और फिनिश निकल दिया गया। वहाँ पर गास्ट पेगासस और गास्ट के वो बंदे को भी डाउन कर दिया गया। अभी जोन श्रिंक होना चालू हो चुका है, इसके साथ साथ गास्ट फास्ट फोर्थ में और टीम नंबर 11 के तीनों बंदे को यहाँ पे जोन इन करना होगा। गास्ट का आर्कन का आई गेस यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। इसके साथ साथ 2v3 का सीन है, वहाँ पर टीम नंबर 7 एक बंदे को फिलहाल रिवाइव दे, टीम नंबर 5 का भी एक बंदा नॉक है। अगर टीम नंबर 11 इसके बारे में पता है तो फिर
जरूर उनका एडवांटेज मिल सकता है और पता था यस। और अब फिनिश कर देगा गेस्ट के टीम को, लेकिन हम इन द मीन टाइम टीम नंबर 7 हमें टीम को जरूर रिवाइव दे चुके हैं। अभी 3v2 का सीन है, टीम नंबर 7 और 11 के बीच एक बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, दूसरे बंदे के ऊपर भी शॉट्स लिया जा रहा है, एक बंदे को डाउन भी कर दिया। टीम नंबर 7 भी खुद एक बंदे डाउन हुआ, तो जरूर टीम नंबर 11 के भी एक बंदे डाउन कर दिया। 1v1 का सीन है यहाँ पे, टीम नंबर 11 वर्सेस टीम नंबर 7, ग्रोजा वर्सेस यहाँ पे M416। और इनके पास दूसरा गन क्या है? ओके, AKM वर्सेस ग्रोजा होने की कोशिश करते, दोनों ने दोनों को डैमेज दिया, लेकिन यहाँ पे 2v3 करता हुआ वाइटल कटिंग वाला यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के साथ साथ 2v3 कर दिया और एक सही गेम निकालता हुआ। ओके नाइस ब्रो, सही खेला। इसके साथ साथ सेकेंड पोजिशन में आया यहाँ पे CLM का टीम, और थर्ड पोजिशन में आया वहाँ पे गस्ट का टीम। इसके साथ साथ हम लोग का गेम खत्म होता हुआ, आई गेस सबको अच्छा लगा होगा हम लोग का 2 गेम 4 गेम्स बैक टू बैक। 10 बजे ग्रुप डी का टीम्स बिल्कुल तैयार रहना गाइस, क्योंकि अब आप लोगों के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आप लोग जरूर तैयार रहना भाई। इसी के साथ साथ हम लोग का गेम खत्म होता हुआ ग्रुप डी का भी, आई गेस अब सबको अच्छा लगा होगा, बता देना कैसा लगा गाइस। 7 बंदे देख रहे हो, बता देना कैसा लगा भाई। हम लोग 4 घंटे लगातार स्ट्रीम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, पता है आप लोग ने बहुत सारे बंदे ने मेरे को सपोर्ट करने की कोशिश किया, 2 से 3 आईडी से भी सब्सक्राइब किया आई गेस, लेकिन वैसा मत करो। आप क्या कर सकते हो, लाइक आप खुद सब्सक्राइब करो या फिर दोस्त वगैरह के साथ शेयर करके आप सपोर्ट दिखा सकते हो, वैसे करके कोई फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि आपका ही आइडिया है। वैसे बस मेरे सब्सक्राइबर्स ही इंक्रीज होगा, लेकिन वैसे मेरे को नहीं करवाना, मेरे को काम करके ही करना है गाइस, इसीलिए बोल रहा। आप हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो सपोर्ट करना है तो फिर उससे अगर कोई सब्सक्राइब करता है फिर ही अच्छा लगेगा ब्रो, ऐसे सब्सक्राइब करके मज़ा नहीं लगता। आई गेस आप लोगों को पता चल गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओपी ब्रो डेविल गेमर बिल्कुल ओपी भाई। हम लोग का ग्रुप डी का गेम भी खत्म होता हुआ, इसके साथ साथ ग्रुप ई का मैचेस होगा बिल्कुल 10 बजे, तो फिर तैयार रहना, हम लोग ज़रूर आएंगे स्ट्रीम करने के लिए, आप लोग भी आना ज़रूर हो सके तो स्ट्रीम देखने के लिए। और सारे बंदे जो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं नोटिफिकेशन बेल ऑल करना बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखना गाइस, सारे बंदे को बोल रहा मैं। डेविल गेमर भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन में ऑल पे है कि नहीं एक बड़ी देख लेना भाई। 10 PM बिल्कुल भाई, 10 PM लोग का ग्रुप ई का मैचेस है, जरूर देखने आ सकते हो ब्रो। ओके ऐसा ना हम लोग और 2 मिनट तक स्ट्रीम करेंगे, 2:30 मिनट्स तक, उसके बाद हम लोग स्ट्रीम बंद कर देंगे। किसी कुछ भी बोलना वगैरह हो तो फिर बोल सकते हो। चार्ज भी ख़त्म होता हुआ 20%, एकदम लाइक 4 बजे मैंने फुल चार्ज लगा दिया था, उसके बाद अभी तक चला 20% हुआ। चार घंटे तक स्ट्रीम का बैटरी पावर है इसमें, स्ट्रीम विथ पबजी का बैटरी पावर है इसमें, नाइस। मेरे ख्याल से तो सही ही है क्योंकि 6 मंथ ओल्ड है मेरा डिवाइस, IQ O3 मेरा जो डिवाइस है 6 मंथ्स ऑलरेडी ओल्ड है, उसके साथ साथ 4 घंटे का चार्ज दे रहा है पबजी विथ स्ट्रीमिंग एट HDR एक्सट्रीम कभी कभी एंड स्मूथ एक्सट्रीम कभी कभी, तो फिर सही ही है आई गेस। 4 बंदे देख रहे हो, अगर किसी कुछ भी बोलना तो फिर बोल सकते हो, नहीं तो मैं 30 सेकेंड्स में स्ट्रीम बंद कर दूंगा ब्रो। थैंक्स गाइस जो जो देखे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, मैं और कुछ ऐसा अपना तो नहीं बोलना चाहता भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस जो जो देखे आज भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। ग्रुप बी में थोड़ा सा कम सपोर्ट था, फिर भी कोई ना, ग्रुप सी डी एंड ए ने भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स दिखाए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए।
कल भी आ जाना भाई, सपोर्ट दिखाना भाई, डेली आना गाइस। आप लोग भी कस्टम्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हो। मैं ग्रुप का लिंक आफ्टर PMCW वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, जहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। तो फिर ऐसा ना हो, बाई बाई, आते हैं हम लोग कल वापस स्ट्रीम पे। एक्चुअली कल नहीं, 10 बजे फिर से आऊँगा। तो फिर ऐसा बनाओ के लिए बाई बाई ब्रो। भाई 70+ लाइक्स हो गया, और 70+ लाइक्स हो गया, नाइस ब्रो। कितना हो गया पावर गेमर नेक्स्ट भाई? मैं इधर से तो नहीं देख सकता, अभी बता दो कितना लाइक्स हो गया। भाई कितना लाइक्स हो गया बताओ एक बार। सेवेंटी फाइव लाइक्स। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस जिसने लाइक किया भाई। 75 लाइक्स पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 घंटे में 75 लाइक्स, मज़ा आ गया भाई। चलो पावर गेमर नेक्स भाई, टाटा। हम लोग वापस आएंगे 10 बजे एग्जैक्ट, आ सकते हो तो आ जाना। अभी के लिए अलविदा, कल आज 10 बजे आएंगे एग्जैक्ट स्ट्रीम करने में हम लोग ग्रुप ई का गेम। तब तक के लिए बाई बाई भाई। पावर गेमर नेक्स भाई, एंड जो जो देख रहे हो ब्रो। ओके बिल्कुल ब्रो, चलो गया मैं।